एज यू गाइज नो हमारे 1000 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं हार्डकोर वर्ल्ड में। तो आज मैं तुमको पूरी जर्नी दिखाना चाहता हूँ कि हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस किया है, और हम ये पूरी जर्नी को एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये हमारा पूरा फुल मूवी होने वाला है हमारे हार्डकोर सीरीज का, एंड होपफुली हम 2000 डेज तक भी सर्वाइव करेंगे। दिस इज माइनक्राफ्ट हार्डकोर। हमें माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज सर्वाइव करना है, ज्यादा से ज्यादा ओपी फार्म्स बनाने हैं। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर तुम अपना एक सेकंड देकर उस लाइक और सब्सक्राइब के बटन को चेक कर लोगे तो इट विल मीन अ लॉट टू मी। सो विदाउट एनी मोर बकवास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा नया वर्ल्ड चालू हुआ, मैं चले गया लकड़ियां काटने के लिए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने टूल्स बना सकूं। और ये बना लिया मैंने एक एक्स और एक पिकैक्स स्टोन का। और अब टाइम आ चुका है कि मैं जाऊं और किसी केव्स के अंदर घुसूं ताकि वहां से मेरे को और बहुत सारे मटेरियल्स मिल सके। पटपट मेरी लास्ट वाली केव्स वाली सीरीज में तूने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया था, इसलिए यहां पे जितने भी सारे मेरे को पटपट मिलेंगे मैं सबको मारूंगा। एंड आई थिंक ये टनल एक केव की तरफ जा रहा है, और ये देखो हमको एक केव मिल चुका है। इतना बड़ा केव, माइनक्राफ्ट भी है यहाँ पे, और भाई साहब इतना ज्यादा बड़ा केव मैंने पहली बार देखा है इस पूरे वर्ल्ड में। मैंने माइनिंग करना चालू कर दिया और इस माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करते करते मुझे मिला एक सिल टच का बुक चेस्ट के अंदर। ये लेटर ऑन हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। थोड़ा सा और मटेरियल माइन करने के बाद मैंने अपना आयरन का सेट फुल कम्प्लीट कर लिया था। यार केव्स के बाहर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी रात हो रहा है और मॉन्स्टर तुम देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे घूम रहे हैं। तो मेरे को एक विलेज ढूंढना है जहाँ पे मैं अपना बसेरा बसा सकूं। थोड़े देर बाहर रहने के बाद मेरे को ये तो रियलाइज हो गया कि मेरे को यहाँ पे कहीं भी आसपास कोई विलेज नहीं मिलने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस माइनशाफ्ट के अंदर जाऊं और उस माइनशाफ्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करूं, क्या पता वहाँ पे हमको और अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए और अच्छे अच्छे बुक्स भी मिल जाए। यार इस बार हमारा लक उतना अच्छा तो नहीं था, जैसे कि तुम देख सकते हो इस चेस्ट के अंदर कोई भी अच्छा सा सामान नहीं मिला हमको। यस ये नेम टैग मेरे बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था। एंड मैं इस माइंस के अंदर इसलिए हूँ ताकि मेरे को जल्द से जल्द डायमंड मिल सके। तुम लोग जानते हो माइनशाफ्ट के अंदर डायमंड मिलना कितना आसान होता है और कितने आसानी से हमको मिल जाते हैं। फिर मेरे को थोड़ी देर में एक और चेस्ट मिला जिसके अंदर मेरे को मिला मेरा फर्स्ट गोल्डन एप्पल, और लास्ट के एक चेस्ट में मेरे को मिला एफिशिएंसी 3 की बुक। और इसी तरीके से मैं अपने माइंस को एक्सप्लोर कर रहा था, और एक्सप्लोर करते करते ही मेरे को दूसरे कॉर्नर पे डायमंड दिख गए। हमारा फर्स्ट डायमंड इस वर्ल्ड का डे 1 पे हमको मिल चुका है। सो इन टोटल हमको 6 डायमंड्स मिले यहाँ से। ये केव धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेंजरस होते जा रहे थे, जैसे कि तुम देख सकते हो ये हार्ड मोड में तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स स्पॉन होते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब फाइनली अपने सरफेस पे जाऊंगा और वहाँ जाके एक विलेज ढूंढूंगा जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूं। मैं सरफेस पे तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पे फिर से रात हो रही थी। मुझे जल्द से जल्द एक विलेज ढूंढना था, वरना मैं यहीं पे मॉन्स्टर के कारण ही मर जाता। रास्ते में चलते चलते मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा पपी दिखा, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पपी को टेम करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बोन्स थे उन स्केलेटन्स को मारने के बाद। एंड इस कुत्ते का नाम अपन रखने वाले हैं शीरो। तो शीरो लेट्स गो एक विलेज ढूंढने के लिए। शीरो और मैंने एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ाई की और बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया, लेकिन हमको कहीं पे भी कोई विलेज नहीं मिल रहा था। शीरो ये देख, हमको विलेज तो नहीं मिला, लेकिन हमको एक स्वॉम बायोम मिल चुका है, और स्वॉम बायोम में हम क्ले पैच वाली ट्रिक करके बहुत सारे डायमंड कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे इतने जल्द ही फुल डायमंड के आर्मर के सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो शीरो तू बैठ यहाँ पे, मैं अपना डायमंड का आर्मर कंप्लीट करके आता हूँ। बेसिकली तुमको क्ले पैच के सेंटर में से वाई एक्सिस की तरफ देखना है और उसके दो ब्लॉक्स के आगे स्ट्रेट डाउन डिग करना है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट गारंटी है कि तुम लोग को हमेशा डायमंड मिल जाएगा। लेकिन ये ऑलमोस्ट है, 100% गारंटेड नहीं है कि यहाँ पे डायमंड मिलेगा ही। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, इसलिए हमको पहले माइन के अंदर ही हमारा डायमंड मिल गया। सो यूजिंग दिस ट्रिक मैंने अपने डायमंड के आर्मर और अपने डायमंड के टूल्स के सेट को कंप्लीट किया और फुल्ली इक्विप्ड हो गया डायमंड से। अब हमारे ये आयरन के आर्मर को हम फेंक देते हैं और इक्विप कर लेते हैं हमारा डायमंड का आर्मर। लग रहा हूं ना एकदम हीरो। एंड मेरे को 2-3 दिन लग गए, लेकिन मेरे को फाइनली एक विलेज मिल गया जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूं। विलेज के थोड़ा सा जस्ट आगे जाके मैंने अपने चेस्ट लगा लिए ताकि मैं यहाँ पे सो सकूं। एंड फिर अपने घर के बाजू में मैंने अपने एक माइन चालू कर दी ताकि मैं यहाँ से मटेरियल्स कलेक्ट कर सकूं और यहाँ से मेरे को बहुत सारे कॉपर स्टोन और रिसोर्सेस मिल सके, ताकि हम जो अपने ओपी फार्म सब बनाने वाले हैं वो जल्द से जल्द बनाना चालू कर सकते। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने विलेज के चारों तरफ बॉस लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि रात को कोई भी ज़ॉम्बीज हमारे विलेज के अंदर नहीं आ पाएंगे, और इन फ्यूचर अगर अपन डिसाइड करते हैं कि हमको रेड वगैरह करना है तो वो सब करने भी हमको बहुत ज्यादा आसानी होगी।
फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जाऊंगा नेदर के अंदर। हमारा स्पॉन थोड़ा सा अजीब था, लेकिन मेरे को सामने में एक बैस्टियन दिख गया एंड मैं निकल पड़ा इस बैस्टियन को लूटने के लिए। इस बैस्टियन के अंदर हमको 3 एंशिएंट डिब्री और 1 नेदरराइट स्क्रैप मिल गया था, जिससे हम 1 नेदरराइट का इंगट बना पाए। फिर थोड़ा सा और ट्रैवल करने के बाद हमें मिल गया हमारा फोर्ट्रेस, जिसके अंदर हम अपने को ब्लेज रॉड कलेक्ट करने थे। चले गया वापिस से उस बैस्टियन में, जहाँ पे मैं अपने सारे गोल्ड को ट्रेड करने वाला था, ताकि मेरे को एंडर पर्ल्स मिल सके। और ज्यादा टाइम नहीं लगा और हमको हमारे सारे एंडर पर्ल मिल गए। अब हमें इन एंडर पर्ल्स को लेके जाना है उस एंड में, ताकि मैं एंडर ड्रैगन को मार सकूं और हम लेके आ सके हमारे लिए हमारा इलाइट्रा। फिर घर आने के बाद मैंने अपने पूरे इन्वेंटरी को सेटअप किया एंड तैयार होने लगा मैं एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए। अच्छा, तो अपने को इस तरफ जाना है, चलो जल्दी से चलते हैं अपन एंड पोर्टल की तरफ। थोड़े दूर ट्रैवल करने के बाद मेरे को फाइनली वो चंक मिल गया जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर मेरे को एक लाइब्रेरी मिला, जिसको मैंने पूरी तरीके से चाट के साफ कर दिया एंड ये देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे बुक्स आ चुके हैं। मैंने जल्दी से पोर्टल के अंदर अपने सारे आई ऑफ एंडर लगा दिया और कूद गया एंड डायमेंशन के अंदर। सबसे पहले तो मैंने यहाँ के बहुत सारे एंडरमैन को मारा, ताकि हमको पर्ल्स मिल सके, जिससे हमको आसानी होगी एंड सिटीज में ट्रैवल करने। एक पर्ल फेंक कर घुस गया मैं अंदर एंड बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद हमको फाइनली एक एंड सिटी मिल गया। एंड सिटीज को मैं हमेशा इस तरीके से लूटता हूँ कि मैं सबसे पहले जाता हूँ इस बोट पे और वहाँ से इलाइट्रा ले लेता हूँ, ताकि बाकी की जगह लूटने में हमको आसानी। हट जा भाई बेस से, हमेशा मेरे और इलाइट्रा के बीच में आ जाता है ये शेल्फ। यहाँ के चेस्ट में मेरे को एक डायमंड का चेस्ट प्लेट मिल गया और एक डायमंड का हेलमेट एंड एट लास्ट हमारा इलाइट्रा। चलो इसको मैं जल्दी से अपने में लगा लेता हूँ। फिर बाकी के एंड सिटी को लूटने के बाद मैं निकल गया अपने ओवरवर्ल्ड की तरफ। घर आने के बाद मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट किया, क्योंकि अब मेरे को बनाना था एक एंचांटमेंट टेबल। मैंने थोड़ा सा लैंड क्लियर किया जहाँ पे मैं अपना एंचांटमेंट टेबल को रख सकूँ एंड हमारे फर्स्ट एंचांटमेंट में ही हमको सिल्ट टच और एफिशिएंसी 4 मिल गया। बहुत ज्यादा लकी था ये। शवल में मेरे को एफिशिएंसी 3 मिला, जो कि कितना बेकार एंचांटमेंट था। इसलिए मैंने अपने बाकी के सारे एंचांटमेंट करके डिसाइड किया कि मैं अपने शवल को थोड़ी देर बाद एंचांट कर लूंगा। यार ये सब करने में पूरे एक्सपी चले गए मेरे, लेकिन एटलीस्ट अब हम अपने डॉग को नेम टैग लगा सकते हैं। फिर मैंने थोड़े से मटेरियल्स कलेक्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि अब हमको बनाना था एक अर्ली आयरन फार्म। सारे मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद मैंने एक बड़े से एरिया को टेरेफॉर्म किया, जहाँ पे हम अपना ये आयरन फार्म को लोकेट करेंगे। और इसी के साथ हमारा आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका था। देन मेरे को मेंडिंग की जरूरत थी, इसलिए मैं अपने बाजू वाले विलेज में गया और कम से कम 2-3 दिन तक तो यार मैंने अपने विलेजर्स के जॉब को रीसेट करते रहा, जब तक मेरे को ये बेवकूफ मेंडिंग की बुक ना दे दे। एंड हाँ,
बहुत टाइम लगा मेरे को, लेकिन फाइनली इसने हमको मेंडिंग की बुक दे दी। फिर मैंने अपने सारे स्टिक्स को एमराल्ड में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं उस बेवकूफ के पास जाके वो मेंडिंग की बुक खरीद सकूं। एंड ऑफ कोर्स ये मेंडिंग की बुक मेरे को इसलिए चाहिए थी क्योंकि तुम देख सकते हो मेरा जो इलाइटर है वो ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है। तो फाइनली मैंने इसमें अपना मेंडिंग का बुक लगा दिया और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक अपना ट्री फार्म, क्योंकि यार मेरे को बहुत सारे ट्रैप डोर्स चाहिए जिनके लिए मेरे को बहुत सारे वुड लगेंगे और स्प्रूस वुड तुम जानते हो कितना बड़ा उगता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्प्रूस के वुड लगा रहा हूँ। और क्या तुम गेस कर सकते हो कि मेरा ये फार्म कौन सा होने वाला है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इस फार्म के लिए हमको बहुत सारे मटेरियल लगने वाले हैं यार, जैसे कि ये मैग्मा ब्लॉक्स और बहुत ज्यादा कॉबल स्टोन, एंड हाँ थोड़े से रेड स्टोन रिपीटर भी और कंपैरेटर्स भी, उनका भी हमको बहुत काम आने वाला है इस वाले बिल्ड के लिए। एंड फाइनली क्वार्ट्स को कलेक्ट करने के बाद हम चलेगा अपने बिल्ड को फाइनली स्टार्ट करने के लिए। ऊपर जाके फिर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे मैं AFK बैठा हुआ था पूरे 2 दिन तक, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ पे हमको कितना गन पाउडर मिल रहा है। एंड हाँ ये क्रीपर फार्म है अगर तुमको पता नहीं था, एंड तुम खुद देख सकते हो हमको कितना ज्यादा गन पाउडर मिल चुका है इससे कम टाइम में। मेरे को गन पाउडर इसलिए चाहिए ताकि मैं जाके एंशिएंट डेब्री माइन कर सकूं। एंड एज यू गाइस नो TNT बनाने के लिए हमको सैंड की जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अपने नियर बाय डेजर्ट में गया। वहां पे जाके मैंने 2-3 दिन तक इतनी ज्यादा सैंड माइनिंग की ना कि मेरे को कभी और सैंड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यार फिर 1.5 सर्कल सैंड मैंने सैंड कलेक्ट किया, उसके बाद निकल पड़ा अपने घर की तरफ वापिस, जहाँ पे रास्ते में मेरे को एक डेजर्ट टेंपल भी मिला जिसमें ज्यादा कुछ तो खास था नहीं, बस थोड़े से डायमंड मिले और मेरे को Looting 3 की एक बुक मिली। मैंने यहाँ पे भी जितने TNT पड़े हुए थे उनको कलेक्ट कर लिया ताकि ये भी हमारी हेल्प करे जब हम नेदरराइट माइन करने जाएंगे नेदर में। रास्ते में मेरे को 2 विलेजेस मिले, एंड विलेजेस में उतना खास कुछ था नहीं, लेकिन हाँ वहाँ के जितने भी हे बेल्स थे वो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए। एंड आई एम टेलिंग यू अब मेरे को कभी भी फूड की कमी नहीं होने वाली है। एंड फाइनली हमारा ये 2-3 दिन का ट्रिप यहीं खत्म होता है। मैं अपने घर वापस आ चुका था और अब टाइम आ चुका था कि मैं अपने सारे गन पाउडर को और TNT को बना सकूं। बट फर्स्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा और AFK बैठूंगा ताकि मेरे को थोड़े और गन पाउडर मिले। ओके सो इट्स फाइनली टाइम कि मैं इन सारे गन पाउडर और सैंड को कन्वर्ट कर लूं मेरे TNT में। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो इन टोटल मेरे को 2.5 स्टैक TNT मिल चुका है। नाउ बस हमको नेदर में जाना है और वहां जाके देखना है कि हमको इतने सारे TNT से कितना नेदरराइट मिल सकता है, आई मीन एंशिएंट डेब्री। नेदर के अंदर आने के बाद मैंने एक ऐसा स्पॉट ढूंढा जहाँ पे लावा कम हो ताकि हम वहाँ पे डायरेक्ट डिग डाउन कर सके और स्ट्रिप माइन कर सके एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि तुम जानते हो नेदर में हर तरफ लावा ही लावा होता है। तो बस यहाँ पे स्ट्रिप माइन करके हमको बहुत सारे TNT यहाँ पे लगा देने हैं ताकि हमको होपफुली कुछ ना कुछ नेदरराइट के इंगट मिल सके, आई मीन एंशिएंट डेब्रीज मिल सके। नाउ इसको आग लगा के चलो अपन पीछे भागते। अरे भाई भाई थोड़ा और पीछे जाना है मेरे को वरना मैं मर जाऊंगा यहीं पे। और तुम देख सकते हो ये ब्लास्ट है, ये क्या भाई इतना सा ब्लास्ट हुआ है सिर्फ। आई थिंक मेरे को इस बार और एक बार मेरे को इसको लाइट करना पड़ेगा ताकि ये पूरा TNT ब्लास्ट हो। चलो अब इसको मारने के बाद फिर से पीछे चलते हैं अपन, होपफुली इस बार ये पूरा ब्लास्ट हो जाए। एंड अबे मर मत जाना, मैं अपना चेस्ट प्लेट पहन लेता हूँ। एंड तुम देख सकते हो ये ट्रेल जो है ये पूरा जा रहा है, पूरी तरीके से माइन कर रहा है ये। नेवर माइंड ये यहाँ पे आके फिर रुक गया, एक सेकंड देना मेरे को, मैं इसको फिर से आग लगा के आता हूँ। नाइस, अब होपफुली ये पूरा ट्रेन जो है कंप्लीट करे और फिर से आधे में ना रुक जाए। ओके सो इतना सारा मेरे को TNT फोड़ने के बाद एटलीस्ट यहाँ पे एक एंशिएंट डेब्री तो मिला। फिर मैंने अपने बाकी के TNTs में भी आग लगा दी एंड पूरे 2.5 स्टैक TNT फोड़ने के बाद भी मेरे को सिर्फ इन टोटल 12 एंशिएंट डेब्रीज मिले।
इनको स्मेल्ट करने के बाद मैं चाहता तो था कि मैं अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट का बना लूं, लेकिन तुम जानते हो कि मेरे डायमंड के आर्मर में कोई भी अच्छा एन्चेंटमेंट नहीं लगे और मेरे पास लेवल्स भी तुम देख सकते हो कितने ज्यादा कम हो चुके हैं। एंड मेरे को इस समय लेवल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है एन्चेंटमेंट्स के लिए। तो इसलिए आई थिंक हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है एक एक्सपी फार्म, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एंडरमैन एक्सपी फार्म, जो कि हम बनाएंगे हमारे एंड डायमेंशन। तो फिर मैंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को इस वाले बिल्ड के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। और माइन करते करते मेरे को ये ड्यूड भी मिल गया जिसके अंदर मेरे को फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में एमेथिस्ट के ब्लॉक्स मिले। एंड हाँ, मैंने पूरी तरीके से ज्योड को तोड़ दिया और यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स पड़े हुए थे वो सब कलेक्ट कर लिए। फिर मैंने लगातार 2-3 दिन तक माइनिंग की क्योंकि मेरे को इन टोटल 1 शल्कर बॉक्स फुल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड 1/2 शल्कर बॉक्स फुल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स लगेंगे इस बिल्ड के लिए। एट लास्ट मेरे को थोड़े ट्रैपडोर्स बनाने के लिए ट्री चॉप करने थे और हमारे पूरे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका था, बस मेरे को एक नेम टैग चाहिए था जो कि मेरे को मिलेगा मेरे लाइब्रेरियन वाले विलेजर्स। तो फिर मैंने जल्दी से अपने विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग की, उनको अपग्रेड किया ताकि फाइनली हमको वो हमारा नेम टैग दे सके। और हमारा नेम टैग लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस फार्म में हमको ऊपर में एक एंडरमाइट स्पॉन करना है और बिना नेम टैग के वो डिस्पॉन हो जाता। और इस ऊपर में एंडरमाइट का नाम हम रखने वाले हैं एंड्रीना। एंड एट लास्ट एंड्रीना को स्पॉन करवाने के बाद हमारा ये एंडरमैन एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका है। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द फार्म मैंने नीचे ही हमारा एक एन्चेंटमेंट टेबल लगा दिया ताकि मैं यहीं पे अपने सारे एन्चेंटमेंट्स कर सकूं और मेरे को बार बार मेरे ओवरवर्ल्ड में जाने की जरूरत ना पड़े। मैंने 4-5 दिन तक बार बार बुक्स को एन्चांट डिसएन्चांट करते रहा ताकि मेरे को परफेक्ट सेट ऑफ आर्मर मिल सके और एक बहुत ही परफेक्ट सेट ऑफ टूल्स मिल सके। एंड आफ्टर अ व्हाइल This is all the tools that I have. और at the end मेरे हेलमेट में तुम देख सकते हो अनब्रेकिंग 3, प्रोटेक्शन 4, रेस्पिरेशन 3 एंड एक्वा एफिनिटी लगा हुआ है। एंड बाकी के सारे आर्मर्स में भी प्रोटेक्शन 4 और फेदर फॉलिंग 4 लगा हुआ था। और इसी के साथ मेरा फुल नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट मुझे जरूरत थी थोड़े रेडस्टोन की क्योंकि यार तुम देख सकते हो मैं हमेशा उड़ते रहता हूँ अपने इलाइट्रा से, जिसके कारण मेरे सारे रॉकेट्स खत्म हो गए और रॉकेट्स पेपर से बनता है और मेरे पास पेपर का ज्यादा सोर्स है नहीं। इसलिए अब मैं बनाने वाला हूँ एक जायंट शुगर केन फार्म ताकि मेरे को कभी भी पेपर की कोई कमी ना हो। तो मैं आ गया हूँ अपने माइंस में फिर से ताकि मैं कलेक्ट कर सकूँ सारे मटेरियल जिससे हम ये फार्म बना पाए। ये शुगर केन वाला फार्म मैं अपने क्रीपर फार्म के बाजू में बनाना चाहता था, बट यार तुम देख सकते हो मेरे क्रीपर फार्म के बाजू में कितना बड़ा सा माउंटेन है। तो मैं लग गया इस पूरे माउंटेन को खुद अपने हाथों से तोड़ने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये माउंटेन इतना बड़ा था और मेरे को उसको तोड़ने में इतना ज्यादा टाइम लग गया ना, लाइक लिटरली यार मैं 4-5 दिन सोया हूँ यहाँ पे ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ क्योंकि रात में इतने सारे मॉब्स। बट इतनी मेहनत के बाद फाइनली मैंने पूरे ग्राउंड को फ्लैट कर लिया था। एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे जो शुगर केन यहाँ पे पड़े हुए हैं मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको जो अभी फार्म बनाने वाला हूँ उसमें यूज कर सकूँ। एंड मेरे को यहाँ पे इसके एंड में यानी यहाँ पे पानी रखना जो कि 8 ब्लॉक्स जाने के बाद रुक जाएगा। यहाँ बीच में मैं हॉपर लगाने वाला हूँ, ये लग गए मेरा हॉपर। और इसके आजू बाजू मेरे को बस ग्रास ब्लॉक्स लगाने ताकि मैं यहाँ पे अपना शुगर केन ग्रो कर सकूँ। देख सकते हो मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब बस मेरे को यहाँ सामने में ग्लास लगाना है एंड आई थिंक मेरे को एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा यहाँ से ताकि शुगर केन गिर सके कहीं पे। बाकी हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है एंड ये लग गए मेरे पूरे ग्लास। और मैंने थोड़ा सा
वुड को इस तरफ लगा दिया एंड देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये फार्म। अब मेरे को बस ऊपर की तरफ जाना है और इस चेस्ट में देखना तुम कितने सारे शुगर केन आ जाएंगे। होपफुली आई होप बहुत ज़्यादा आए। तो अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर अपने AFK प्लेटफॉर्म में और ये रहा मेरा AFK स्पॉट। एंड पूरे 2 दिन के AFK होने के बाद मेरे पास इन टोटल आ चुके हैं एक गन पाउडर। एक मिनट, ओके मैं डर गया था भाई, मेरे को गन पाउडर ही नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को गन पाउडर यहाँ पे बहुत सारा मिल चुका है। बाय द वे मैं गन पाउडर इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम देख सकते हो मेरे जितने भी टूल्स हैं वो अभी भी डायमंड के हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आखिरी के हमारे दिन बचे हैं उसमें मैं जाऊं और एंशिएंट डेब्री को माइन करूं। एंड चलो अब चल के देख लेते हैं हमारे पास कितना ज्यादा शुगर केन आया है या कितना कम आया है। एंड ओके नॉट बैड, पता नहीं मेरे को ये ज्यादा है कि कम है, देखने से तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है। एंड आई थिंक ये वाले फार्म को ना मैं यहाँ लेफ्ट में और बनाऊंगा क्योंकि यार देखने से ज्यादा लग रहा है बट ना स्टिल मेरे को ये बहुत कम शुगर केन लग रहा है, इसलिए मैं ये फार्म को ना एक बार और डबल करूंगा साइज में। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे गन पाउडर और सैंड को कन्वर्ट कर लिया TNT में, जिससे इन टोटल मेरे को 4 स्टैक और 17 TNT मिल चुके हैं। एंड मैं आ चुका हूँ नेदर में फिर से मेरा डिस्ट्रक्शन चालू करने के लिए। तो फिर पूरे 5 दिन तक मैंने TNT माइन की ताकि मेरे को जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डेब्री मिल सके। एंड एट लास्ट इन टोटल मेरे को 22 एंशिएंट डेब्रीज मिल गए। मैंने अपने सारे टूल्स में नेदरराइट लगा लिया और मेरे पास एक नेदरराइट का इंगट अभी बचा भी हुआ है जिसको मैं लगाने वाला हूँ अपने होम में। सॉरी कि मैंने सारे इंगट को पहले लगा दिया और मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट बाद में किया, बट मैं यहाँ एंड में वापिस आ चुका हूँ ताकि मैं अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर सकूं। मैंने मेरे होम में एक एंचांटमेंट ले लिया जिसमें मेरे को Fortune 2 मिला, जिसको मेरे पास जो पहले से Fortune 3 की बुक पड़ी थी उससे कंबाइन कर दिया। एंड फाइनली हमारे हो में मैंने लगा लिया नेदरराइट और ये बन चुका है अब नेदरराइट का हो। सीरियस डेडिकेशन और 200 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। हमने 100 डेज तो ऑलरेडी सरवाइव कर लिया हमारे हार्डकोर के वर्ल्ड में, बट इट्स टाइम कि हम एक स्टेप और आगे जाएं। इस वीडियो में मेरे 4 मेन गोल होने वाले हैं। पहला, हमको एक डायमंड का बीकन बनाना है, उसके बाद एक ट्रेडिंग हॉल बनाना है, उसके बाद एक गोल्ड फार्म बनाना है, उसके बाद हमको हमारे एक बहुत ही ओपी सा हाउस बनाना है। सबसे पहला काम है कि हमको एक डायमंड का बीकन बनाना है इस 200 डेज में। और तुम पूछोगे अगर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक हफ्ते पहले जिसमें लिखा था मैंने कि तुम 200 डेज में क्या देखना चाहोगे और मैक्सिमम लोगों ने कहा था डायमंड बीकन। तो यार अगर तुम लोगों ने कहा है तो सबसे पहले तो हम डायमंड का बीकन ही बनाएंगे। लेकिन बीकन बनाने के लिए हमको चाहिए 3 विदर स्कल्स, जिसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा नेदर में और कोई ऐसा फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे विदर स्केलेटन स्पॉन होते हो। तो नेदर में जाने के लिए जितने भी हमको इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने इन्वेंटरी अपना पूरा सॉर्ट आउट कर लिया, मेरे पास सॉर्ड लूटिंग 3 का और मेरे पास बहुत सारे ब्रेड है और हम नेदर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हैं? भाई क्रीपर ने मेरा पोर्टल तोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं फ्लिंट एंड स्टील यहाँ पे लेके आया था। इस पोर्टल को हम आसानी से लाइट अप कर सकते हैं। अब बस मेरे को जाके एक फोर्ट्रेस ढूंढना जहाँ पे हमको बहुत सारे विदर स्केलेटन मिल सके, जहाँ से हम अपने विदर स्कल्स कलेक्ट कर पाएंगे। हमारी ये फोर्ट्रेस में अंदर आने के बाद हमारी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मेरे को हार्डली कोई विदर मिल रहा था और तुम जानते हो कम मिलते हैं तो भाई विदर स्केलेटन स्कल मिलना तो एकदम ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं इस फोर्ट्रेस से निकल के किसी और फोर्ट्रेस में जाऊंगा ताकि वहां पे मेरे को ज्यादा विदर स्केलेटन मिल सके। एंड देयर वी गो, हमारा फर्स्ट विदर स्केलेटन स्कल हमको फाइनली मिल चुका है। तुम्हारे लिए तो ये 2 सेकंड के लिए बस था, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको कम से कम मेरे को आधा घंटा लगा है इस एक विदर स्केलेटन स्कल को पाने के लिए। और इस विदर स्केलेटन को पाने के बाद तुम देख सकते हो वहाँ पे मेरा सेकंड विदर स्केलेटन का स्कल पड़ा हुआ है। एंड आफ्टर 1 आवर फाइनली हमारा थर्ड एंड लास्ट विदर स्केलेटन स्कल हमको मिल चुका है। तो चलो इसको लेके अब चलते हैं हमारे ओवरवर्ल्ड में ताकि हम विदर को मार सके और अपना डायमंड बीकन को बनाना चालू कर सके। अब बस यहाँ पे ऐसे सोल सैंड लगा देना है एंड यहाँ पे हमको स्कल्स को प्लेस कर देना है इस तरीके से। एंड नेवर माइंड, मैं बेवकूफ हूँ, स्कल्स को ऊपर प्लेस किया जाता है, इसको तोड़ के मैं जल्दी से ऊपर लगा लेता हूँ। एंड देयर वी गो, हमारा विदर हो चुका है स्पॉन। नाउ जब ये स्पॉन हो चुका है इसको दूर से हमको बस इन एरो से मारना है एंड हाफ हेल्थ पे आने के बाद इसको सॉर्ड से मार रहे हैं। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे मैं डायमंड का सॉर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस डायमंड के सॉर्ड में स्माइट 3 लगी हुई है। बस एक दो बार इसको और मारना है और ये मर जाएगा। आई थिंक ये मेरा लास्ट हिट होने वाला है। एंड यस, हमारा विदर स्केलेटन विदर मर चुका है
और हमारा फर्स्ट नेदर स्टार भी हमको इस वर्ल्ड का मिल चुका है, जिससे हम हमारा फर्स्ट और वो भी बहुत ही ज्यादा ओपी बीकन बना पाएंगे। तो अब हमारा काम है कि हमको बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट करने हैं। एंड गाइस डोंट इवन थिंक कि मैं स्ट्रिप माइन करने जाऊंगा, क्योंकि यार हफ्ते लग जाएंगे, पूरे 100 डेज में सिर्फ हम एक ही बीकन माइन करते रह जाएंगे। तो जो मैंने तुमको हमारे फर्स्ट एपिसोड में 100 डेज में स्वॉर्म की ट्रिक बताई थी, हम वाली ट्रिक को यूज करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डायमंड मिल सके। बेसिकली हमको एक छोटा वाला क्ले पैच ढूंढना है, उसके बाद साउथ की तरफ लोकेट करना है। F3 में तुम देख सकते हो लेफ्ट साइड में तुमको लोकेशन दिखाता कि तुम कहां पे फेस कर रहे हो। फिर मिडिल वाले ब्लॉक से 2 ब्लॉक आगे जाने के बाद वहां पे स्ट्रेट डाउन डिग करना है। एंड हां, यहां पे जितने भी डिफरेंट ओर्स है लाइक आयरन या फिर कोल या फिर कॉपर, मैं सबको कलेक्ट करूंगा, वो भी हमारे सिल टच वाले पिकैक्स से, ताकि इन सबको भी हम घर में ले जाके तोड़ सके और कलेक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा मटेरियल। एंड देयर वी गो, हमारे ट्रिप का हमको हमारा फर्स्ट डायमंड मिल चुका है। बट सैडली यार ये इतना ज्यादा छोटा वेन है, मेरे को सिर्फ 3 डायमंड मिले। एंड हां, मैंने तुमको बोला ना कि मैं सिल टच यूज करने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा डायमंड कलेक्ट कर पाएंगे, जिनको हम अपने घर ले जाके तोड़ेंगे हमारे फॉर्च्यून वाले पिकैक्स से, ताकि हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डायमंड मिल सके। एंड लुक एट दिस, इट वर्क्स एवरी टाइम, ऑल्दो फिर से हमको सिर्फ 3 डायमंड मिले हैं यार। तो 2 दिन के बाद बार बार इन क्ले पैचेस के अंदर जाके नीचे डिग करने के बाद हमारे पास इन टोटल आ चुके हैं 78 डायमंड। चलो अब इन सारे डायमंड को लेके चलते हमारे घर में, क्योंकि इन टोटल हमारे पास 78 और आया है डायमंड का, जिसको अभी हमको कन्वर्ट करना है नॉर्मल डायमंड्स, जो कि मैं करने वाला हूँ मेरे फॉर्च्यून वाले पिकैक्स से। तो घर जाके देखते हैं कि हमको इन टोटल कितने सारे डायमंड मिले हैं। 2 से 3 स्टैक तो मिल ही गया होगा अभी तक। मैंने अपने सारे जितने भी मेरे को डायमंड के ओर मिले थे, मैंने उन सबको लाइन से नीचे रख दिया एंड स्टार्ट कर दिया उन सबको माइन करना मेरे फॉर्च्यून 3 के पिकैक्स से, जो कि यार मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरे को 2.5 स्टैक एटलीस्ट मिलेगा। एंड तुम देख सकते हो हमको एग्जैक्टली 2.5 स्टैक ही मिला है डायमंड। एंड हाँ, बाकी के भी मेरे को जितने ओर्स मिले थे मैंने उन सबको रखा और उन सबको भी माइन कर लिया, देखने के लिए कि हमारे पास कितना आयरन या कॉपर आने वाला है। माइन करने के बाद तुम देख सकते हो मेरे पास कितना सारा आयरन है, कम से कम 4.5 स्टैक ऑफ आयरन मेरे पास पड़ा हुआ है। एंड ज्यादा ओल तो मैंने माइन किया नहीं था। एंड मेरे को अभी याद आया कि मैंने कॉपर भी इस बार माइन नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अपन जाएंगे डायमंड ढूंढने के लिए तो मैं सारे कॉपर्स भी माइन करूंगा। मैंने थोड़ा सा अपना पिद्दी सा दिमाग लगा के ये स्मेल्टिंग वाली मशीन बना दी है, जहां पे हम पीछे में डालेंगे इसके फ्यूल्स और ऊपर वाले चेस्ट में डालेंगे जितने भी ओर्स जो हमको स्मेल्ट करने। बाकी के कुछ दिन मैंने बहुत सारे क्रीपर लोगों से लड़ाई की और बहुत सारा डायमंड कलेक्ट किया। बेसिकली मेरा पूरा 10 से 20 दिन यही करने में निकलने वाला था। मैं बार बार जा रहा था अपने माइंस के अंदर, उस स्वॉम्प के अंदर, एंड बार बार मैं डायमंड्स कलेक्ट कर रहा था। एंड यू गाइस कैन सी कि हर बार मेरे को डायमंड नहीं मिल रहे थे, कुछ बार ऐसा भी हो रहा था कि मैं डायरेक्ट बेडरॉक तक पहुंच जा रहा था बिना किसी डायमंड्स के। तो फिर मैं दिन रात 1 घंटे तक माइनिंग करते रहा, लिटरली मेरे को ये करने में 30 दिन लग गए। लेकिन एट लास्ट इतनी मेहनत के बाद हमारे पास आ गए थे इनफ डायमंड के ब्लॉक्स के हम बना सके हमारा एक डायमंड का बीकन। बाकी के ब्लॉक्स मेरे एंडर चेस्ट में रखे हैं, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। वेट, नेवर माइंड यार, मेरे पास इनफ डायमंड के ब्लॉक्स नहीं है अभी भी यार, मैं 26 दिन से सिर्फ माइनिंग ही कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अभी और माइनिंग करने के लिए जाऊंगा, बट उसके पहले मेरे को जो और भी बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं जो मैंने रास्ते में कलेक्ट किए थे, मैं उनको यहाँ पे जमीन पे बिछा देता हूँ एंड इनको तोड़ के देखते हैं कि हमको कितना मटेरियल मिला है। ओके, सो मेरे को जितना भी कॉपर मिला यहाँ पे मैं इन सब कुछ लगा देता हूँ स्मेल्टिंग के लिए, और मेरे को कोल भी मिला है तो हमको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। एंड ये जो छोटे छोटे कॉबल स्टोन के तुमको डॉट दिख रहे हैं ना ये स्वॉम्प में, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने माइनिंग की है। एंड डोंट वरी, तुम लोग को इस वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक मैं बहुत जल्द दूंगा, मे बी 1000 या 500 डेज में मैं इस वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक तुमको दे दूंगा, ताकि तुम भी जाके देख सको कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ किया है। घर जाते जाते मेरे को एक जंगल बायोम दिखा, जहाँ से मेरे को चाहिए थे स्कैफोल्डिंग, जो कि बैम्बू से मिलते हैं। और रास्ते में हमको यार फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मेरे को एक जंगल टेम्पल मिला है। चलो इसके अंदर जाके देखते हैं। वैसे मेरे को पता है यहाँ पे कुछ लूट खास तो होता है नहीं, एंड जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे कोई भी खास लूट नहीं है। यार डोंट यू थिंक इतना रेयर है और इतने मुश्किल से मिलता है यहाँ पे कम से कम अच्छी लूट? यार डोंट यू थिंक इतना रेयर टेम्पल है ये इतना मुश्किल से मिलता है किसी को, यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी लूट होनी चाहिए। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने सारे डायमंड को लगा दिया लाइन से, मेरे को बस थोड़े से और ब्लॉक चाहिए थे डायमंड के मेरे डायमंड बीकन कंप्लीट करने के लिए। तो मैं लग गया इन सारे डायमंड को तोड़ने के लिए जल्द से जल्द।
एंड विद दैट हमारे पास इनफ डायमंड के ब्लॉक्स आ गए कि हमारा डायमंड का बीकन हम कंप्लीट कर सके। बट उसके पहले मैं यार जाके सो लेता हूँ, ये आयरन को हटाने का टाइम आ चुका है। एंड विद दिस हमारा डायमंड का बीकन हो चुका है कंप्लीट। फाइनली 30 दिन लग गए हमको हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने में, जो कि था डायमंड का बीकन बनाना, लेकिन एट लास्ट हमने कर लिया। एंड तुम देख सकते हो मेरे हाथ में अभी भी 60 डायमंड के ब्लॉक्स बचे हुए। मैं नेदर में जाके कुछ ब्लेज रॉड मारा फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे को ब्लेज रॉड की जरूरत थी पोशंस वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को अपने विलेजर्स को क्योर करना। मैं हमारी ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए एरिया को फ्लैट कर रहा था, यहाँ से सारे ग्रास हटा रहा था, लेकिन उसके पहले ये भाई साहब लोग हमारे घर के पास आ गया और इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वॉर अब होने वाली है रेड। मैंने उनके लीडर को मार दिया जिससे मेरे को मिल गया एक बैड ओमन का इफेक्ट। इन पिलेजर से लड़ना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि तुमको याद होगा कि मैंने अपने 100 डेज में इस पूरे विलेज को कर दिया था वॉल से कवर। इस इवोकर को मारने के बाद हमको मिल गया था हमारा टोटम, जिसको मैंने सोचा कि मेरे को सरवाइव करने में अब बहुत आसानी होने वाली है, लेकिन शायद मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, उसके कारण मेरे को मेरा एक टोटम खोना पड़ा। थैंकफुली इस रेड में बहुत सारे इवोकर्स आए थे तो हमारे पास बहुत सारे टोटम भी हो चुके थे। एंड इन दो फाइनल पिलेजर्स को मारने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका था, हमने रेड कंप्लीट कर ली। वेल सैडली अभी तो मेरे को कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे को ट्रेडिंग हॉल बनाना है जहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा ओपी रेट्स मिल सके। सबसे पहले तो मैंने हमारा एक एरिया मार्क किया जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ट्रेडिंग हॉल को बनाने वाला हूँ। उसके बाद मेरे को ये बनाते बनाते याद आया कि मैं बिल्डिंग क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को बिल्ड करना बिल्कुल भी नहीं आता है एंड आई हेट बिल्डिंग इन माइनक्राफ्ट। बट ये मेरे को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि मेरे को आता नहीं। तो हम जितना ज्यादा बिल्ड करते जाएंगे इस वर्ल्ड में, धीरे धीरे करके मैं सीखते जाऊंगा इस वर्ल्ड में बिल्ड करना। एंड ये ट्रेडिंग हॉल बनाते बनाते यार और पिलेजर्स आ गए। आई डोंट थिंक इनको पसंद है जब मैं हमारी बिल्डिंग के में काम करता रहता हूँ और हमारे विलेजर्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। बट एनीवेज यहाँ पे एक और पिलेजर आया था, इसको मैंने अपने बोट में डाल के रखा है, इसको भी मार लेते हैं, फिर हमको मिल जाएगा बैड ओमन 2 का इफेक्ट। एंड इसी के साथ हमने हमारा एक और रेड स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑफकोर्स रेड को खत्म करने में हमको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, मैं इनको दूर से बस अपने एरो से मारे जा रहा था। एंड देखते ही देखते हमने ये वाला रेड भी कंप्लीट कर लिया, हमारा रूफ भी कंप्लीट हो चुका है हमारे ट्रेडिंग हॉल का, बस अब मेरे को इसके इंटीरियर और आजू बाजू की जगह को डेकोरेट करना है, उसके बाद हमारा ये हॉल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हमारे इसके अंदर विलेजेस डालने के बाद मैं ये रैंडमली यहाँ पे रैंडम ब्लॉक्स लगाए जा रहा हूँ, क्या पता ये सब करने से थोड़ा सा ये हमारा घर अच्छा लगे, क्योंकि ये रोड जो है अभी एकदम ग्रास का रोड है, बहुत प्लेन लग रहा है, तो लेट्स सी अच्छा लगता है। एंड हाँ, मैं अपने घर के आजू बाजू भी लीव्स ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ये भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। एंड हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये जो रोड मैंने यहाँ पे रैंडमली बनाया है और इतने सारे जो मैंने लीव्स लगाए, ये दिखने में एक साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बेसिकली मेरे सारे विलेजर्स यहाँ पे खड़े रहेंगे और पीछे में मैं रखने वाला हूँ एक ज़ॉम्बी को, जो हमेशा हमारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी फाइट करता रहे, जिसको हम बार बार क्योर कर सके, ताकि हमको कम से कम में बहुत ज्यादा अच्छी डील्स मिल सके। एंड हाँ, इस डिजाइन का मैं तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर तुम भी ये वाला बिल्ड बनाना चाहो तो जाके अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बना पाओगे। बस यहाँ पे अब मेरे को पिस्टन्स लगा देना है एंड इसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं अपन। एंड ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा ज़ॉम्बी रहेगा, जो हमेशा हमारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी फाइट करता रहेगा। नाउ आई डोंट रिमेम्बर व्हाई, बट मैंने इस ज़ॉम्बी का नाम रखा था बकरा, पता नहीं क्यों। बस इस बोट को तोड़ना है और ये ज़ॉम्बी को हमको यहाँ पे ट्रैप कर देना है। एंड जस्ट लुक एट दिस, इसको पता भी नहीं चला और ये कब हमारा कैदी बन चुका है। उसके हाथ में एक बोट है जिसके साथ वो जिंदगी भर खेल सकता है। बाय द वे, बाहर फिर से पिलेजर्स आ गए थे। आई डोंट थिंक इनको पसंद है कि मैं ये विलेजर का हॉल बनाऊं, तो मैंने उनके लीडर को कैप्चर कर लिया एक बोट के अंदर, ताकि बाद में हम कारा जब भी मन करे हम एक रेड कर पाए। आई ट्राइड कि यार मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूं, लेकिन तुम लोग जानते हो मेरे को बिल्डिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो मेरे से डेकोरेशन तो बिल्कुल हो नहीं रही थी। एंड हाँ, अब बस हमारे विलेजर्स को हमको इस माइन कार्ट में बैठा के लेके जाना था हमारे ट्रेडिंग हॉल के अंदर। जैसे कि तुम देख सकते हो ये वाला विलेजर जा रहा है, ऑल्दो सैडली ये वाला विलेजर मर गया क्योंकि मैंने अच्छे से सेटअप नहीं किया, तो रेस्ट इन पीस विलेजर दादा। फिर मैंने पीछे में एक ब्लॉक लगा दिया ताकि आगे से बाकी विलेजर्स आने वाले ना मरे। एंड एज यू गाइस कैन सी, ये परफेक्टली वर्क कर रहा था। हाँ, ये क्रीपर फट गया, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ऐसा माइनक्राफ्ट को देखने में पसंद ही नहीं आता है ना। बट एटलीस्ट हमारा डॉग शीरो
सेफ। मैंने यही मेथड यूज करके हमारे बाकी के भी सारे विलेजर्स को अंदर लेके आ गया हमारे ट्रेडिंग हॉल के। एंड यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इतने सारे कॉपर का क्या करूं। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमारा 4 में से 2 काम हो चुका था कंप्लीट, लेकिन अब हमको हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करना था। हमको बनाना था एक गोल्ड फार्म, वो भी नेदर के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे लैडर लगा दूं और यहाँ से एक एंडर पर्ल फेंकूं तो हम इस बेडरॉक के ऊपर आसानी से जा पाएंगे। बट बेडरॉक के ऊपर आने के बाद हमको हमारे नीचे जाने का भी रास्ता बनाना था, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे तुम लिटरली बेडरॉक तोड़ सकते हो। वेल बेसिकली तुमको ऐसे 2 ब्लॉक्स रखने हैं यहाँ पे, यहाँ पे ट्रैप डोर और यहाँ पे एक लीवर और यहाँ पे एक TNT और यहाँ पे ऑपोजिट साइड में भी हमको एक पिस्टन लगाने के बाद TNT रखना है। फिर यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है और यहाँ नीचे में स्पैम क्लिक करना है ताकि ये पिस्टन यहाँ पे प्लेस हो जाए। क्योंकि तुम देख सकते हो मैं फेल हो गया और हमारा पिस्टन यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ, तो इसलिए इसको एक बार फिर से बना लेते हैं अपन। लेट्स होप दिस टाइम ये वर्क कर जाए। और हमारा पिस्टन प्लेस हो चुका है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पिस्टन को तोड़ूंगा तो इसके नीचे बेडरॉक हमारा ब्रोकन मिलेगा। एज यू गाइस कैन सी हमारे पिगलिंग भैया वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। तुम देख सकते हो कि हमारा बेडरॉक टूट चुका है और हमको हमारा यहाँ से एस्केप रूट मिल चुका है। नाउ हमको बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक्स चाहिए थे, जब मैं बोल रहा हूँ ना बहुत सारे, आई लिटरली मीन 2 से 3 शल्कर बॉक्स ऑफ मैग्मा ब्लॉक चाहिए हमको। क्योंकि अगर अभी तक तुमने गेस नहीं किया था तो हम बनाने वाले हमारा सबसे ओपी गोल्ड फार्म। तो हमने इन टोटल 3.5 बॉक्स ऑफ शल्कर शेल वर्थ मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए। बाय द वे ये जो मॉस ब्लॉक्स है ना, मैं इनको अपने ट्रेडिंग हॉल के आजू बाजू प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लिटरली हमको पूरा बायोम दे सकते हैं सिर्फ एक ब्लॉक से। यार तुम देख सकते हो इसको बोन मिल करने के बाद ये जो ग्रास है ये स्प्रेड होते जा रहा है, और अगर मैं इनको बोन मिल कर दूंगा तो ये बन जाएंगे ट्री। एंड यार मेरे को बिल्डिंग करना तो नहीं पसंद, लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाता है ना तब यार कितना प्यारा लगता है। जैसे तुम देख सकते हो मेरा ट्रेडिंग हॉल कितना मस्त लग रहा है। एंड यस आई नो ये उतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यार मेरे को बिल्डिंग बिल्कुल करना नहीं आता और मेरे लिए भाई मैंने ये क्या ही बना दिया। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा अनोइंग होने वाला है, क्योंकि मेरे को बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए टर्टल्स के एग्स, और मैंने अभी तक हमारे वर्ल्ड में एक भी टर्टल कहीं पे नहीं देखा है। वैसे अनोइंग तो मेरे लिए था ये, तुमको तो डायरेक्ट मैंने तभी काट के दिखा दिया जब मेरे को टर्टल्स एक्चुअल में मिल गए। एंड अब बस इन टर्टल्स को हमको ब्रीड करा देना है। इनके मेरे को टर्टल एग्स चाहिए ताकि हम उसको अपने गोल्ड फार्म में यूज कर सके। कम ऑन मर मत यार, अभी तो तेरा बच्चा होने वाला है। मे बी इसको पता था कि मैं इसके बच्चे को किडनैप करने वाला हूं, इसलिए पहले ही निकल रहा था इस दुनिया से। बट विद दिस 3 टर्टल एग्स हम जा सकते हैं हमारा फार्म को बनाने के लिए। इन दोनों टर्टल का नाम मैंने एडम और ईव रखा है, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट टर्टल्स है जो हमको इस वर्ल्ड में मिले। नाउ बस हमको ये बैम्बूस कलेक्ट करना है ताकि हम बहुत सारे स्कैफोल्डिंग बना सके और जा सके हमारे एंड में। वेट एंड में नहीं, हमको नेदर में जाना है यार। मैं हमेशा एंड में फार्म बनाता हूँ, मैं भूल गया था, इस बार हमको नेदर में फार्म बनाना। बाय द वे डोंट वरी गाइस, इस फार्म का भी तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से तुम देख के ये फार्म को अपने वर्ल्ड में भी बना पाओगे। बेसिकली हमको 223 वाई लेवल पे आना था। एंड हाँ ये सब एक्सप्लेन करना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तुमको उस ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ आगे तुम देख लेना यार कैसे बनता है ये फार्म अच्छे से। बेसिकली अब हमको यहाँ पे भी हॉपर लगा देने जो हमारे चेस्ट के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारे सारे आइटम्स कलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे स्टोन के ब्लॉक्स और वॉल के साथ मेरे को ऊपर जाना है एटलीस्ट वाई लेवल 252 पे। अब यहाँ से 5 ब्लॉक नीचे जाने के बाद मेरे को ट्रैप डोर लगाना है यहाँ पे ताकि यहाँ पे हम लावा डाल सके। ये डाल दिया मैंने लावा, और अभी तक मैंने जो भी किया उसको एक बार फिर से मेरे को रिपीट करना होगा हमारे सामने वाले पे ताकि वहां से भी पिगलिंग्स ड्रॉप हो सके। एंड अब बीच में यहाँ पे मेरे को एक बटन लगा देना है। एंड अब मेरे को करना था सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला टास्क, मेरे को पूरे फार्म को अब मैग्मा ब्लॉक से बनाना था। एंड तुम देख सकते हो पिगलिंग्स ऑलरेडी स्पॉन होना चालू हो चुके हैं। मैंने चारों तरफ एक टी शेप बना दिया, बस मेरे को इन ब्लॉक को कनेक्ट करना है और इसके बीच में सबको भरना है। एंड टू बी ऑनेस्ट इसको भरना उतना ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, लेकिन यस यहाँ पे बहुत सारे गास स्पॉन हो रहे थे जिसके कारण ये फार्म को बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस गास को उड़ते उड़ते मैंने मारा और फिर लग गया अपना फार्म को वापस से कंप्लीट करने में। बट इन गास से भी बार बार लड़ाई करने के बाद हमने बहुत ही ज्यादा दिक्कतों को झेलते हुए हमारा मैग्मा ब्लॉक का प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर लिया था। एंड बस मेरे को यहाँ पे अब एक आयरन गोलम स्पॉन कर देना है और ये सारे पिगलिंग्स इसके पीछे भागने लगे। बट टू बी फेयर आई थिंक मेरा आयरन गोलम मर जाएगा क्योंकि इसके आजू बाजू मेरे को वॉल्स लगाने थे पहले। मेरे को एक और आयरन गोलम स्पॉन करना पड़ेगा। एंड सैडली हमारा आयरन गोलम मर चुका है। बस मैं यहाँ पे अब एक टर्टल एग रख देता हूँ जिससे भी हमारे ये पिगलिंग्स लोग अट्रैक्ट होते हैं।
अब बस मेरे को इसके छत के ऊपर स्लैब्स लगा देने ताकि यहाँ पे कोई भी गास लाइक दिस वन स्पॉन ना हो, उसके बाद हमारा ये फार्म कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हुए जा रहा है। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मर चुका था। आई एम आउट, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरे को चाहिए एक फ्रॉस्ट वॉकर वाला बूट। उससे क्या होगा कि मेरे को ये सारे स्लैब्स लगाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि तुम जानते हो फ्रॉस्ट वॉकर वाले बूट से हमको लावा में मैग्मा ब्लॉक्स में डैमेज नहीं मिलेगा। यार तुम देख सकते हो ये सारे पिगलिंग्स यहाँ पे गिर के मर रहे हैं। मैं जाता हूँ जल्दी से अपना बूट बना के ले आता हूँ। और ये मेरा आयरन का सोल स्पीड 1 और फ्रॉस्ट वॉकर 1 का बूट बन चुका है। इससे हमको वहाँ के मैग्मा ब्लॉक्स में बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा। एंड विद दिस फ्रॉस्ट वॉकर बूट ये स्लैब को प्लेस करना बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। आई वंडर कि मैंने ये अपना दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया और ये पहले ही क्यों मैंने फ्रॉस्ट वॉकर का बूट एक बना नहीं लिया। एंड आफ्टर प्लेसिंग ऑल द स्लैब यू गाइस कैन सी यहाँ पे कोई भी घास स्पॉन नहीं हो रहा है और हमारा ये फार्म बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कि तुम देख सकते हो ये हमारे आयरन और ये टर्टल एग से अट्रैक्ट हो रहे हैं और जाके डायरेक्ट गिर रहे हैं नीचे। एंड आफ्टर एडिंग दिस वॉल्स ये वाला फार्म हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब बस मेरे को यहाँ पे खड़े होना है। एंड ऑलरेडी यू गाइस कैन सी मेरे को कितना ज्यादा एक्सपी मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक दो दिन एएफके रहने वाला हूँ टू सी कि हम कितना एक्सपी कलेक्ट कर सकते हैं और हमारा लेवल कितना ज्यादा बढ़ सकता है। ओके, तो मैं आधे घंटे से एएफके बैठा हुआ हूँ और तुम देख सकते हो 127 लेवल्स हो चुके हैं हमारे और ये इतना सारा लूट और गोल्ड मिल गया है। रॉटन फ्लैश वगैरह का पता नहीं मैं क्या करूंगा, बट इतना सारा गोल्ड अब अपने को मिल रहा है ना कि इतने सारे चेस्ट भी हमारे फुल हो चुके हैं। एंड तुम देख सकते हो हॉपर भी इसको पिक नहीं कर पा रहे अभी। सो लेट्स गो, अब अपन चलते हैं अपने घर की तरफ जहाँ पे मैं हमारे ये प्यारे से टर्टल एग को रखने वाला हूँ ताकि ये हैच हो जाए और हमको हमारे एरिया में ही एक टर्टल मिल जाए। एंड अब इसी खुशी में इस पिलेजर को मार के एक और रेड कर ही लेते हैं। अब इससे ज्यादा हमारा क्या नुकसान होगा, हमको बहुत सारे टोटम्स मिल जाएंगे। यार ये पिलेजर कहाँ मेरे पीछे से आया, मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ और मेरा एक टोटम वेस्ट हो गया। बट फाइनली इस पिलेजर को मारने के बाद हमारा रेड हो चुका था कंप्लीट। अब बस मेरे को हमारे फार्मर से बहुत सारे एप्पल्स चाहिए क्योंकि अब टाइम आ चुका है जो मैंने ट्रेडिंग हॉल बना के रखा है उसको फाइनली यूज करने का। ऑल्दो अभी मेरे पास जितना गोल्ड है उसे सिर्फ 24 गोल्डन एप्पल बन पाएंगे। अब बस मेरे को इनको ऐसे नीचे भेजना है। तुम देख सकते हो पीछे वाला जो ज़ॉम्बी विलेजर वहाँ पे है, आई मीन नॉर्मल ज़ॉम्बी, वो हमारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी में इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। एंड मेरा काम बस ये है कि मेरे को ये स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस यूज करना है और गोल्डन एप्पल से इनको क्योर करना है ताकि ये मेरे को कम से कम रेट्स में ट्रेड दे सके। ये फेंका मैंने मेरा पोशन ऑफ वीकनेस, अब इन तीनों को हमको गोल्डन एप्पल इस तरीके से खिला देना है और ये क्योर हो जाएंगे और हम लग जाएंगे हमारे बाकी के विलेजर्स को भी ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करने। तो ये प्रोसेस मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया एज यू गाइस कैन सी, और ये लोग इतना धीरे धीरे ज़ॉम्बी विलेजर से नॉर्मल वेज में कन्वर्ट हो रहे थे ना कि इसको करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। मेरा प्लान ये है कि ये एक स्टोन के बदले मेरे को एक एमरल्ड दे दे। एंड यार जब स्टोन की बात हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक स्टोन का जनरेटर बना ले जिससे हमको आसानी से हमारा स्टोन कलेक्ट हो सके ताकि हम इनसे ट्रेड कर सके इन फ्यूचर। एंड ये शेल्कर क्राफ्ट का मैंने देख के ये स्टोन जनरेटर वाला फार्म बना लिया है जिसमें मैं एएफके तो नहीं रह सकता, मेरे को मैन्युअली फार्म करना पड़ेगा सारे स्टोन्स को, बट एटलीस्ट इट वर्क। बस मेरे को यहाँ पे लावा डाल देना और हमारा फार्म हो चुका है कंप्लीट। एंड इट वर्क्स परफेक्टली, ये सारे स्टोन उन हॉपर्स के थ्रू मेरे बाजू में जो चेस्ट रखा है वहां पे चले जाते हैं और सारा स्टोन कलेक्ट हो जाता है। यार लेकिन ये लोग अभी भी 14 स्टोन के बदले एक एमराल्ड दे रहे हैं, मेरे को चाहिए कि मेरे को एक स्टोन के बदले ये एक एमराल्ड। वेल कम से कम मैं अपने स्टिक्स को तो यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, बट सीरियसली गाइस मेरे को इससे भी ज्यादा ओपी ट्रेडिंग हॉल चाहिए मेरा ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा एमराल्ड मिल सके क्योंकि मेरे को बहुत सारे बीकन्स बनाने हैं यार। बट ये सब करेंगे हम हमारे अगले 100 डेज में क्योंकि अभी हमारा बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ है। 3 चीजें तो हमने कर ली है लेकिन लास्ट का जो हमारा चीज था जो था एक ओपी सा हाउस बनाना, वो मैंने अभी तक नहीं किया है। तो मैं लग गया रिसोर्सेस कलेक्ट करने में, लैंड को क्लियर करने में ताकि हम अपने हाउस का एक लोकेशन ढूंढ सके और हाउस को कम्प्लीटली बना सके।
एंड इस घर को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली हमारे 200 डेज इस घर को बनाने के साथ ही साथ कंप्लीट होते हैं। लेकिन यार सामने से ये ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक ट्रेडिंग हॉल बाजू में कितना प्यारा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ तो कमी है, तो एक मिनट देना ना मेरे को। एंड आई एम बैक, एंड तुम देख सकते हो कि इतना छोटा सा भाई चेंज करने के बाद मेरा घर कितना ज्यादा उभर के आ रहा है अब। लाइक लुक एट दिस, थोड़े से कैंप फायर लगाने के बाद और थोड़ा सामने में पैटर्न बनाने के बाद लीव्स के साथ ये घर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड हाँ, डोंट आस्क मी कि मैं तुम लोग को घर के अंदर का क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं हुआ यार। 200 डेज कंप्लीट हो चुका है, हमारा घर बन चुका है। 300 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। इस बार हमने सिर्फ एक या दो या तीन नहीं, पूरे के पूरे 6 बीकन्स बनाए, एक बहुत ही ज्यादा ओपी चिकन फार्म बनाया एंड उस चिकन फार्म से बहुत ही ज्यादा ओपी विद अ स्केलेटन फार्म बनाया। ये सब मैंने कैसे किया जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो हमारे 201 डे के स्टार्ट में ही तुम देख सकते हो हमारा जो पिकेक्स है वो हो चुका है एकदम लो ड्यूरेबिलिटी में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत सारी माइनिंग की थी जिसके कारण हमारा पिकेक्स हो चुका है बहुत ज्यादा लो, जो कि ठीक नहीं है। तो मैं चले गया मेरे वो एक्सपी फार्म में जो हमने हमारे नेदर के रूफ में बनाया है ताकि मैं अपने पिकेक्स को रिपेयर कर सकूं। एंड एज यू गाइस कैन सी ये इतना ज्यादा ओपी है कि हमारे सारे टूल्स एक मिनट में रिपेयर हो चुके हैं। बट यार यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास कितने सारे गोल्डन सॉर्ड्स पड़े हुए, इतने सारे सॉर्ड का मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा मेरे को ये सारे इंगट्स में मिल जाते हैं या नगेट्स में मिल जाते हैं। आई गेस एट वन पॉइंट मेरे को मेरा एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं वो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि यार तुम लोग जानते हो रेडस्टोन कितना कंजट वाला चीज होता है, बट आई थिंक हमें ये बनाना ही पड़ेगा। बट उसके पहले हमको जितना भी हमारा रॉटन फ्लैश मिला है हमारे उस गोल्ड फार्म से उसको मैं ट्रेड करके कन्वर्ट कर लेता हूँ एमराल्ड्स में, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला तुमको हमारा वन ऑफ द मिशन होने वाला है कि हमको हर तरीके का बीकन बनाना है एक्सेप्ट नेदरराइट। देन मैं दो दिन तक एएफके बैठा हुआ था मेरे गन पाउडर वाले फार्म में ताकि मेरे को मिल सके बहुत सारे गन पाउडर जिससे हम माइन करने जा पाएंगे हमारे एंशिएंट डेब्री। एंड यू गाइस कैन ऑलरेडी सी कि मेरे पास कितने सारे गन पाउडर यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं सिर्फ दो दिन के एएफके में। देन मैंने थोड़े से रॉकेट्स क्राफ्ट किए, अपने घर के अंदर एक स्टोरेज सिस्टम बनाया, सारे चेस्ट में लगाए मैंने फ्रेम्स। एंड यार बहुत बोरिंग काम कर लिया ना हमने, एक काम करते अब चलते नेदर में जहाँ पे हमको कलेक्ट करने बहुत सारे विदर स्कल्स ताकि हम बना सके हमारे लिए और भी ज्यादा बीकन। एंड यस मेरे स्कॉर्पियंस के लिए मेरे पास एक छोटा सा टास्क है जो मुझे सबसे पहले बता देगा कि इन टोटल मैंने इस वीडियो में कितने सारे विद स्केलेटन्स को मारा है, उसके कमेंट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया जाए। तो लेट्स सी कि कौन जीतता ये, एक बार नीचे जाके देखो और देखो कि किसका कमेंट पिन हुआ हुआ है। ये हमारा सेकंड स्कल हमको मिल चुका है यहाँ पे। एंड इसी के साथ हमको हमारा थर्ड स्कल मिल चुका है, लेकिन हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, हमको और 3 स्कल चाहिए ताकि मैं इन टोटल 2 बीकन बना सकूं। एंड यार फिर उसके बाद हमको फोर्थ वाला भी बहुत जल्द मिल गया और फिफ्थ और सिक्स्थ को भी मिलने में हमको ज्यादा देर नहीं लगी। इस वीडियो का हमारा मेन गोल होने वाला है कि हमको एक विदर स्केलेटन फार्म बनाना है जिसको बनाने के लिए हमको लगेंगे बहुत सारे विदर रोज़। एंड विदर रोज़ हमको मिलते हैं तब जब हमारा विदर भाई साहब जो है वो किसी भी मॉब को अपने विदर से मार दे। एंड बेस्ट मेथड होता है उसका कि हम बहुत सारे चिकन स्पॉन करते बेडरॉक के नीचे ताकि जब विदर एक्सप्लोड हो तो हमको बहुत सारे विदर रोज मिल सके। तो मैंने आजू बाजू से थोड़े चिकन को लालच दे के हमारे हॉपर के ऊपर बैठा दिया ताकि ये जब भी कोई भी अंडे दे तो वो नीचे जाके हमारे चेस्ट में चले जाए और हम उसको वहां से कलेक्ट कर सके। एंड यार जब तक हमारे चिकन्स अंडे दे रहे हैं हम अपने विलेजर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ज़ॉम्बी विलेजर्स में ताकि हमको और भी सस्ते से सस्ते प्राइस में ये बेच सके एमराल्ड्स। एंड हाँ सिर्फ एक बार नहीं करने वाला मैं ये रिपीट करते रहूंगा जब तक मेरे को ये 1 स्टिक में 1 एमराल्ड ना दे दे। एंड तुम देख सकते हो फाइनली हमको हमारा एक विलेजर ऐसा मिल गया जो एक स्टिक के बदले एक एमराल्ड दे रहा है हमको। एंड हमारा चिकन फार्म भी एकदम अच्छे से काम कर रहा है। मैंने मेरे गोल्ड फार्म में एक सॉर्टिंग सिस्टम भी बना लिया था जिसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, लर्न मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। तो मैं इस ट्यूटोरियल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके तुम इसको अपने वर्ल्ड में भी बना पाओगे। फिर मेरे गोल्ड फार्म से मेरे को जितना भी रॉटन फ्लैश मिला था उसको मैंने फिर से ट्रेडिंग करने में लगा दिया। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि एक और ओपी ट्रेड होता है जिसको कहते हैं हम ग्लास पेन का ट्रेड जो हमको कार्टोग्राफर दे सकता है। एंड ग्लास बनता है सैंड से एंड सैंड की मेरे को वैसे भी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मुझे TNT बनाना है हमारे सैंड से ताकि हम एंशिएंट डेब्री भी माइन कर सके। तो मैं अपने नियर बाय डेजर्ट में गया, अपने सारे शल्कर बॉक्स को यहाँ पे रखा एंड लग गया इस पूरे डेजर्ट को डिस्ट्रॉय करने में। एंड गाइस तुम देख सकते हो डेजर्ट को डिस्ट्रॉय करने के पहले मेरा खुद का शवल डिस्ट्रॉय हो रहा है वो भी नेदरराइट का। बट यार इतनी मेहनत के बाद हमारे पास बहुत सारा सैंड कलेक्ट हो चुका है और तुम देख सकते हो मैंने कितना बड़ा एरिया यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इतने सैंड कलेक्ट करने के बाद यार मैं चले गया हमारे केव्स के क्योंकि मेरा मन कर रहा
रहा था कि मैं दो विदर से एक साथ लड़ूं एंड बस यहाँ पे मेरे को ये विदर स्केलेटन स्कल प्लेस करना है और हमारे दोनों विदर हो चुके हैं स्पॉन। मेरे पहले वाले विदर को मैंने एरो से मारा ताकि वो हाफ हेल्थ में आ जाए मेरे बिना उसके पास जाए एंड फिर उसको मेरे डायमंड के स्माइट वाले शॉट से मैंने फिनिश किया एंड सेकंड वाले विदर को भी मारने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगा। तुम देख सकते हो हम कितना ज्यादा ओपी हो चुके हैं कि विदर हमको बिल्कुल भी डैमेज कर ही नहीं पा रहे एंड ये फाइनल शॉट के बाद हमको हमारा नेदर स्टार मिल चुका है। हमारे आयरन फार्म से जितने भी हमको आयरन मिले थे मैंने उन सब का ब्लॉक बना के उसको एक बीकन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यार ये सब करने के बाद मेरी नजर गई मेरे चिकन्स पे और मेरे को याद आया कि मुझे विदर को बेडरॉक के नीचे मारना था ताकि हमें मिल सके बहुत सारे विदर रोजेस। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था लेकिन मैंने अपने सारे चिकन्स को फीड किया क्योंकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा अंडे चाहिए थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक और चांस होने वाला है जिसमें हमको सारे के सारे हमारे विदर रोज मिल सके। तो इस अनहोनी से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने अपने घर के आजू बाजू थोड़ा डेकोरेट किया, वहां पे बैम्बू लगा दिया और उसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगा लिया ताकि वो बैम्बू फिर से और ज्यादा ग्रो ना करे। बट मुझे पता था कि ये सब करने से मेरे को शांति नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली मैं चले गया फिर से नेदर में हमारे फोर्ट्रेस के अंदर। विदर स्केलेटन्स को मार के मैंने फिर से 3 विदर स्कल्स कलेक्ट किए, सारे एक्स को मैंने डाल दिया मेरे शल्कर बॉक्स के अंदर। फिर मैंने बनाया कुछ पोशन ऑफ पॉइजन ताकि हमारे जो चिकन्स है वो सब आ जाए 1 HP पे। ये सब करने के बाद और फिर हमारे शवल को रिपेयर करने के बाद हम चले गए हमारे एंड में जहाँ पे हम अपने विदर को स्पॉन करेंगे। बाय द वे हाँ, मेरे को एक हार्ट ऑफ द सी भी मिल गया क्योंकि मेरे को एक बड़ी ट्रेजर मिला था रास्ते में। फिर मैंने अपने चिकन्स को स्पॉन करके उनको पॉइजन किया एंड यू गाइस कैन सी हमारे सारे चिकन विदर के स्पॉन होने के बाद मर चुके हैं। लेकिन यार अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि कितने कम चिकन थे यहाँ पे और इसके कारण हमको बहुत कम विदर रोज मिलेगा। यस ओनली 31 यार, और मेरे को तो 300 चाहिए। आई गेस हमको एक बार और विदर को मारना पड़ेगा लेकिन वो मैं थोड़ा बाद में करूंगा। मैं AFK बैठा था थोड़े दिन ताकि मेरे चिकन्स थोड़े और अंडे दे दे और अपने सॉर्टिंग सिस्टम को मैं थोड़ा ठीक कर रहा था एंड यहाँ तुम देख सकते हो हमारी चिकन आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और फिर थोड़ी सी ट्रेडिंग करने के बाद मैं आ गया हमारे एंड में क्योंकि मेरे को चाहिए थे यार थोड़े और शेल्कर बॉक्स। एंड हाँ, इससे पहले कि तुम लोग अपना दिमाग लगाओ मैं पहले ही बता दूं वो बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग हमको क्लेरिक दिया है। तो फिर मैंने पूरे 2 दिन तक सिर्फ एंड सिटीज को लूटा मेनली क्योंकि मेरे को शल्कर शेल्स मिल सके जिससे हम अपने शल्कर बॉक्स बना पाए। इन टोटल हमारे पास 20 शल्कर शेल्स आ चुके हैं जिससे हम 10 शल्कर बॉक्सेस बना पाएंगे। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं गया था स्क्रीनशॉट देखने के लिए कि हमारा एंड गेटवे कहाँ पे है एंड देखते देखते हमारे साथ ये हादसा हो गया। बट कोई बात नहीं, मैं अपने अंडर चेस्ट में एक ऐसा शल्कर बॉक्स रखता हूँ जिसमें बहुत सारे टोटम्स रखे हुए हैं मेरे। बट हाँ, मेरे को आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऑल टैब दबा के अपने गेम्स को बिना पॉज करे ना छोड़ दूं। एंड देन मैंने कुछ शल्कर बॉक्स क्राफ्ट किए एंड उन सबको नेम दिया और ऑर्गेनाइज करने लगा एंड फिर मैंने इन सबको एक एक करके मेरे एंडर चेस्ट के अंदर रख लिया। और तुम देख सकते हो मेरा एंडर चेस्ट कितना क्लीन लग रहा है जिसमें सिर्फ काम की चीजें रखी हुई है और कोई भी फालतू सामान यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है। एंड देन मैं AFK बैठा था मेरे गोल्ड फार्म में ताकि हमको इनफ गोल्ड मिल सके ताकि हमारा बीकन बन सके। एंड तुम जानते हो गोल्ड के साथ साथ हमको यहाँ पे रॉटन फ्लैश भी मिलता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमराल्ड्स में और हमारा एमराल्ड का भी बीकन बना सकते हैं। ट्रेडिंग करने के बाद हमारे पास इनफ एमराल्ड्स आ गया था कि हम उसका एक बीकन बना पाए। तो मैंने अपने इस आयरन वाले बीकन को यहाँ से तोड़ दिया अलोंग विद मेरा डायमंड वाला बीकन। एंड तुम यहाँ पे मेरी इन्वेंटरी में देख सकते हो हमारे पास इनफ एमराल्ड के ब्लॉक्स और बाकी सारे ब्लॉक्स है कि हम सारे बीकन्स को बना पाए एक्सेप्ट ऑब्वियसली नेदरराइट। एंड ऑब्वियसली मैं अपने चारों बीकन को यहीं कहीं तो रखने नहीं वाला था तो इसके लिए हमको बनाना था एक बीकन का पोडियम। तो मैंने थोड़े टाइम तक बहुत सारे क्वार्ट्स माइन किए क्योंकि यार मेरे को बहुत सारे क्वार्ट्स के ब्लॉक चाहिए थे। एंड अगर तुमने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुमको तो ऑलरेडी पता होगा कि हमारा बीकन पोडियम कैसे दिखने वाला है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो मैंने सारे क्वार्ट्स को अपने सेल टच के पिकैक्स से कलेक्ट किया, उसको अपने घर के पास अपने बीकन के बाजू में लाके हेस्ट 2 से जल्दी से तोड़ा ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वार्ट्स मिल सके। अब ये जो तुमको पूरा एरिया दिख रहा है ना मेरे यार, यहाँ पे हमको ये पूरे एरिया को फ्लैट करना है ताकि हम अपने बीकन के पोडियम को बना सके, वहाँ पे हम अपना सारा बीकन प्लेस कर सके। एंड यार एरिया तो मैंने पूरा क्लियर कर लिया लेकिन एक बार मेरे शवल की हालत देखो, ये ऑलमोस्ट सेकेंड टाइम इस वीडियो में ब्रेक होने वाला है। बट लकीली हमारा शवल ब्रेक होने के पहले हमने ये पूरा लैंड क्लियर कर लिया। एंड अगेन मैं अपने गोल्ड फार्म में आ चुका हूँ अपना शवल रिपेयर करने के लिए। मैं बता रहा हूँ तुमको आधे से ज्यादा टाइम तो मेरे टूल्स रिपेयर करने में ही चले जाते हैं। सबसे
सबसे पहले तो हमारे बिल्ड का मैंने एक ऐसा बेस बनाया है प्लानिंग के ना यार, बीच में एक बीकन होगा बड़ा सा और उसके चारों तरफ चार अलग अलग बीकन होंगे। अभी के लिए तो मैं बीच में डायमंड के बीकन को रखने वाला हूँ, बट मेरा प्लान है कि मे बी 3-4 साल में क्या पता इन फ्यूचर हम एक नेदरराइट का बीकन बनाए। तो अब टाइम आ चुका है कि हमारे फर्स्ट डायमंड के बीकन को प्लेस कर दे हम यहाँ बीच में। ये रख दिया मैंने यहाँ पे बीकन और तुम देख सकते हो यार यहाँ पे मैं जंप बूस्ट लेने वाला हूँ और ये हमारा बीकन कितना प्यारा लग रहा है। अब ये गोल्ड का जो मैंने यहाँ पे टेम्पररी बीकन लगाया था इसको भी तोड़ के मैं ले जाता हूँ वहाँ पे अपने पोडियम में लगाने के लिए। तुम देख सकते हो इसके चारों तरफ बीकन लगाने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। बस मेरे को यहाँ पे ऐसे पिलर्स लगाने हैं बिकॉज आई थिंक ये पिलर्स अच्छे लगेंगे। हाँ ये बिल्ड करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे से बिल्डिंग उतना अच्छे से होती नहीं है, लेकिन मेरे को देखो क्या पता चला कि मैं ऐसा कोन यहाँ पे बना सकता हूँ। हमारे जो बाजू में बीकन रखे हुए हमें उनको भी डेकोरेट करना था तो मैंने ले लिया ब्लैक कॉन्क्रीट जिसको मैं उनके चारों तरफ रखूंगा जिससे ये व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। बस बाजू में इसमें थोड़ा सा मेरे को स्ट्रक्चर लाना है एंड हमारे छोटे छोटे बीकन के एच पे भी हमको थोड़े से छोटे से पिलर्स बना देने हैं। एंड विद दिस फाइनल स्लैब हमारा ये पोडियम कंप्लीट हो चुका है। लाइक चलो इसको ऊपर से देखते हैं एंड देख के तुम बताना यार कि ये तुमको कैसा लग रहा है। पर्सनली मेरे को तो यार ये बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ लग रहा है, मैंने क्या ही मस्त चीज बनाई है। एंड फिर मैंने अपने पूरे बेस को कर दिया अच्छे से लाइट अप क्योंकि तुम यार देख सकते हो मैं हर रात को मेरे को सोना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज और मॉब्स आते रहते हैं। एंड फिर ये करने के बाद मैंने मेरे स्टोन फार्म से बहुत सारा स्टोन कलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे लगने वाले थे बहुत सारे स्लैब अगर मेरे को एक विदर स्केलेटन फार्म बनाना है तो। फिर मैंने अपने सारे स्टोन्स को कन्वर्ट कर लिया स्लैब्स में एंड फिर से चले गया 3 विदर स्कल्स कलेक्ट करने के लिए क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मेरे पास इनफ विदर रोजेस अभी तक नहीं आए हैं कि हम अपना विदर स्केलेटन फार्म बना सके। सबसे पहले तो मैंने एक ऐसा फोर्ट्रेस ढूंढा यार जिसके चारों तरफ ना ज्यादा से ज्यादा लावा हो सके ताकि हमको कम से कम जगह में स्लैब्स लगाने पड़े। एंड फिर चालू हुआ हमारा सबसे मुश्किल और लंबा सफर। हमें स्लैब्स लगाने थे 128x128 के एरिया में एंड सिर्फ इस फोर्ट्रेस को ही स्लैब से भरने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। एंड अभी तो हमने 10% भी कम से कम ये कंप्लीट नहीं किया था, अभी हमको बहुत सारे स्लैब्स लगाने थे। एंड इन भाई साहब को देख लो प्राइम एग्जांपल कि किसी और का बुरा चाहोगे तो तुम्हारे साथ ही खुद बुरा हो जाएगा। वेल यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनमें मैं स्लैब्स नहीं लगाने वाला हूँ, मैं इन पूरे प्लेटफॉर्म्स को ही तोड़ दूंगा ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो सके। एंड हाँ मैंने तुमको बताया ना कि ये 128x128 बाय का एरिया है जिसका मतलब 16,384 ब्लॉक्स में हमको पूरे स्लैब्स लगाने हैं। एंड इसीलिए हमारा वर्कलोड थोड़ा कम करने के लिए मैंने एक ऐसा जगह चुना है जहाँ पे लावा हो चारों तरफ, बट स्टिल इतने लावा होने के बाद भी हमको बहुत सारे स्लैब्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे पूरे फोर्ट्रेस को तो हमने स्लैब से कवर कर लिया है और फिर इन बाजू के भी थोड़े से एरियाज को मैं कवर कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक हम पूरा आज कवर कर पाएंगे। बाय द वे सारे स्लैब्स जो तुम देख रहे हो ये मैंने पूरे मैन्युअली प्लेस किए। मैं तो इतना बोर हो गया था कि मैंने एक्चुअली हमारे मेन चैनल पे स्ट्रीम भी किया था ये स्लैब्स प्लेस करते हुए। तो अगर तुम भी ऐसे रैंडम स्ट्रीम्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जाके उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ ताकि तुम्हें भी नोटिफिकेशन आता रहे। एंड इस स्लैब के साथ मैंने इन टोटल 10,368 स्लैब्स लगा लिए हैं जो कि इक्वल होता 6 बॉक्स ऑफ शल्कर शेल वर्थ ऑफ स्लैब। एंड यार घर जाते जाते मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया, मेरे हाथ से मेरा टोटम हो गया यूज क्योंकि मैं घुस गया लावा के अंदर। एंड यार एट दिस पॉइंट मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़े और रेड करने पड़ेंगे या शायद एक रेड फार्म बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हो तुम लोग, हम रेड फार्म बनाए क्या ताकि हमको टोटम्स की कभी भी कमी ना हो। सो गाइस इट्स फाइनली टाइम कि हम जाके विदर से लड़े एंड तुम देख सकते हो मेरे पास कितने सारे यहाँ पे एग्स आ चुके हैं एंड तुम देख सकते हो इन सारे एग्स में कितने सारे बेबी चिकन्स यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अब हमको हमारे इनफ विदर रोजेस मिल जाएंगे कि हमारा विदर स्केलेटन फार्म बन सके। अब इन सब को यहाँ पे मैं पॉइजन कर देता हूँ, ये लग गए सारे मेरे विदर स्कल्स एंड बस ये देखो तुम सारे के सारे चिकन्स एक ही बार में मर चुके हैं एंड जिसमें तुम देख सकते हो हमारे पास अब इनफ विदर रोजेस आ चुके हैं कि हम जाके हमारे फार्म को कंप्लीट कर सके। बट उसके पहले यहाँ पे एक और विदर को स्पॉन कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास 3 एक्स्ट्रा स्कल्स है और एक और नेदर स्टार कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब टाइम आ चुका था टू बिल्ड द एक्चुअल विद अ स्केलेटन फार्म। हमको यहाँ सेंटर से अब 19x19 के एरिया में पूरा नेदर रैक लगा देना है एंड फिर इस नेदर रैक के 5 ब्लॉक बाद मेरे को नेदर ब्रिक्स लगाने हैं ताकि यहाँ पे हम कारपेट्स लगा सके। एंड ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ये तो मेरे को नहीं पता, ट्यूटोरियल में बोला गया था जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फिर मैंने नीचे में किलिंग प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे पूरे हमारे स्टोरेज सिस्टम रहेंगे और हमारे विदर स्केलेटन्स के स्कल्स, बोन्स और कोल्स कलेक्ट हो पाएंगे। एंड अब बस मेरे को ऊपर में विदर रोजेस लगाने थे और नीचे में उनके लिए एक मरने का जगह बनाना था और चले जाना था AFK होने के लिए। मैं आधे घंटे तक AFK बैठा हुआ था, जिसके बाद इन टोटल हमको, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर में सात रखा हुआ है और यहाँ पे 13 विदर्स कल्स हमको मिल चुके हैं। उसके बाद मैं घर आ गया और अपने घर आने के बाद मैंने अपने सारे इन्वेंटरी को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि यार अब मेरे को चाहिए थे कि मेरे वर्ल्ड में होने चाहिए बहुत सारे बीकन। एंड हाँ, एक ना एक दिन शायद हमको नेदरराइट का भी बीकन बना लेना चाहिए, तो उस बीकन को बनाने के लिए मेहनत तो अभी से ही हमको शुरू करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ AFK बैठने के लिए थोड़े दिन के लिए हमारे फार्म में, ताकि मेरे को बहुत सारा गन पाउडर मिल सके और जो मैंने हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में इतने सारे सैंड माइन किए थे उससे TNT बना सके। एंड हाँ, इस बार मैं बहुत सारे फायर रेजिस्टेंट के भी पोशन बना के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यार रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का है हमको। माइन करते करते मेरे को एक दो TNT मिल गए, लेकिन मेरा प्लान बेसिकली है कि एक बहुत ही लंबा सा टनल बनाना है, फिर उस सारे टनल में हमको TNT रख देना है और एक बार में सारे TNT को फोड़ के देखना है कि हमको कितना एंशिएंट डिब्री मिल सकता है। एंड धीरे धीरे सही, लेकिन हमको एक एक करके इन टोटल 31 एंशिएंट डिब्री कलेक्ट हो चुके हैं। एंड 5 एंशिएंट डिब्री आई थिंक हमारे घर पे ही रखा हुआ है। एंड इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमने हमारे वर्ल्ड में पूरा का पूरा एक नेदरराइट का ब्लॉक बना लिया है। एंड ये अब यहीं पे लगा रहेगा। अब ये नेदरराइट हमारे पास आने के बाद हमारा काम रह गया था कि हमको एक्चुअल में एक बीकन बनाना है जो मैं बना सकूं। उसके लिए मैं AFK बैठा हुआ था हमारे गोल्ड फार्म में, जहां से मेरे को गोल्ड मिला, रॉटन फ्लैश मिला, जिसको मैंने हमारे क्लरिक के साथ ट्रेड किया। एंड हाँ यार सही बात है, गोल्ड के साथ ये लोग बहुत सारा एमरल्ड दे देते हैं। अब बस थोड़ा सा हमारे फ्लैचेस के साथ ट्रेडिंग करने के बाद हमारे पास इनफ एमरल्ड ब्लॉक्स आ चुके हैं, जिससे हम हमारा एक एमरल्ड बीकन बना सके। एंड इस वाले बीकन में भी मैं Haste 2 ले लेता हूँ। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे यारों, 6 बीकन बनाने के बाद और विदर स्केलेटन्स फार्म बनाने के बाद फाइनली हमारा 300 डे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो को बनाने में यार सच में बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाए, क्योंकि इतने सारे एमरल्ड ट्रेडिंग करने के बाद और इतने बार मेरे को जो स्लैब लगाने पड़े ना, ये सब बहुत ज्यादा अनोइंग। 400 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। आज मैंने एक बहुत ही ज्यादा OP वूल फार्म बनाया, जो फार्म हमको ऑटोमेटिकली हर एक कलर का वूल देता है। हमारा पूरा ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बनाया और वो भी एक बहुत ही प्यारे कूल फॉग इफेक्ट के साथ। और मैंने पूरे 5 विदर के साथ एक साथ नदर रूफ के ऊपर लड़ाई की। ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। और आज यार तुम लोग देख सकते हो मेरे हाथ में एक टोटम पड़ा हुआ है, और इस वाले शेल का शेल में तुम देख सकते हो मेरे पास थोड़े से टोटम पड़े हुए, लेकिन तुम जैसे कि मेरे को जानते हो मैं टोटम्स बर्बाद करते रहता हूँ। ये शल्कर सेल यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक पता है तुमको, लेकिन मैंने यूज कर करके अपने पूरे टोटम्स बर्बाद कर दिए। इसका मतलब है कि यार मेरे को टोटम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। टोटम्स का यार मेन सोर्स होता है रेड, और रेड हम हर समय कर नहीं सकते, क्योंकि यार वो पिलेजर जो पेट्रोल करते हैं वो हर समय आते नहीं है। तो इस बार हमारा सबसे पहला मिशन होने वाला है कि हमको एक बहुत ही ज्यादा OP रेड फार्म बनाना है, जो कि हमको एटलीस्ट 300 टोटम्स दे दे पर आवर। एक बार उस रेड फार्म को बनाने के बाद ना गाइस, हमको कभी कोई रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार AFK के बाद ही हमारे पास बहुत सारे टोटम आ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक मिनट में पूरे मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद। एंड गाइस यार तुम यहाँ पे देख सकते हो जितने भी मटेरियल्स हमको लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतने सारे बोट्स लगेंगे मेरे को ताकि वैक्सेस को हम पकड़ सके, और जितने भी मटेरियल्स हमको लगने वाले वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। अब बस हमको जाके एक ओशन मॉन्यूमेंट को ढूंढना है, एक ओशन ढूंढना है, वहां पे हमारा फार्म बनाना है। चलो अपन ओशन ढूंढने के लिए चलते हैं। एंड ये देखो हमारे घर से जस्ट बाजू में यहाँ पे ओशन है यार। चलो हम अपना फार्म को यहाँ पे बनाएंगे। इससे एक नीचे हमको लगाना है हमारे कॉम्पोस्टर को। तुम देख सकते हो Y66 में मैंने कॉम्पोस्टर को हमारे लगा लिया है। अब यहाँ से मैं एक पाथ बना देता हूँ ताकि हमारा जो विलेजर भाई साहब है हम उनको यहाँ पे ला सके, ताकि उनको उनकी नई नौकरी दे सके। और ये जो एक कॉम्पोस्टर है ना, ये एक पूरे विलेज की तरह काम करेगा। एंड यार ऑनेस्टली मेरे से जितना एक्सप्लेन हो सकता है मैं करूंगा। बाकी तुमको डिस्क्रिप्शन में इस ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तुम अच्छे से देख सकते हो कि फार्म को कैसे बनाना है। अब ये जो तुमको एरिया दिख रहा है ना, हमको यहाँ पे एक विलेजर को लेके आना है। तो मैं जल्दी से एक विलेजर को लेके आता हूँ, एक बोट ले जाता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इतना बड़ा जो रिवर है ना, होपफुली ये रिवर ये वहां तक कनेक्ट हो रहा है। तो मैं अपने विलेजर लोगों को यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा डायरेक्ट वहाँ पे, ताकि हमारे विलेजर को हम वहाँ पे जॉब दे सके। एंड वो देखो एक विलेजर बाहर ही मंडरा रहा है, लगता है ये हमारे जॉब के लिए वेट कर रहा था। चलो इसको लेके चलते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट हमारे उस वाले फार्म में। भाई इधर बोट में बैठ जाओ तुम प्लीज जल्दी। चलो
तो अब सबसे मुश्किल काम होने वाला है पूरे विलेज का, आई थिंक इस विलेजर को उतने दूर हमको लेके जाना है। बट होपफुली सामने में जो हमारे बहुत सारे रिवर्स है छोटे छोटे वो कनेक्ट होते हैं हमारे ओशन तक। जस्ट टू बी सेफ मैं एक नेम टैग ले लिया हूँ यहाँ पे जिसमें बिच्छू नाम रखा है मैंने। आई डोंट नो मैंने नेम टैग क्यों बनाया था, बट आज से हमारे इस विलेजर भाई साहब का जो कि मेरे साथ तुम देख सकते हो कितने ज्यादा खुश है, इनका नाम होगा बिच्छू। ए भाई भाई भाई, ओ ये क्या हरकत है भाई, मैं हूँ यहाँ पे गधे। हमारा बोट हाईजैक हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी से यहाँ पे अपना पाथ बना लेते हैं और चलते हैं हमारे रेड फार्म को कंप्लीट करने के लिए। वेल लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, अब हम कह सकते हैं कि इस रेड फार्म को बनाने के लिए खून पसीने की मेहनत लगी है। ओ नहीं नहीं भाई भाई, इतना क्लोज आ गया था मैं भाई। नहीं यार मेरे को फिर से लेके आना पड़ेगा भाई विलेजर को, कोई बात नहीं एटलीस्ट हमने हमारा पूरा पाथ बना लिया इस बार तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। बट यार फिर से विलेजर को इतना दूर लेके आना पड़ेगा। एंड यार आफ्टर ऑल दिस चोचले हमारे पास फाइनली हमारा एक और नया बिच्छू आ चुका है। इस बार बिच्छू को कुछ नहीं होने दिया मैंने, सीधे सीधे मैं इसको अपने जॉब पे लेके आ गया हूँ। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बिच्छू, और फिर बिच्छू भाई तुम यहीं पे रुकना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा आई प्रॉमिस यू। ओके तो फाइनली इसको हमने एक सोने का रास्ता दे दिया, अब शायद ये जॉब ले ले जब ये अभी उठेगा तो। यस 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 यस, ये जॉब लेने जा रहा है और इसी के साथ भाई साहब ने जॉब ले लिया है और इसको हम यहाँ पे कैप्चर कर देते हैं। यहाँ पे भी हम एक लगा देते हैं ग्लास, और हमारा ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना तुमको, ये हमारा एक पूरा होल विलेज है। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ से 6 ब्लॉक आगे जाके एक ये एरिया बना लिया जहाँ से हम ऊपर जाएंगे जो कि हमारा वाटर एलिवेटर होने वाला है। ओके तो अब अपन तीनों ब्लॉक्स को यहाँ पे चारों ब्लॉक्स को 160 ब्लॉक तक लेके आ चुके हैं। अब यहाँ से हमको नीचे जाना है और यहाँ पे वाटर एलिवेटर बनाना है कैल्प रख, एंड यहाँ पे हमारा वाटर एलिवेटर बन के हो चुका है रेडी। अब बहुत ही अजीब जगह में मेरे को यहाँ पे हॉपर लगाना है, ठीक है लग गया हॉपर, ये हॉपर अंदर की तरफ जा रहा है ना। ओके अभी मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगा देने हैं इस तरीके से, तुम देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक्स लगाने हैं और इन ट्रैप डोर को खोल देना है हमको, और उसके बाद दो और यहाँ पे बिल्ड कर, यहाँ पे हमको लगाना है रेडस्टोन। पूरी तरीके से हमने यहाँ पे पानी लगा दिया है, अब इसको यहाँ पे हम कवर कर देते हैं। चलो अब हम हमारे रिपीटर्स को यहाँ पे लगा पाएंगे, जैसे देख सकते हो तुम रिपीटर मेरे सारे यहाँ पे लग रहे हैं और फैंटम भी स्पॉन। भाई थोड़ा देर बाद आना ना यार, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ नहीं दिख रहा अभी। एंड यहाँ पे रेडस्टोन लगाना है और फिर यहाँ पे फिर से रिपीटर लगाना है जस्ट लाइक दिस। एंड ये सारे रिपीटर को अपने को अब 3 टिक पे करना है, लाइक 1 2 3, और फिर यहाँ से पूरा आगे जाना है अपने को, और फिर कुछ फैंटम से बचना है वरना ये लोग मेरे को गिरा देंगे। अब बस यहाँ पे हमको ये टेम्पररी ब्लॉक्स को तोड़ना है, इससे ये लावा नीचे आएगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पे हमारे सारे रेवेजर्स मर जाएंगे। अब बस हम ये लेके चलते हैं नीचे की तरफ। आई थिंक ऊपर हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, ये सब मैं ब्लॉक यहाँ पे तोड़ देता हूँ एंड नीचे आ जाता हूँ। एंड ये सब यहाँ पे बोट्स लगाने के बाद आई थिंक हमारा पूरा रेड फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को बस जाना है पिलेजर आउटपोस्ट में, एंड होपफुली वहां से मेरे को एक बैड ओमन का इफेक्ट मिल जाए एंड हम टेस्ट कर पाए कि हमारा जो ये हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ये वर्क भी करता है या नहीं। ओ भाई भाई भाई, 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 भाई पिंक शिप सॉरी पिंक शिप यार, ओपे मेरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हमको पिंक शिप मिल गया, वाओ नाइस यार। बट अभी तो मेरे पास इसके लिए कुछ है नहीं। ओ ये भाई ये भी मेरे साथ घर आना चाहता है क्या? ओए 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 दूर रह मेरे से। फिर ये बकवास करने के बाद मैं चले गया एक पिलेजर टावर में जहाँ से मैंने उनके कैप्टन को मारा और वहां से मेरे को मिल गया बैड ओमन का इफेक्ट। एंड इट्स टाइम कि हम अपन जाए हमारे रेड फार्म में और तुमको मैं दिखाऊं कि रेड फार्म कैसे वर्क करता है। यहाँ गिरने के बाद तुम देख सकते हो रेड स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे हमारा रेड बनेगा एंड यहाँ पे हम सारे रेडर्स को मारेंगे जो ऊपर से आके गिरेंगे। और तुम ऊपर देख सकते हो सारी की सारी रेड एक साथ एक बार में चालू हो गई है एंड अब बस ये लोग जो गिर रहे हैं इनको मार देना और मेरे को फिर से बैड वुमन का इफेक्ट मिल जाएगा और रेड विक्ट्री भी तुम देख सकते हो ऊपर में लिखा के आ चुका है। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे AFK बैठूंगा ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि ये कितना ज्यादा OP फार्म। और यहाँ पे मैंने एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम भी बना दिया है ताकि यार जितने भी हमारे आइटम्स है वो सही से हर एक चेस्ट में सॉर्ट हो सके। सो गाइस इतने देर इस रेड फार्म में AFK बैठने के बाद तुम देख सकते हो मेरे पास
बहुत ज्यादा एमरल्ड के ब्लॉक्स आ चुके हैं, लाइक 9 स्टैक्स ऑलमोस्ट एमरल्ड के ब्लॉक्स आ चुके हैं यहाँ पे। एंड ये दो चेस्ट में मैंने डाल लिया बहुत सारे टोटम, पर ये मैंने यहाँ पे पूरा नहीं डाला है क्योंकि अब भी हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटम्स पड़े हुए हैं जिनको हम अपने घर लेके जा भी नहीं सकते। बस इसमें ये तो है कि अब हमको कभी भी टोटम्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। एंड यार मेरे को ना नेदरराइट बनाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि मेरे को एक नेदरराइट का बीकन बनाना है, लेकिन तुम जानते हो नेदर में जाने के बाद टीएनटी जब फोड़ते हैं तो लावा बहुत गिरता है और मैं मर भी सकता हूँ वहां पे। तो इसलिए टोटम्स तो अभी हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन मैं एक ब्रूइंग स्टैंड के लिए रूम बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम बहुत सारे फायर रेजिस्टेंस के पोशन बनाएंगे। एंड आई थिंक यार ये ऑरेंज टेराकोटा बहुत सही लगेगा क्योंकि ये मेरे को फ्लेम वाला इफेक्ट दे रहा है एकदम। एंड आई थिंक ना यार हम इसको ना ब्लैक स्टोन का बनाने वाले हैं, तो मैं जल्दी से नेदर में जाता हूँ, वहाँ जाके थोड़े से ब्लैक स्टोन लेके आता हूँ ताकि हम इसको पूरे बिल्ड को कम्प्लीट करें। भाई और ये शीप नेदर के अंदर कैसे आया? एनीवेज हमारा यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने ब्लैक स्टोन से हमारा ब्रूइंग स्टैंड वाले रूम को कम्प्लीट कर लिया है। एक दिन इसको जरूर मैं ऑटोमेटिक सिस्टम बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यार ये इतना ठीक लग रहा है। अभी बस मेरे को बहुत सारे गोल्डन एप्पल चाहिए जो कि मेरे को देंगे मेरे फार्मर। देखो 64 एप्पल मिल गया अपने को, यहाँ से निकलते हैं अब। एंड 64 ओके, ओनली 24 बना सकता हूँ मैं, ठीक है 24 हमने गोल्डन एप्पल यहाँ पे बना लिया। लेकिन हाँ तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतने सारे गोल्डन एप्पल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब हम लड़ने जाने वाले हैं विदर से। ना 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 ना, एक या दो या तीन विदर से नहीं, हम लड़ने जा रहे 5 विदर, वो भी नेदर रूफ के ऊपर। बट उसके पहले हमको चाहिए था एक बहुत ही ज्यादा ओपी बो। बेसिकली मेरे को एक इन्फिनिटी और अनब्रेकिंग वाला बो चाहिए क्योंकि तुम देख सकते हो मेरा बो कितने जल्दी ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। और हाँ इसको बनाने में हमको 32 लेवल्स लग गए, लेकिन फाइनली हमारा ओपी बो बन चुका है। मैंने एक एक करके नेदर रूफ के ऊपर 5 विदर को एक साथ स्पॉन करवा दिया। ओ नो 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 नो, मेरा ये सामान। ओ भाई साहब, ओ नो 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 नो, ये तुम बहुत ज्यादा डैमेज दिया मेरे को। यस यहाँ पे मेरा टोटम यूज हो गया और मैं ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ क्योंकि यार मेरे जितने भी एक्स्ट्रा टोटम है वो मैंने हमारे एंडर चेस्ट के अंदर रखे हुए हैं, तो मेरे को कैसे भी करके मेरे एंडर चेस्ट तक पहुँचना था। कैसे जाऊंगा मैं लेकिन उतना दूर? एक काम करते, एक विदर को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करते अपन। वो देखो उस विदर ने हमको देख लिया, वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो इस विदर को जल्दी से अपन फिनिश करते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट विदर डाउन हो चुका है, अब बस मेरे को वहां पे जाना है और मेरे पूरे के पूरे मेरे को टोटम्स लेके आने। आई थिंक सारे विदर इधर उधर जा चुके हैं, अब हम जाके यहाँ पे हमारा टोटम निकाल सकते हैं सारा। ओके ओके जल्दी से मैं टोटम ले लेता हूँ यहाँ से, मेरा 2-3 टोटम ले लेता हूँ मैं। चलो अब विल बी फाइन और अब हम जाके लड़ सकते हैं इन सारे विदर से। ओए सब इधर आओ, सबके सब इधर आओ, तुम सबसे लड़ना है भाई। कब? ओके या आई थिंक 3 विदर हमारे पीछे पड़े हैं, ये चौथा विदर यहाँ खड़ा है, इसको भी बुला ही लेते हैं अब। ठीक है सबसे पहले मैं थोड़ा एंडर पल करके दूर जाता हूँ ताकि मैं किसी एक को टारगेट कर सकूँ। ओके ये वाला विदर टारगेट हो चुका है, नाउ मेक श्योर कि उसको ही पड़े और किसी और को ना पड़े। एक और गोल्डन एप्पल खाने का टाइम आ चुका है यहाँ पे। ये वाला विदर, अरे ये वाला विदर ब्लो हो रहा है। हाँ ये आ चुका है अपने सेकंड स्टेज पे, इसको अपन सोर्ड से मार सकते हैं अब। ओके एक और विदर डाउन हो चुका है यहाँ पे, अब 3 विदर बचे हैं। इस वाले विदर को अपने को एम करना है, एक और विदर डाउन होने वाला है अभी। यस यस यस, ये आ चुका है अपने मेली वाले स्टोर पे, अब इसको अपने को सॉर्ट से मारना है। बस 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 हो गया डाउन, मैं भी बहुत लो होते जा रहा हूँ। ओके ओके एक और विदर यहाँ पे डाउन हो चुका है, लेकिन मैं भी लो हो चुका हूँ बहुत, तो मैं गोल्डन एप्पल थोड़े से चबा लेता हूँ। और अब 2 विदर बस बचे हैं हमारे। ओके फाइनली हमारा सिर्फ 1 विदर यहाँ पे बचा है, तुम देख सकते हो हमारे 4 विदर मर चुके हैं। यहाँ पे मैं स्टार तो कलेक्ट कर लूँ जल्दी से, अब इस विदर को बस मारना है और हमारा काम हो जाएगा। एंड विद दैट गाइस, ओ मेरा टोटम यूज हो जाएगा। ओ भाई साहब, एट लास्ट हमारा टोटम यूज हो गया, बट हमने 5 विदर को मार दिया एक साथ, टेक्निकली 4 को मारा, लेकिन कोई बात नहीं, विल टेक इट। हमने हमारा मिशन कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास 5 नेदर स्टार आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हम 5 बीकन और बना पाएंगे अब। चलो घर चलते हमारे ओवरवर्ल्ड में और हमारा बीकन बनाते हैं। ये रहा मेरा एंडर चेस्ट, ये सब लेके चलो अब अपन घर की ओर चलते हैं। यार इतने टाइम हो गए, हमारा शीरो
बिल्कुल अकेला है। मैं भी इस वर्ल्ड से कहीं ना कहीं चले जाता हूँ। ये देख लो अभी से ये रेडी है कहीं मेरे साथ घूमने जाने के लिए, लेकिन मैं इसके साथ कहीं जा नहीं सकता वरना ये मर जाएगा। तो यार इसके लिए एक फ्रेंड लेके आना है, एंड मेरे को पता है एक ऐसा प्लेस जहाँ से हम इसके लिए एक फ्रेंड लेके आ सकते हैं। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। एंड आई थिंक जंगल बायोम में शीरो को हमको एक परफेक्ट दोस्त मिल जाएगा। एंड सुबह सुबह देखो हमको कौन मिल गया है। मेरे को नाम नहीं पता इसका, इसका नाम तुम लोग डिसाइड करोगे। तो इस पैरेट को मैं जल्द से टेम कर लेता हूँ। इसको घर लेके जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं बहुत दूर आया हूँ इस जंगल बायोम को ढूंढने के लिए। बट फाइनली हम बहुत टाइम के बाद हमारे घर में पैदल पैदल चलते हुए पहुंच ही गए। एंड हमारा एन्चांटमेंट टेबल तुम देख सकते हो, इतने दिनों से ये बाहर रखा हुआ है। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम इसके लिए भी एक डेडिकेटेड रूम बना दें। तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे मेरी बिल्डिंग स्किल्स कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे बाजू वाला रूम ब्लैक स्टोन से बना हुआ है ना, इस वाले रूम को भी हम ब्लैक स्टोन से बनाए। एंड यार ये ब्लैक कलर के वाइब में हमारा अब एन्चांटमेंट रूम कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं अपने गन पाउडर फार्म के ऊपर आ गया हूँ। मैं थोड़ी देर AFK बैठूंगा क्योंकि यार तुम देख सकते हो वहाँ पे अभी भी नेदरराइट का बीकन नहीं है, और हमारे पास यहाँ नीचे में सिर्फ एक नेदरराइट का ब्लॉक रखा है। हमारा प्लान है कि हमको नेदरराइट का फुल बीकन बनाना है। इसके लिए हम हर 100 डेज में थोड़ा थोड़ा एंशिएंट डेब्री माइन करेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे AFK रहते ताकि हमको बहुत सारे गन पाउडर मिल सके, ताकि हम एंशिएंट डेब्री माइन करने जा सके। एंड थोड़ी देर ये AFK रहने के बाद तुम देख सकते हो और बस बहुत सारे गन पाउडर आ चुके हैं। एंड अब हमको जाना है एक नियर बाय डेजर्ट में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि हमको बहुत सारे सैंड मिल सके। अभी तो मेरे पास जितने सैंड है उससे हम ज्यादा तो बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे और भी गन पाउडर रखा है मैंने। ओके सो अभी तो सिर्फ मेरे पास 3 स्टैक TNT यहाँ पे आया है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा चाहिए होगा मेरे को। तो चलो चलते एक नियर बाय डेजर्ट में उसको डिस्ट्रॉय करने के। और यहाँ पे यार देखो आइस वाला बायोम मिल गया। अब यहाँ पे आई है तो ये आइस भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्या पता ये बाद में हमारे काम आए। एंड आई थिंक 3.5 स्टैक वुड बी इनफ, इतने से हमारा काम हो जाएगा अगर फ्यूचर में कोई भी बिल्ड में हमारे ये वर्क करता है। तो मैं अपने एंडर चेस्ट में यहाँ पे सेव करके रख देता हूँ और चलते अपने डेजर्ट की तरफ। अभी ये तो देखो मेरे को क्या मिला, मैं जस्ट अभी यहाँ से निकल ही रहा था। ओ भाई साहब यहाँ जस्ट उड़ते उड़ते हमको ओशन मॉन्यूमेंट मिल गया यहाँ पे, मैं तो ढूंढ भी नहीं रहा था इसको। एक काम करते हैं जल्दी से अभी हम एंशिएंट डेब्री माइन कर लेते हैं, उसके बाद इस ओशन मॉन्यूमेंट को लूटेंगे। ठीक है यहाँ पे एक जियोड भी है, और चलो और मेरा प्लान है कि मेरे को इस ओशन मॉन्यूमेंट को ड्रेन करना है और इसमें एक इनको क्या बोलते हैं ये छोटी छोटी जो भी मच्छियां है ना इनका फार्म बनाना है, क्योंकि ये बहुत सारा XP देते हैं और सी लैंटन भी देंगे अपने को। लेकिन याद रखूंगा मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी सेव कर लेता हूँ। चलो यार हमको बहुत दूर आना पड़ा लेकिन हमको डेजर्ट मिल गया, और यहाँ पे डेजर्ट में डेजर्ट टेम्पल भी है। तो चलो इसको लूट लेता हूँ, क्या पता मेरे को नॉच एप्पल भी मिल जाए, क्योंकि हमारे पास अभी तक एक भी नॉच एप्पल नहीं आया। इसमें फ्लेम की एक बुक मिल गई है और सिर्फ एक गोल्डन एप्पल मिला है, इसमें नॉच एप्पल नहीं था। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे हाँ TNT भी ले लेता हूँ, ये 60 TNT भी हमारे बहुत काम आएगा। एंड हमारा शवल तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है यहाँ पे, और हमारा तीनों शल्कर बॉक्स यहाँ पे फुल हो चुका है सैंड से, और हमारा इन्वेंटरी भी फुल हो चुका है। तो चलो अब चलते हैं हमारे बेस पे और वहां जाके बहुत सारे TNT बना लेते हैं और चलते हैं नेदरराइट माइन करने के लिए। गाइस हम वापस घर जा रहे थे, रास्ते में मैं ये बरी ट्रेजर ढूंढने के लिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखो एक और ओशन मॉन्यूमेंट यहाँ पे मिल चुका है अपने को, जिसको मैं अभी तो नहीं लूटने वाला मैं, लेकिन इसका भी कोऑर्डिनेट्स मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं में आऊंगा। यहाँ से मेरे को स्पंज चाहिए, बाकी का ओशन मॉन्यूमेंट ड्रेन करने में वो मेरे काम आएगा। चलो तो घर चल लेते हैं अभी, इसका भी मैंने कोऑर्डिनेट सेव कर लिया है। एंड यार मैंने तो तुमको बताया नहीं कि इस पैरेट का नाम तुम लोग डिसाइड करोगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस पैरेट का नाम मेरे को क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे इन टोटल हमारे पास 6.5 स्टैक ऑफ TNT आ चुका है, एंड बाकी ये जो इतना सारा सैंड हमारे पास बच गया है मैं सेव कर लेता हूँ, हमारे चेस्ट में रख लेते हैं। एंड यार तुमको ऑलरेडी पता है मैं क्या करने वाला हूँ, एक टनल बनाने के बाद मैं वहाँ पे अपने इतने भी यहाँ पे तुम TNT देख सकते हो इनको फोड़ दूंगा। एंड डायरेक्ट तुमको बताता हूँ मैं आपकी मेरे को इतने सारे TNT तोड़ने के बाद कितने एंशिएंट डेब्रीज मिले। एंड इस लास्ट एंशिएंट डेब्री को तोड़ने के बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ 37 एंशिएंट डेब्री मिले, जो कि बहुत तो है। मेरे को अपना स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा इस TNT को फोड़ने के लिए, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डेब्री मिल सके। एंड इतने सारे माइनिंग सेशन के बाद यार मैंने एक नेदरराइट का ब्लॉक और बना लिया है। एंड यार अब कुछ भी करने से पहले ना मैं ये जो चिकन फार्म जो तुम देख रहे हो ना इसको मैं हटाने वाला हूं, क्योंकि ये मेरे को यार लैग करवा रहा है। यहाँ तुम देख सकते हो ऊपर तक, मैं नीचे गिर गया, ऊपर तक यार ये फुल है, इवन मेरे हॉपर्स भी यहाँ पे फुल हो चुके, और ये लोग अभी भी अंडे पे अंडे चीरे जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों जो कमजोर दिल के हैं, थोड़ा सा उधर देख लेना, मैं एक कांड करके आता हूँ।
चलो तो अब इस फार्म को यहाँ पे हम बंद कर सकते हैं, हमारे चिकन फैक्ट्री को। सारे चिकन तो अब जा चुके हैं। अब जब हमारा ये फार्म डिस्ट्रॉय हो चुका है तो यार मैं सोच रहा हूँ 2 या 4 बीकन और बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरे व्हाइट वाले शर्कर सेल में यहाँ पे हमारे 5 बीकन बन चुके हैं एंड आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी इनफ आइटम्स है कि हम इस बीकन को कम्प्लीट कर सके। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास बहुत सारा एमरल्ड रखा हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे बहुत सारा आयरन रखा हुआ है। चलो तो अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे 5 बीकन इस प्रकार से लगा दिया एंड डोंट वरी, हर एक बीकन फुल्ली पावर्ड है। तुम देख सकते हो हर एक बीकन हमको मैक्स्ड पावर दे रहा है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सारे बीकन को आयरन बचाने के लिए एक ही जगह पे लगा दिया है। और अब टाइम आ चुका था कि हम जाए और हमारे ओशन मॉन्यूमेंट को रेड करके आए। और अंदर घुसते साथ इसके पहले कि ये गार्डियन लोग हमको माइनिंग फटीक का इफेक्ट दे, मैंने पहले ये गार्डियन को मार दिया एंड मैं अपने साथ यहाँ पे थोड़े डोर्स भी लेके आया हूँ और एक बकेट ऑफ मिल्क भी लेके आया हूँ ताकि अगर गलती से भी हमको माइनिंग इफेक्ट मिल जाए, जैसे तुम देख सकते हो अभी मिल गया है, तो हम दूध पी के आराम से इस इफेक्ट को अपने से हटा लें। और यहाँ पे यार तुम जानते हो मेनली हमको स्पंजेस चाहिए थे ताकि हम इस पूरे ओशन मॉन्यूमेंट को ड्रेन कर सके। तो मैं स्पंज वाले रूम में जाके पूरे स्पंज वहां से निकाल के ले आया। एंड यार गाइज मैंने बोला था ना ये हमारा ऐसा वर्ल्ड होने वाला है जहाँ पे हम बहुत सारे ओपी फार्म्स बनाएंगे, लेकिन बहुत समय से हमने एक नया फार्म नहीं बनाया। तो मैं सोच रहा हूँ अब हम बनाने वाले हैं एक ओपी वुल फार्म जिससे हमको बहुत सारे वुल मिलेंगे, वो भी हर एक कलर के, वो भी ऑटोमेटिकली। तो फिर उसके बाद मैं गया एक फ्लावर बायो में जहाँ से मेरे को अलग अलग तरीके के कलर्स मिल सके ताकि हम हमारे सारे शीप्स को वुल को कलर कर सके। मैंने यहाँ पे क्ले भी देखो कलेक्ट कर लिया ताकि मेरे को टेराकोटा बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना। बेसिकली हमारा बिल्ड एक शीप का फेस होने वाला है। फिर मैं चले गया नेदर में ताकि वहां जाके मैं कलेक्ट कर सकूं क्वाड एंड बिल्डिंग स्टार्ट कर सकूं। पूरे फार्म को कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़े इंटीरियर को डिजाइन किया और उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा रेड स्टोन का डोर बनाया। ये देखो ये रहा ये डोर। एंड अब यार आई थिंक ना टाइम आ चुका है कि हम एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम हमारे स्टोरेज के लिए बना ले। और मैं सोच रहा हूँ यार छोटा मोटा स्टोरेज रूम नहीं बनाएंगे, एक पूरा का पूरा स्टोरेज वेयर हाउस बनाएंगे जहाँ पे हम आइटम रखे तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह स्टोर हो जाए। एंड हमारा प्लान है कि इसको बहुत बड़ा बनाना है। अभी तो एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना देते हैं लेकिन इन फ्यूचर इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। तो पहले तो मैं लैंड को यहाँ पे फ्लैटन आउट कर देता हूं। तो सीन ये है कि पहले मैं यहाँ पे पूरे चेस्ट लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ के सॉर्टिंग सिस्टम को बनाऊंगा एंड लास्ट में ये पूरे बिल्डिंग को बनाऊंगा जो हमारे ये घर बनेगा यहाँ। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो सॉर्टिंग सिस्टम ऐसे बनता है और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। बस तुमको यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देने हैं और ऊपर में कंपैरेटर और नीचे में रिपीटर लगा के रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है। देखो इसको बोलते हैं फिलर आइटम। इसको मैंने नेम टैग से नाम दे दिया है तो ये लोग कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। और मेरे सैंड जितने भी है वो यहाँ पे देखना, जब मैं उसको इस वाले चेस्ट में रखूंगा तो डायरेक्ट वहां पे चले जाएंगे। तुम देख सकते हो बाजू से वो कूद कूद के आ रहे हैं और सीधे हमारे इन दोनों चेस्ट में जा रहे हैं। बट यार मैंने ना ये बहुत कर लिया है, ये आइटम सॉर्टर को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा चिल काम करते, एक हम बनाते हैं हॉगलिन फार्म तक भी ताकि कभी भी हमको फूड की कमी ना हो। तो सबसे पहले तो मैं नेदर में गया, वहां जाके अपने सारे मटेरियल्स कलेक्ट किए जिससे हम एक हॉगलिन फार्म बना सके। एंड इस फार्म को ऑब्वियसली हम नेदर रूफ के ऊपर बनाएंगे जैसे कि तुम जानते ही हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा दूर चलते हैं हमारे गोल्ड फार्म से ताकि हम जाके हमारा फार्म को बना सके एक्चुअली। तो यार बस अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगा के हम अपना फार्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी ये फार्म को बनाना बहुत ईजी होता है, इसका ट्यूटोरियल मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा फार्म भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, तुम देख सकते हो कि हमको कितने सारे यहाँ पे पॉक चॉप्स मिले हुए हैं और बहुत सारे लेदर मिले हुए। एंड यार रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया था इसलिए मैं फार्म का पूरा तो दिखा नहीं सकता तुमको, लेकिन
इसके गुस्से में मैंने बहुत सारे टीएनटी फिर से क्राफ्ट किया और चले गया नेदर में पूरे टीएनटी को ब्लास्ट करने के लिए। एंड यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं सारे के सारे टीएनटी को एक साथ लाइन में लगा दूंगा और फिर देख के मेरे पास कितना एंशिएंट डिब्री आ पाता है। एंड ये सारे टीएनटी को फोड़ा फाड़ी करने के बाद तुम देख सकते हमारे पास इन टोटल आ चुके हैं 57 एंशिएंट डिब्रीज। और मेरी पिकेक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा माइनिंग किया था। तो यहाँ पे मैं आ चुका अपने गोल्ड फार्म में, पिकेक्स को रिपेयर करके फिर चलेंगे हमारे आइटम सॉर्टर सिस्टम को पूरी तरीके से डेकोरेट करने के लिए। एंड यार अब ये जो डिजाइन मैं तुमको दिखाने वाला हूँ ना, ये बहुत ही प्यारा है, तुमको देख के मैं गारंटी दे रहा हूँ मजा ही आ जाएगा। माइनक्राफ्ट में तुमने फॉग तो देखा है लेकिन तुमको क्या पता था कि तुम खुद फॉग इफेक्ट बना सकते हो? मैं तुमको अभी बिल्ड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यार बॉटम में तुमको एक लाइट सोर्स रखना है, वो किसी भी तरीके का लाइट सोर्स होता है जैसे कि लैंटर्न या कोई भी तरीके का तुम लाइट सोर्स रखना चाहो रख सकते। उसके बाद तुमको जिस कलर का फॉग इफेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी ब्लू कलर का फॉग इफेक्ट चाहिए, तो मैंने ब्लू स्टेन ग्लास रख लिया अपने और मैंने रख लिया है ब्लू कारपेट जो कि मेरे को मेरे वूल फार्म से मिले। तो बेसिकली तुमको सबसे पहले डाउन में कारपेट रखना है। और एक बात अच्छे से याद रख कि ये कम से कम 8 लेयर का होना चाहिए। और ग्लास जब तुम लगाओगे ना तो एक एक के गैप में लगाना, वरना ये फॉग इफेक्ट अच्छा नहीं दिखेगा। अभी तो मैं सायन लगा रहा हूँ आई नो, लेकिन मैं इसको बाद में चेंज करके लाइट ब्लू स्टेन ग्लास लगा दूंगा। एंड बेसिकली ये पूरा फिनिश होने के बाद इस तरीके से दिखता है, तुम देख सकते हो नीचे में एकदम ऐसा लग रहा है कि फॉग गया हुआ है। इवेंचुअली इसको तोड़ के मैंने पूरा लाइट ब्लू स्टेन ग्लास कर दिया क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड अभी तो थोड़ा टाइम कम है यार मेरे पास, इसलिए मैं अभी बाजू के जो मेरे वॉल्स है ना इसको अभी कॉबल स्टोन और स्टोन में रहने दे रहा हूँ। बट मेरा प्लान है कि मैं इनको ब्लू लाइट ब्लू कॉन्क्रीट का कर दूं, और कॉन्क्रीट को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम अपने पूरे यहाँ के ग्लास लगा लेते हैं और इस स्टोरेज सिस्टम के आउटर लेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड यार तुम यहाँ पे देख सकते हो ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि अपन डायरेक्ट यहाँ से कूदेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। बस बाजू में जब मैं कंक्रीट लगा दूंगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बस इसको अब मेरे को लेफ्ट साइड में भी करना है और अब चालू कर देते हैं बाहर की लेयर्स को बनाना। यार मैं बहुत दिमाग लगा रहा था बट कोई भी क्रिएटिव बिल्डिंग आइडिया मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था, तो इन द एंड मैंने ये बनाया है। देखो यार अब जज वज मत करना, मैं इसको बाद में अच्छा कर दूंगा, अभी 400 डे कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन 400 डे अभी भी बचा है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये लेफ्ट साइड में भी पूरा ग्लास से कवर कर दूं ताकि यहाँ पे भी फॉग इफेक्ट बन जाए। तो इवन दो 400 डे हो चुके हैं हम अभी भी काम करेंगे। अरे हाँ मैंने सामने से नहीं दिखाया, ये ऐसा दिख रहा है, आई नो बहुत ही अजीब है और बहुत ही खुला खुला सा है ये, इसको अपन अच्छे से बंद करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यार मैं हमेशा से चाहता था ना कि मैं एमेथिस से बिल्ड करूं क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है। यार मेरा जो शीप बना है वो भी ये कैल्साइट से ही बना है, तो इसलिए मैं ये बीच वाले पाथ को एमेथिस के ब्लॉक से और कैल्साइट से बनाने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे साइड में भी थोड़े से कैल्साइट लगा दिए हैं। मैं फैंटम लोग आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं वरना 401 डे हो जाएगा। मेरे को ये बिल्ड को कैसे भी करके अभी फिनिश करना है। और अब बस ये फाइनल दो ब्लॉक लगाने के बाद हमारा बिल्ड हो चुका है कम्प्लीट। तो यार कमेंट्स में जरूर बताना तुमको मेरा ये स्टोरेज रूम, स्टोरेज घर, स्टोरेज व्हाटएवर कैसा लगा। यार फॉग इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कुछ भी कह लो, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके आजू बाजू कॉन्क्रीट भी लगा दूंगा ब्लू कलर का और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर हार्ड कोर सीरीज का एपिसोड, जिसमें आज हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाने वाले। क्या है ना, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, लाइक 100 डेज, 200 डेज एंड पूरे 300-400 डेज से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये शुगर केन फार्म और इस क्रीपर फार्म को बड़ा करना है, लेकिन मैंने आज तक ये किया नहीं क्योंकि यार इतने सारे प्रोजेक्ट करने पड़ जाते हैं ना मेरे को मेरे 100 डेज की वीडियोस में। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे डेडिकेटेड, ये ट्रैप डोर मैंने कब खोल दिया, हाँ तो मैं सोच रहा हूँ ना कुछ ऐसे डेडिकेटेड एपिसोड बनाते हैं ना कि हमारे क्रीपर फार्म को बड़ा कर सके, नहीं ये तो शुगर केन फार्म है, हमारे क्रीपर फार्म को बड़ा कर सके और शुगर केन फार्म को भी बड़ा कर सके। इसको एक काम करते ना, जितना ऊपर हो सकता है ना इसको लेके जाते हैं और हमारा जो शुगर केन फार्म यहाँ पे है ना इसको भी दो ब्लॉक और यहाँ पे कर देते हैं, ये दोनों भी भर देते हैं और इसको भी एकदम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। वेल उसके पहले तुम ये देखो, ये पार्टिकल्स तुमको दिख रहे हैं किसके अंदर से निकल रहे हैं। मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था और मैंने ये देखो क्या लेके आया है, ये इन पत्तों को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये लेके आया हूँ, ये कितना सही लग रहा है, लाइक बाहर निकलो तो भी इसके पूरे पार्टिकल्स दिखते हैं हमको। तो अपन चलते इस फार्म को बड़ा करने के लिए और इस फार्म को थोड़ा ना प्रिटी बनाने के लिए। यार स्टोन तो मेरे पास बहुत है, मैं इन सारे स्टोन को कन्वर्ट करने वाला हूँ स्टोन ब्रिक्स में, जिसके लिए मेरे को स्टोन कटर लगेगा। तो चलो अब हमारे पास बहुत सारा यहाँ पे स्टोन ब्रिक आ चुका है,
हम चलते हैं अब इस फार्म को एक्सटेंड करने के लिए। तुम देख सकते हो अभी भी वहाँ पे इतनी सारी चीजें स्पॉन हो रही है। सबसे पहले तो यार ये इतना अनोइंग सा जो ये लगा हुआ है ना ट्रैप डोर यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। कहाँ है आए भाई साहब, इतने सारे अभी भी स्पॉन हो रहे हैं इसमें। वहाँ पे है ना, मेरे को वहाँ जाना है। प्लीज प्लीज लैंड कर जा भाई, 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। ओके लैंड कर गया, इसको बंद कर देते हैं। और फार्म को ना बंद करने के लिए ना अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आना है, इस रेडस्टोन को तोड़ना है और ये पूरा का पूरा फार्म बंद हो जाएगा। तुम देख सकते हो ये फार्म यहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये वाटर पूरा ऊपर से फ्लो कर रहा है, बट टेंशन की बात नहीं है क्योंकि फार्म पूरा बंद हो चुका है। अरे हाँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ रहा था और मैंने नोटिस किया कि ये जो वाटर है ये पीछे तरफ आ ही नहीं रहा है, मतलब ये क्या सीन है। और ऐसा नहीं है कि ये ग्लिच हुआ है, रुको मैं यहाँ से वाटर बकेट हटा भी देता हूँ और वापस डालता हूँ, तो भी ये देखो ये पीछे तरफ फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। अलग ही माइनक्राफ्ट का लॉजिक चल रहा है। तो इसको वापस से रख देते अपन और ये पूरे फार्म को एक्सटेंड करना शुरू कर देते। पहले तो मेरे को ये रूफ तोड़ना पड़ेगा, मैं जल्दी से रूफ तोड़ देता हूँ। 600 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। इस एपिसोड में मैंने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कि ड्रेनिंग द ओशन मॉन्यूमेंट एंड मेकिंग 1000 बीकन। यस, लेकिन ये सब मैंने कैसे किया जानने के लिए इस वीडियो को तुम एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यार मैंने जो क्रीपर फार्म बनाया था ना उसको और बड़ा करना है, क्योंकि मुझे ना एक दिन पूरा नेदरराइट का बीकन बनाना है। हाँ, सोचा था कुछ ऐसा ही है मैंने। तो इसलिए चलो अपने क्रीपर फार्म के टोपी को सबसे पहले उड़ा देते हैं। तो चलो ये तो हो गया, बट इस फार्म को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होंगे। बहुत सारे नहीं, सिर्फ मुझको ऑब्जर्वर्स चाहिए जिनको हमें इस पैटर्न में प्लेस करना है, एंड हर एक लेयर में स्टोन ब्रिक्स लगा देने स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म के लिए। और मेरे घर के बाजू का स्टोन जनरेटर तो तुमको याद ही होगा। नहीं, मैं यहाँ से जितना ज्यादा स्टोन हो सके उतना कलेक्ट कर लिया ताकि हमारे इस फार्म को टोटली कंप्लीट कर सको। और आफ्टर फ्यू आवर्स हमने इस फार्म को बड़ा कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ यार, तुम क्या बोलते हो, हमें इस फार्म को और बड़ा करना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मैं अपने क्रीपर फार्म में AFK बैठा हुआ था कुछ एक घंटे, जहां से मेरे को बहुत सारे गन पाउडर मिले, जिससे मैं गया TNT बनाने के लिए नेदरराइट माइन करने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हमको सिर्फ 23 एंशिएंट डेब्रिस मिले, बट चलो कोई नहीं यार, हम इतने से भी काम चला लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट मिशन जो हमने बहुत टाइम से प्लान करा हुआ है वो करने का टाइम आ चुका है, और वो है ओशन मॉन्यूमेंट को ड्रेन करना। और ये टास्क बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो फिर मैंने अगले दिन मेरे ओशन मॉन्यूमेंट को ढूंढा एंड फिर उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाने लगा। एंड ट्रस्ट मी, ये पार्ट देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, बट ये करने में मेरी हालत खराब हो गई थी। तो जैसे कि तुम देख सकते हो हमने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया, लेकिन अब शुरू होता है द मोस्ट मुश्किल पार्ट, और वो है इसको ड्रेन करने का। पहले यहाँ जाके ना मैं इनके गार्डियंस को मार देता हूँ ताकि हमको वो इफेक्ट ना दे दे माइनिंग फटीग वाला। फिर हमें पूरे ओशन मॉन्यूमेंट को सैंड और स्पॉन्ज से ड्रेन करना है। तो मैंने यहाँ के सारे स्पॉन्ज कलेक्ट कर लिए और लग गया इस ओशन मॉन्यूमेंट को ड्रेन करने में। तो अभी डे 582 हो रहा है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आधा ओशन मॉन्यूमेंट को ऑलमोस्ट ड्रेन कर दिया है। नाउ जस्ट थोड़े और दिन और मैं ये पूरा ड्रेन कर दूंगा। फाइनली हमने हमारे इस ओशन मॉन्यूमेंट को पूरी तरफ से ड्रेन कर दिया, लेकिन सिर्फ बाहर से ड्रेन हुआ, अभी तो अंदर से ड्रेन करना बाकी है। तो मैंने क्विकली अंदर से भी ड्रेन किया इस ओशन मॉन्यूमेंट को, अंदर के सारे गार्डियन एंड जितने भी वहां के मछलियां थी उनको मारा। और जब मैं बाहर निकला तो मेरे को कुछ विलेजर्स मिले, जहां पे एक ऐसा विलेजर मिला जो मेरे को अटैक नहीं कर रहा था, एक्चुअली कर रहा था, उसका मैंने ड्रेन कर दिया उस चीज को भी, जिससे वो अब मेरे को कभी अटैक नहीं करेगा। और इन भाई साहब का नाम अपन रखने वाले हैं पोपटलाल। ये पोपटलाल होने वाले हैं इस पूरे ओशन मॉन्यूमेंट के गार्डियन। लेकिन यार ये तो थी मेरे 500 डेज के बाद, बाकी के 100 दिन मैं कहां था। वेल, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा आइडिया है कि माइनक्राफ्ट यार बहुत ही ज्यादा इजी गेम है, इसको थोड़ा मुश्किल बनाया जाए। तो मैंने खुद को ही चैलेंज दे दिया कि अब यार एक बीकन या दो बीकन या 100 बीकन भी हम नहीं बनाएंगे, मुझे चाहिए 1000 बीकन्स मेरे इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। लेकिन इतने सारे बीकन्स आएंगे कहां से। तो जैसे कि तुमको पता है कि बीकन्स बनाने के लिए हमको चाहिए होते हैं नेदर स्टार, और जो कि हमको मिलते हैं विदर्स को मारने से। एंड विदर्स को स्पॉन करने के लिए हमको चाहिए होता है सोल सैंड और विदर स्केलेटन हेड। नाउ अगर तुम्हें प्रीवियस एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि मेरे पास एक विदर स्केलेटन फार्म ऑलरेडी है। तो मैं उस फार्म में जाने वाला हूँ, वहां पे AFK बैठने वाला हूँ और वहां पे विदर स्केलेटन को बाहर
फार मारने वाला हूँ ताकि मेरे को बहुत सारे विद स्केलेटन स्कल्स मिल सके। इन टोटल मेरे को 3000 विद स्केलेटन स्कल्स चाहिए ताकि मैं 1000 विद स्पॉन्स कर सकूं और उनको मार सकूं। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कम से कम 2 से 3 दिन मैंने विद स्केलेटन स्कल्स को मारा है और तुम देख सकते हो इन टोटल हमने 36,487 विद स्केलेटन को मार चुका है और फाइनली हमारे पास 3000 के लगभग विद स्केलेटन स्कल्स आ चुके हैं। लेकिन अभी भी एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें करना जरूरी है, विद स्केलेटन को स्पॉन करने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। विदर को स्पॉन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सोल सैंड, और सोल सैंड मेरे पास एक भी नहीं अभी। तो चल के जल्दी से मैं तुम्हें एक छोटा सा मॉन्टाज दिखाता हूँ मेरे सोल सैंड माइनिंग का, जहाँ पे मैंने पूरे सोल सैंड को माइन किया ताकि हम अपने विदर्स को स्पॉन कर सके। तो अब मैंने सोल सैंड भी कलेक्ट कर लिया, हमारे पास इनफ स्केलेटन के स्कल्स भी आ चुके हैं। अब सिर्फ हमको विदर को स्पॉन करना था और सारे 1000 विदर को मारना था। तो यहाँ चल के मैं जल्दी से अपने विदर्स को स्पॉन कर देता हूँ हमारे बेडरॉक के ऊपर ताकि मैं यहाँ पे आसानी से विदर्स को लड़ सकूं। एक काम करते, सबसे पहले ना 5 विदर को स्पॉन करके देखते हैं एंड देखते हैं कि मैं इनसे लड़ पाऊंगा कि नहीं। पांच विदर्स को तो हमने मार लिया, लेकिन यार 5 तो भाई यू मार दिया मैंने। एक काम करते हैं, अब हम 10 विदर्स को स्पॉन करते हैं और 10 विदर के साथ एक साथ लड़ते हैं। मस्त प्लान है। तो मे बी 1000 विदर से आप एक साथ लड़ दे सकते हैं। मैं बिल्कुल लड़ सकता हूँ, लेकिन यार विदर्स तो है ना वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे क्योंकि यार उनको इंडिविजुअल टाइम चाहिए अकेले अकेले का, और वो लोग मेरे साथ अकेले अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते। तो एक साथ अगर 1000 आ जाएंगे तो मैं सबको उनका इंडिविजुअल टाइम कैसे दे पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, हम एंडर ड्रैगनी के घर पे चलते हैं, उसके बिस्तर के नीचे बेडरॉक के नीचे वहां पे विदर्स को स्पॉन करते हैं और एक एक करके उनको उनका अप्रोप्रिएट टाइम देके धीरे धीरे करके मारते हैं। तो लेट्स गो। एक बीकन हो गया, 1 विदर डाउन, 900 समथिंग मोर टू गो। एंड हाँ, तुम्हारे लिए तो शायद ये 1 से 2 मिनट का है, लेकिन मैं घंटों बैठा हुआ था, बार बार ये सोल सैंड को प्लेस कर रहा था, बार बार इनके स्कल्स को प्लेस कर रहा था और बार बार इनको मार रहा था ताकि मुझे मिल सके नेदर स्टार। एंड एक्चुअली मेरे को तो एक टाइम पे लग रहा था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना ज्यादा बोरिंग हो रहा था ना ये काम और इतना ज्यादा मुश्किल। लेकिन यार कैसे भी करके हिम्मत करके मैंने एट लास्ट 1019 विदर्स इन टोटल मार ही दिए। लेकिन यार अभी हमारा पूरा काम खत्म नहीं हुआ था और पूरी ग्राइंडिंग खत्म नहीं हुई थी, अभी तो एक और चीज बाकी है, अभी तो हमें 3000 ऑब्सीडियन भी कलेक्ट करने थे। यार फिर मैं चले गया अपने बेस पे, वहां जाके मैंने जितने भी ऑब्सीडियन कलेक्ट किए थे ना उनको एक साइड में रखा। लेकिन अभी एक और चीज, हाँ अभी भी एक चीज बाकी है, अभी हमको बहुत सारे ग्लास चाहिए। तो तुमको पता है मैंने सैंड तो बहुत सारा माइन किया ही था जब मैं अपने ओशन मॉन्यूमेंट को ड्रेन कर रहा था, तो मैंने अपने घर के बाजू में एक ऑटो स्मेल्टर, वो भी ऑटो नहीं सुपर ऑटो स्मेल्टर बना दिया, जिसमें मैं अपने सारे ग्लास को स्मेल्ट कर दिया, सैंड को स्मेल्ट कर दिया, उससे ग्लास बना लिया और अपने पूरे के पूरे ऑब्सीडियन और ग्लास को कन्वर्ट कर दिया मैंने बीकन्स में। एंड हाँ, ताकि पानी में मैं थोड़ा सांस ले सकूं, मैंने ये कॉन्डुइट बना लिया जो कि मेरे को ड्रॉप या एक ज़ॉम्बी ने, बहुत बार मेरे को ड्रॉप मिला ये, जब भी मैं इस ओशन मॉन्यूमेंट में था ना धीरे धीरे करके मैंने 8 कलेक्ट कर लिए नॉटलेस शेल, जिससे मैं ये कॉन्डुइट बना पाया। तो अब तुम देख सकते हो हमारा ये पूरा पूरा ओशन मॉन्यूमेंट कैसा लग रहा है। यार ये मैंने प्लेस इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इनको कहाँ रखना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि इतने सारे बीकन्स का मेरे को क्या करना चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो का भाई तुमको मैं बता नहीं सकता, जल्दी जल्दी आएगी तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगी। थोड़ा ज्यादा ही मैं इनएक्टिव हो गया था, सॉरी, मेरे एग्जाम्स चल रहे यार। वेल, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस देखना तुम चाहते हो और इन फ्यूचर, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मेरा यार ये डिस्कॉर्ड है, ये
जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ऐसे फालतू के अगर मैं ब्रेक ले लू ना तो तुमको अपडेट मिल सके, इससे भी ज्यादा अपडेट चाहिए तुमको। तो यार मेरा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे तुमको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। कभी कभी मैं डीएम्स के रिप्लाई भी कर देता हूं, कभी कभी, ठीक है, कोई स्पैम नहीं करेगा, मैं पहली बता रहा हूँ। 700 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। इस बार हमने वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्वेरियम बनाया और अपने स्टोरेज सिस्टम को भी कंप्लीट कर दिया, एंड ओवर 1 stack से भी ज्यादा एंशिएंट डेब्री फाइंड किया, ताकि हम अपने नेदरराइट बीकन को बनाने के एक कदम और करीब हो सके। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को अपने वर्ल्ड का टूर दे देता हूँ। ये हमारा प्यारा सा डॉग शीरो, और ये है उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मैंने नहीं रखा है, इसका नाम तुम लोगों ने रखा है, पापा की परी। और ये रहा मेरा वो आधा अधूरा स्टोरेज सिस्टम जो मैंने 200 दिनों से आज तक कंप्लीट नहीं किया, बट इस बार हम इसको पक्का कंप्लीट करेंगे। तुम देख सकते हो कितना मेहनत किया था मैंने यहाँ पे फॉग इफेक्ट डालने के लिए। और ये रहा मेरा बिगेस्ट क्रीपर फार्म, जो मेरे को पहले तो बहुत बड़ा लग रहा था, देन मैंने बाकी लोगों का देखा एंड रियलाइज हुआ कि इससे भी बड़ा हम क्रीपर फार्म बना सकते हैं। और अब मेरी फेवरेट चीज जो मैंने आज तक इस वर्ल्ड में बनाई है, ये शीप, और इसके अंदर में इतने सारे जो शीप रहते हैं, मेरे को लिटरली हर एक कलर का ये लोग वूल दे सकते हैं यहाँ से। और ये रहा हमारा आयरन फार्म, जिसमें से फॉर सम रीजन विलेजेस गायब हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, इन फ्यूचर हम इसको भी फिक्स कर देंगे। और ये है हमारे प्यारे बिलवेड पटपट का घर, यहाँ पे पटपट और पटपट नहीं रहते हैं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पटपट कौन है, तो बस इतना जान लो अभी के लिए कि पटपट इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये ड्रैगन एग हमेशा यही ऐसे रोड पे पड़ा रहता है। और ये है मेरा सुपर ऑटो स्मेल्टर, जिसमें मैंने स्पॉन्ज डाला था, पता नहीं अभी तक ये ड्राई क्यों नहीं हुआ, इसको यहां से निकाल लेते हैं, हम नेदर में जाके ड्राई कर देंगे। और यहां नीचे में मैं कुछ रूम्स बना रहा था, फॉर एग्जांपल यहां पे ब्रूइंग स्टैंड का रूम है और यहां पे मेरे एन्चेंटमेंट टेबल का। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि यहां पे और कौन से रूम ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं यहां पे पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी बना दूं। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि यहां पे हम और कौन-कौन से रूम्स को ऐड करें। और यहां तुम देख सकते हो पॉन्ड में हमारे पास 2 एक्सेलोटल है, 2 मेरे बहुत ही प्यारे एक्सेलोटल है, जिसमें से एक का नाम छिपकली और एक का नाम चिमकांडी है। और यार एक काम करते हैं ना, ये लोग कहां ऐसे नाले में रहते हैं, तो इनके लिए ना एक घर बना लेते हैं अपन, ताकि ये लोग अच्छे से खुल के जी सके। अब इनका घर बनाने के लिए मेरे को लगेंगे बहुत सारे ग्लास, और ग्लास मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि लास्ट टाइम तुमको याद होगा मैंने ड्रेन किया था एक ओशन मॉन्यूमेंट, जिससे हमारे पास बहुत सारे सैंड बच गए थे। तो मैं सोच रहा हूँ सारे सैंड को कन्वर्ट कर दे हम ग्लास में, ताकि हम एक एक्वेरियम को बना सके। बट इस एक्वेरियम को बनाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को ये लैंड को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग 45 रेडियस का छोटा सा एक्वेरियम इन लोगों के लिए काफी होगा। ओके, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा एरिया माइन कर लिया है। अब यहाँ पे बस मैं एक 45 रेडियस का सर्कल मार्क कर देता हूँ, ताकि देख सके हम कि हमको और कोई एरिया तो माइन नहीं करना है ना। पहली बार तो देखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा सर्कल चूज किया है। ऑनेस्टली माइन करने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तुम देख सकते हो मेरा पिकैक्स और मेरा शोवल कितना ज्यादा लो हो रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ देखते देखते मैंने जो सोचा था कि इनके लिए एक छोटा सा घर बनाना है, वो अब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है हमारे लिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और दिन रात म्यूजिक सुनते सुनते मैंने ये पूरे के पूरे एरिया को क्लियर कर ही लिया। लेकिन अभी हमारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पीछे वाले एरिया को भी क्लियर करना है, और उसमें भी हमको इतना ही टाइम लगने वाला है। लेकिन उसके पहले तुम देख सकते हो मेरा पिकैक्स कितना ज्यादा लो हो चुका है, तो हम जाने वाले नेदर में, ताकि मैं अपने पिकैक्स को रिपेयर कर सकूं। और तुमको मेरा प्यारा सा एक्सपी गोल्ड फार्म तो याद ही होगा, जो मेरे सारे टूल्स को 1 से 2-3 सेकंड में आराम से रिपेयर कर देता है। और सारे टूल्स को रिपेयर करने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ वहीं पे जहाँ से हमने चालू किया था। फिर से मेरे को बहुत सारा माइन करना पड़ेगा, इस एरिया को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने इस एक्वेरियम को कंप्लीट कर सकूं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यार, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया है मैंने, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों मैं अब सोच रहा हूँ ना, इसको 4 सेक्शन में हम डिवाइड कर देंगे, 4 में भी ये 8 भी हो सकता है, जहाँ पे हर एक सेक्शन में कोई ना कोई तरीके एनिमल्स रहेंगे, एनिमल्स आई मीन फिशेस, बिकॉज यू नो ना एक्सेलोटल के साथ कोई और फिश नहीं रह सकती, क्योंकि एक्सेलोटल ऑब्वियसली फिशेस को मार देंगे। इसलिए एक कॉन्ट्रैप्शन बनेगा एक्सेलोटल्स के लिए, एक बनेगा बाकी फिशेस के लिए, और डॉल्फिन्स वगैरह के लिए मैं भी एक बनाऊंगा। तो फिर मैंने उन 8 में से 1 सेक्शन को फिल कर दिया वाटर से, जहां पे मैं अपने प्यारे प्यारे एक्सेलोटल्स को रख सकूं। एंड हमको बस ऊपर के एक लेयर को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद में नीचे का जितना भी ये मैंने ग्रास टेम्पररी लगाया है ना, इसको अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये पूरा का पूरा सेक्शन पानी से भर जाएगा। एंड एज यू गाइस कैन सी, हमने इस वाले सेक्शन को अच्छे तरीके से पानी से भर दिया, और मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं केल्प का यूज कर लूं, क्योंकि ये रनिंग वाटर नहीं है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक लगाऊंगा ना, तो ये वाटर पे ना गैप आ
जाएगा। तो यहाँ पे जल्द से मैं छिपकली और ये चिमकांडी को उठा के उनके नए वाले घर में डाल देता हूँ। एंड आई थिंक उस गटर से तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा इन लोग को ये वाला घर। जस्ट लुक एट इट, मैंने सोचा था इनके लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा लेकिन अब इतना बड़ा घर बना दिया है कि इनके लिए मेरे को रूममेट्स भी लाने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ डॉल्फिन वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं ताकि इस पूरे एक्वेरियम को हम कंप्लीट कर सके। अगले दिन मैं गया नेदर में, वहां पे अपने सारे स्पंजेस को मैंने ड्राई कर लिया एंड डिसाइड किया कि यार एक बार्टरिंग ट्रेडिंग सिस्टम भी अपने को बना लेना चाहिए जिससे हम पिगलिंग्स के साथ आसानी से ट्रेड कर सके, क्योंकि यार मेरे को बहुत सारे ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ते रहती है और बहुत सारी चीजें जो हमको पिगलिंग्स के ट्रेडिंग से मिल सकती है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और मेरे घर में ही आके मेरे को धमकी देने लगे। तो मैंने क्या किया, लेकिन ये करने के बाद शायद और भी लोग गुस्सा हो गए और अपनी पूरी गैंग लेके मेरे पीछे आ गए। मैं माइनक्राफ्ट बहुत दिनों बाद खेल रहा था इसलिए मैं ऑलमोस्ट 2-3 बार मरते मरते बचा यहाँ पे। बहुत समय बाद मैंने मेरा एक टोटम यूज किया था। आई थिंक मेरे को इस गेम के और प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ यार इस गेम को खेलना। और लास्ट के ये दो कपल्स को मारने के बाद हम फाइनली रेड जीत चुके थे। ये रेड खत्म होने के बाद मैं गया अपने पिगलिन फार्म में जहाँ पे मैंने अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने बार्टरिंग ट्रेडर बनाने के लिए वो हर एक सामान ले आया है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस फार्म को कैसे बनाते हैं, ये मैंने शल्कर क्राफ्ट की वीडियो में देखा था। तो अगर तुमको भी सेम ये फार्म या ये जो भी सिस्टम है ये बनाना है ना, तो इसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से देख के जाके ये फार्म को बना सकते हो खुद से। अब यहाँ पे मेरे को सोल्ड सैंड लगाना है और मेरे लेफ्ट और राइट में जो रेड कारपेट लगा है ना मैंने, यहाँ पे मुझे चाहिए पिगलिन। एंड तुमको हमारे ये वाले पिगलिन भैया तो याद ही होंगे जो बहुत टाइम से इस बोट में बैठे हुए हैं। अब बस इन भाई साहब को मेरे को ये सोने का लालच देके इस ग्लास के अंदर बंद कर लेना है ताकि ये जिंदगी भर हमसे ट्रेडिंग कर सके। एंड टेंशन मत लो, मैंने नेम टैग्स भी लाया है ताकि ये डिस्पॉन ना हो जाए। बस इसको अब थोड़ा सा पुश कर देते हैं। हमारे पिगी दादा के लिए नेम टैग भी हम रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। यार मैंने अभी रियलाइज किया कि मैंने इस फार्म को एक ब्लॉक थोड़ा सा नीचे बना दिया है, इसका मेरे को एक लेवल ऊपर करना पड़ेगा तब जाके फार्म प्रॉपरली वर्क करेगा। एंड एज यू गाइस कैन सी हमारा फार्म अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन ये फाइनल वर्जन नहीं है इस फार्म का। इस फार्म को मेरे को और बड़ा बनाना है ताकि हम बहुत सारे पिगलिंग्स रख सके और बहुत सारे चेस्ट लगा सके, क्योंकि मेरे को यार बहुत सारे ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो वाला फार्म हम बाद में बनाएंगे, अभी के लिए हमारे लिए इतना बड़ा फार्म काफी है। एंड अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने स्टोरेज सिस्टम को फाइनली फिनिश करूं। तुम देख सकते हो ये कैसे खुला खुला और कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ लेते हैं, लेकिन यार तोड़ते तोड़ते मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कितना स्लोली इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो यार मैंने बाजू में जो बीकन्स कुछ लगाए थे ना, वो मैं लेके अपने ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ ले गया था, वहां पे लगा दिए थे। तो जल्दी से चल के मैं अपने बीकन्स को लेके आ जाता हूं। फिर मैं अपने सारे बीगन्स को घर लेके आ गया और उनको पावर अप कर लिया ताकि मैं जल्द से जल्द अपना स्टोरेज सिस्टम बना सकूं। देखो ना तो मुझे पहले पता था कि स्टोरेज सिस्टम को कैसे बनाना है, ना मुझे अभी पता है, क्योंकि तुमको पता है यार मैं बिल्डिंग में बहुत ज्यादा बेकार हूँ, बिल्ड्स मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। तो बस मैं रैंडमली ब्लॉक्स प्लेस करते जाऊंगा, देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे ब्लॉक्स को यहाँ से तोड़ देते हैं हम। ये फॉग वाला जो इफेक्ट मैंने बनाया ना, ये तो परफेक्ट लग रहा है मेरे को, तो इसको तो मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। इसको एक्सटेंड जरूर कर सकते, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना इसके ऊपर ही हम हमारे स्टोरेज सिस्टम को बनाएंगे। जब मैं ये घर बना रहा था ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को इसको किस तरीके से बनाना है। मैं बस रैंडमली ब्लॉक्स को प्लेस कर रहा था एंड मैंने रियलाइज किया कि ये जो कैल्साइट का व्हाइट कलर का ब्लॉक होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है, तो मैं तो यार इसी को यूज करूंगा। लेकिन बात यह है ना कि ये कैल्साइट के जो ब्लॉक होते हैं ये बहुत ज्यादा रेयर भी होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एमेथिस्ट जियोड में मिल सकते। तो मैं चले गया ओशन की तरफ ताकि मैं और एमेथिस्ट जियोड को माइन कर सकूं, ताकि मेरे को ये सारे ब्लॉक्स और मिल सके। सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद फिर मैं चले गया अपने घर पे ताकि मैं अपने बिल्ड को कंप्लीट कर सकूं। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं अपने डार्क ओक से और कैल्साइट से इस घर को बना रहा हूं। तो मैंने डार्क ओक के सैपलिंग्स लिए, उनको अपने घर के बाजू में ही प्लांट कर दिया और यहां पे मैं इनको चॉप करना चालू कर दिया ताकि मेरे को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। समय आ चुका है कि मैं यहां पे जो फालतू के इतने सारे चेस्ट लगाया था इनको तोड़ दूं। एंड सो फार तुम लोग देख सकते हो कि फ्लोर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन टॉप मैं बना नहीं सकता क्योंकि तुम जानते हो बिल्डिंग मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है और बिल्डिंग का छत बनाना वो तो भाई मेरे लिए इम्पॉसिबल। देखो डिजाइनिंग वगैरह तो मेरे से होता नहीं है, तो मेरे दिमाग में बस इतना सा आया कि मैं घर के आई मीन हमारे स्टोरेज रूम के छत पे एस लिख देता हूँ, तो आई थिंक कूल लगेगा। अब
तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा लग रहा है। अगर तुमको अच्छा लगा हो ना तो पर्पल हार्ट स्पैम कर देना कमेंट्स में, और अगर तुमको बुरा लगा हो तो यार ब्लैक हार्ट स्पैम कर देना वो टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे बकेट्स क्राफ्ट किए, क्योंकि यार अब मैं सोच रहा हूँ अपने एक्सेलोटर्स को ना एक नेबर भी प्रोवाइड कर ही दिया जाए, और मैं सोच रहा हूँ उनके बाजू में ना हम रखेंगे टैक्टिकल नहीं क्या बोलते उसको, ट्रॉपिकल फिशेस को, ताकि हमारे एक्सेलोटर लोग अकेला फील ना करें। फिर मैं चले गया अपनी एक जर्नी पे जहाँ पे मेरे को मिला वार्म ओशन, और तुमको अगर पता नहीं हो तो वार्म ओशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रॉपिकल फिश स्पॉन हो सकती है, और ये कहीं पे भी स्पॉन नहीं होती है। फिर मैंने बहुत सारे ट्रॉपिकल फिशेस को अपने बकेट में डाला, और यहाँ पे जितना भी तुम कॉरल देख सकते हो ये सबको मैंने कलेक्ट किया, क्योंकि मेरा जो इतना बड़ा मैंने एक्वेरियम बनाया है ना, वहाँ पे हम ट्रॉपिकल फिशेस के लिए उनका खुद का एनवायरनमेंट बनाएंगे। फिर मैं गया अपने एक्वेरियम पे, सारे चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं सारे फिशेस को उनके पॉन्ड के अंदर डालने लगा, लेकिन यार इतने सारे फिशेस डालने के बाद भी ना ये थोड़ा एम्प्टी सा लग रहा था, तो इसको डेकोरेट करने का टाइम आ चुका था। मैंने बाजू वाले लेक से जितने भी मेरे को सैंड मिल सकते थे ज्यादा से ज्यादा मैंने वो कलेक्ट कर लिया, ताकि मैं अपने इसके बेस को ना सैंड का बना सकूं, ताकि एक बीच की वाइब दे सके और एक ना ओशन की वाइब दे सके। फिर मैंने जितने भी सैंड कलेक्ट किए थे उनको बॉटम लेयर में प्लेस कर दिया, बट जैसे कि तुम देख सकते हो अभी भी ये बहुत एम्प्टी लग रहा था, और ये ना ओशन वाली ना उतनी ज्यादा वाइब नहीं दे रहा था। तो अगले दिन मैंने जितने भी कॉरल लेके आए थे ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया इस एक्वेरियम के अंदर लगाना, और इसको लगाने के बाद यार गाइस लिटरली ये एक्चुअल मेरे को ओशन वाली वाइब दे रहा है। तुम देख सकते हो बाकी के सारे फिशेस भी यहाँ पे कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, और ये कितना ज्यादा रंग बिरंगा लग रहा है। इस पफा फिश को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये आई थिंक मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, इसलिए बार बार किस करने आ जाता है यार। एंड जस्ट लुक एट इट गाइस, हमारा एक्वेरियम कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इवन तो हमने सिर्फ इसके बॉटम पार्ट को फिल किया, ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यार तुम लोग ना कमेंट्स में जरूर बताना कि इनके बाकी के सेक्शंस में ना हम और क्या क्या चीजें रख सकते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ ना ऊपर वाले फ्लोर में अगर अपन पूरी तरीके से लावा रख दे तो यार ये कितना ज्यादा कूल लगेगा। नहीं तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में तुम लोग जरूर बताना अपने आइडियाज कि हम यहाँ पे क्या रखना चाहिए। उसके अगले दिन मैं गया अपने नेदर में, वहां जाके मैंने अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया, और यार ये लेवल अप करते करते ना मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट 700 डेज होने वाले, लेकिन आज तक हमारे पास एक भी एनचांटेड गोल्डन एप्पल नहीं आया है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट एनचांटेड गोल्डन एप्पल ढूंढने जाए, लेकिन ढूंढने में आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी मेरे को ये चीज चाहिए जो कि है बहुत सारे इलाइट्रा। तो एप्पल ढूंढने के पहले हम जाएंगे एंड में, वहां जाके हम कलेक्ट करेंगे 2-3 या आई थिंक 4-5 इलाइट्रास, ताकि हम कभी रुके ना और हम एनचांटेड गोल्डन एप्पल्स ढूंढ सके आराम से। तो मैं आ गया अपने एंड सिटीज में, यहाँ पे मेरे को अब चाहिए था कि मेरे को ऐसे एंड सिटीज मिले जहाँ पे हो बोर्ड, ताकि मैं इलाइट्रास कलेक्ट कर सकूं। तो बिना टाइम तुम्हारा वेस्ट किए मैं दिखा देता तुमको कि मेरे को पहला इलाइट्रा मेरे एकदम जल्दी तो नहीं, मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दूर आना पड़ा, लेकिन 10,000 ब्लॉक्स दूर आने के बाद हमको हमारा पहला इलाइट्रा मिल गया। और हाँ बाकी के इलाइट्रास ढूंढने में भी ना मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन यहाँ पे सारी बोरिंग चीजें हुई थी, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सिर्फ उड़ ही रहा था, इसलिए मैं तुमको इस तरीके से जल्दी से दिखा देता हूँ। फिर मैं अपने घर आ गया, और मेरे को जितने भी लूट उस एंड सिटी से मिले थे मैंने उनको एक शेल्कर बॉक्स में रख लिया, और अब टाइम आ चुका था कि मेरे इलाइट्रास को मैं अपग्रेड कर दूं, जिसका मतलब है मेरे को इसमें मेंडिंग डालना है और अनब्रेकिंग 3 की बुक डालनी है। यार ये कितने ज्यादा बार टकटक हुआ ना। चलो अब एक काम करते हैं ना, जो भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बता देगा ना कि कितने बार करेक्टली ये टक 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 हुआ, उस कमेंट को मैं गारंटीड हार्ट दूंगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे यहाँ पे रॉकेट को क्राफ्ट कर लिया है। अब मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही लंबी जर्नी पे, ताकि मेरे को मिल सके बहुत सारे एनचांटेड गोल्डन एप्पल। वैसे आज का गोल तो हमारा होने वाला है कि सिर्फ एक एनचांटेड गोल्डन एप्पल चाहिए, बट मैं चाहता हूँ ना कि एक फ्रेम बनाओ, उसमें हमारे सारे एनचांटेड गोल्डन एप्पल्स रखो इस वर्ल्ड में जितने हमको मिलेंगे। फिर मैं निकल गया हमारी जर्नी पे एनचांटेड गोल्डन एप्पल को फाइंड करने के, और रास्ते में मेरे को मिला एक आइस पीक बायोम। यहाँ पे तुम देख सकते हो पैक्ड आइस मेरे को आसानी से मिल सकते हैं, तो यहाँ पे ना मैंने 1-2 स्टैक कम से कम आइस को कलेक्ट कर लिया, ताकि ये मेरे बाद में ना फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम आ सके। रास्ते में मेरे को एक रुइन पोर्टल मिला, और रुइन पोर्टल के अंदर एनचांटेड गोल्डन एप्पल नहीं मिला। यार रुइन पोर्टल के अंदर मिलता भी है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है यार मिलता था, लेकिन आज तक
मुझे तो नहीं मिला है। गाइस तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे को मेसा बायो मिल गया है। इतना ज्यादा रेयर होता है ना ये बायो, लेकिन डेजर्ट नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है ना तो बहुत छोटा छोटा मिल रहा है, जहाँ पे ना डेजर्ट टेम्पल अवेलेबल ही नहीं है। यार मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी वाली खराब है ना कि मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। वेल एनीवेज, बहुत ज्यादा समय के बाद हमको फाइनली एक डेजर्ट मिला, डिसेंट था, जहाँ पे मेरे को मिला एक डेजर्ट टेम्पल। एंड कमाल की बात तुमको पता है क्या है, बहुत ही ज्यादा कमाल की बात, उस डेजर्ट टेम्पल के अंदर हमको हमारा फर्स्ट नॉच एप्पल मिल भी गया। हाँ ये ढूंढने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगा, 1 से 1.5 घंटे लग गए, लेकिन हमारे पहले डेजर्ट टेम्पल के अंदर ही हमको एंचांटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। हाँ वो बात अलग है, इतने देर में सिर्फ एक ही एंचांटेड एक ही डेजर्ट टेम्पल मिला है हमको। यार मैं तो बहुत खुश हूँ यार, लेकिन तुम लोग देख सकते हो मैं -7000 इतना ज्यादा ब्लॉक्स दूर आया हूँ, तब जाके मेरे को एक एंचांटेड गोल्डन एप्पल मिला। और घर की तरफ वापिस आते समय यार मेरे को दिखा कि मैंने एक डेजर्ट को मिस कर दिया था, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इस डेजर्ट पे कोई भी डेजर्ट टेम्पल नहीं है। यहाँ पे एक रुइन पोर्टल जरूर था, लेकिन उसके अंदर कोई खास लूट मेरे को मिला नहीं। मैंने अपना एन्चांटमेंट टेबल को रख दिया अपने एंडर चेस्ट में, और अब टाइम आ चुका था कि मैं कुछ दिनों के लिए ना यार AFK बैठूं, क्योंकि अब मुझे माइन करना है बहुत सारे एंशिएंट डेब्रीज, ताकि मैं अपने नेदर के बीकन को नेदरराइट के बीकन को बनाने के एक कदम और करीब जा सकूं। फिर बहुत दिनों के AFK बैठने के बाद मैं निकला अपने क्रीपर फार्म से और मैं गया नेदर में, जहां पे मैंने अपने इलाइट्रा को और अपने टूल्स को रिपेयर किया। और अब हम जाने वाले वापस उसी नेदर, क्योंकि अब हम जाने वाले थे वापस उसी डेजर्ट में, जहां पे मैं बहुत बहुत सारा सैंड माइन करूंगा, ताकि मैं बहुत सारे TNT बना सकूं, ताकि मैं एंशिएंट डेब्री माइन करने और TNT को फोड़ने के लिए नेदर में जा सकूं। सैंड्स को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से आ गया अपने बेस में, ताकि मैं अपने सारे सैंड और गन पाउडर को जल्दी से जल्दी TNT में कन्वर्ट कर दूं और जा सकूं नेदर में, ताकि मैं वहां पे माइन कर सकूं अपने प्रेशियस एंशिएंट डेब्रीज को। तो फिर मैं नेदर में गया और सबसे पहले तो मैंने अपने जो ये शवल तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है, ये तो मैंने ध्यान से देख लिया इसको, वरना ये आज ब्रेक हो ही जाता, इसको रिपेयर कर लिया। और फिर मैंने धीरे धीरे करके नेदर के अंदर एक ऐसा टनल बनाया जिसको मैं कभी भी ऊपर और नीचे जा सकूं, लेकिन नीचे जाने के बाद मेरे को दिखा मेरा पुराना टनल जहां पे मैंने एंशिएंट डेब्रीज को माइन किया। यार बात ये है ना कि मैंने ये टनल बनाया तो बहुत लंबा है, लेकिन हमारी किस्मत हमेशा बहुत ज्यादा खराब रही है और मेरे को ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज मिल नहीं पाया है। मे बी इस बार हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हो और हमको ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज मिल सके, लेकिन मैं पिछले बार की जैसी गलती इस बार नहीं करूंगा। पिछले बार मैं सारे TNT को एक साथ लाइन में लगा दे रहा था, जिसके कारण बहुत सारे TNT ब्रेक हो जा रहे थे और वो एफिशिएंट नहीं था। इस बार मैं चार चार के गैप में ना एक एक TNT सिर्फ लगाऊंगा, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज मिल सके हमारे जितने भी TNT हमारे पास है उनसे। एंड लेट्स स्टार्ट माइनिंग एंशिएंट डेब्रीज। सो फार तो यार मेरे को कोई भी एंशिएंट डेब्री नहीं दिख रहा है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार हमको बहुत सारे एंशिएंट डेब्री मिल सकते। वेल TNT फोड़ने से तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एंशिएंट डेब्री मिस कर दिया था, तुम देख सकते हो। तो फाइनली हमारे को हमारा फर्स्ट एंशिएंट डेब्री मिल चुका है, लेट्स गो। और आई थिंक हमारी किस्मत अब वॉक करना चालू कर दी थी, क्योंकि धीरे धीरे करके मेरे को और भी बहुत सारे एंशिएंट डेब्री मिले जा रहे थे, जैसे जैसे मेरे TNT फटे जा रहे थे।
गाइस ऑल आई वांटेड कि मेरे को ना एक स्टैक मिल जाए एंशिएंट डेब्री, लेकिन यहाँ पे टीएनटी थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा कि एक तो अपन तोड़ ही सकते हैं और उसके बाद मेरे को एक स्टैक से थोड़ा सा एकदम हल्का सा ज्यादा मेरे को मिल गया एंशिएंट डेब्री। और अब टाइम आ चुका था घर वापस जाने का, और घर वापस जाने का सबसे इजी आइडिया लगा मेरे को कि मैं ऊपर डिग कर लेता हूँ। ऊपर में लावा जरूर है, लेकिन अगर मैं एक और टोटम अपने हाथ में रख लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा फायर रेजिस्टेंस का इफेक्ट, जिससे मैं आराम से स्विम करके ऊपर जा पाऊंगा। और इसी तरीके से मैंने रॉकेट का इस्तेमाल करके अपने आप को इस लावा की पूल से बचा लिया। फिर एक बार और मैंने अपने पिकेक्स को रिपेयर किया, क्योंकि तुम देख सकते हो इस बार मेरा पिकेक्स ऑलमोस्ट टूटने वाला था। उसके बाद मैं घर आ गया और मैं कुछ दिन तक एएफके बैठा हुआ था अपने गोल्ड फार्म में भी, ताकि मेरे को बहुत सारे गोल्ड मिल सके। और अपने एंशिएंट डेब्रिस को जल्दी से मैंने लगा दिया स्मेल्टिंग के लिए, और इतने सारे एंशिएंट डेब्रिस को मेल्ट करने के बाद मेरे को पूरे के पूरे 4 नेदरराइट के ब्लॉक मिले। हाँ, देखने में ये शायद कम लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और हाँ, मैंने तुमको स्टार्ट में बोला था ना कि शायद मैं अपने जो ये एक्वेरियम है उसके ऊपर पूरा लावा रखने वाला हूँ, लेकिन लावा सिर्फ नेदर से मिलता है और मैं बार बार नेदर तो जाने से रहा। तो मैं सोच रहा हूँ ना, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने लिए एक लावा का फार्म बनाऊँ। हाँ, हम एक्चुअल में लावा का फार्म बना सकते हैं, और ये फार्म बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ ड्रिपस्टोन चाहिए और कोल्ड रेन चाहिए और हमारा ये पूरा का पूरा फार्म रेडी हो जाएगा। क्योंकि ड्रिपस्टोन के ऊपर अगर अपन लावा को डाल देंगे तो वो हमारे लावा को अनलिमिटेड कर देगा। इवन तो इस फार्म को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊंगा, तो इसका नाम मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना यार, ड्रिपस्टोन का जो ये पॉइंटेड ड्रिपस्टोन है ना, इसको मैं ड्रिपस्टोन के जो ब्लॉक होते हैं ना, सिर्फ उसी पे लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जाने वाला हूँ एक एडवेंचर पे फिर से, जहाँ पे मेरे को केव्स मिलेंगे जहाँ पे मैं ड्रिपस्टोन फाइंड कर सकूँ। और उसके बाद मैं गया एक ऐसे केव में जहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत ड्रिपस्टोन मिल गए, तो मैंने वहां से जितने भी ड्रिपस्टोन के ब्लॉक्स हो सकते थे वो सारे कलेक्ट कर लिए। और अब टाइम आ चुका था इस फार्म को कंप्लीट करने का। बेसिकली यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन अब बन चुका है, मेरे को बस ऊपर में लावा को रख देना है और हमारा काम पूरा यहाँ पे हो जाए। दिस विल बी माय एएफके स्पॉट, जहाँ पे मैं बकेट को लेके एएफके खड़ा रहूंगा। नाउ एज यू गाइस कैन सी, मैंने अपने सारे लावा को इसके अंदर डाल दिया नेदर से लाके, और ये फार्म बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो इतने कम टाइम पे हमारे पास कितना सारा लावा का फ्री बकेट आ चुका है। एंड तुम टेंशन मत लो, हाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तुमको इस फार्म का लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से जाके देख सकते हो और खुद अपने वर्ल्ड में इस फार्म को बना सकते हो। वेल, अभी तो मैं इस लावा को पोर नहीं कर सकता हमारे एक्वेरियम में, क्योंकि यार टाइम हो चुका है, 700 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि तुमको तो पता ही है मेरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डेजर्ट का कोई नामो निशान है। तो फिर यहाँ पे 2000 ब्लॉक्स दूर आने के बाद ना, आई थिंक मेरे को यहाँ पे एक पोर्टल बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ज्यादा चांसेस रहेंगे एक डेजर्ट ढूंढने के लिए। अब चलो देखते हैं पोर्टल हमको कहाँ लेके जाता है, क्योंकि तो मैं स्नोई बायो में आ चुका हूँ, जो कि तुम देख सकते हो कितना ज्यादा दूर है हमारे घर से, ऑलमोस्ट 15,000-16,000 ब्लॉक दूर आ चुके हम। यहाँ पे मेरे को लगता है यार डेजर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे मेरे, और हमारे गोल्डन एप्पल ढूंढने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। यार तुम जैसे कि देख सकते हो ये ना न्यू लैंड्स जो है लोड हुए हैं, तो भाई 1.18 के क्या माउंटेन्स, कितने बड़े बड़े यार, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये वर्ल्ड मेरा, पहली बार देखने में मेरे को मजा आ रहा है इस वर्ल्ड को। लुक मेरे को अभी अभी क्या मिला यार, मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे अपना घर बना लेना था, कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये। लेकिन हमारा वर्ल्ड तो तुम जानते हो 1.16 का वर्ल्ड है, तो हम वो तो नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन तुम देख सकते हो यार, एक बार ना फ्यूचर में हम जरूर ऐसे जगह पे आएंगे और अपना ना एक न्यू स्टार्टर बेस एंड ऑल बनाएंगे, क्या कहते हो तुम लोग। वैसे हमारे पहले डेजर्ट टेंपल में हमको कोई भी नॉच एप्पल नहीं मिला, और इस वाले रुइन पोर्टल के अंदर नॉच एप्पल तो नहीं मिला हमको, लेकिन एक छोटा सा गोल्डन एप्पल जरूर मिल गया। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो मेरे को वो नॉच एप्पल नहीं मिला, तो यहाँ पे हम एक नेदर पोर्टल बना रहे थे ताकि मैं ज्यादा दूर जाके ट्रेवल कर सकूं। और लेकिन तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने नेदर पोर्टल से बाहर कदम रखा, मैं एक बैस्टियन में स्पॉन हुआ था और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। वो तो मेरे इलाइट्रा के स्किल्स को मैंने कैसे भी यूज करके अपने आप को बचा लिया। एंड इस वाले बैस्टियन में देखते हैं मेरे को एक नेदरराइट का इंगट मिल गया, लेकिन कोई भी नॉच एप्पल अभी भी नहीं मिला, तो हमारा अभी भी जर्नी चालू है। आई थिंक यहाँ पे पोर्टल बनाना बिल्कुल सही रहेगा। और तुम देख सकते हो जैसे मैं बाहर निकला, एक केव के अंदर फंस चुका हूँ यार, इतने दूर आने के बाद भी ना मेरे को नॉच एप्पल नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली मेरे को एक्चुअल में एक रुइन पोर्टल के अंदर से नॉच एप्पल मिल गया। भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, जैसे कि तुम देख ही सकते।
सकते हो। जैसे तुम देख रहे हो ना, मैंने ये क्यूब बनाया था गोल गोल, जिसमें मैंने पानी भरने का पहले तो डिसाइड किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना कि ऊपर में ना मैं इसमें पूरे लावा भर देता हूँ और इसको नेदर थीम का बना देता हूँ, जिसके लिए मेरे को हमारे ये लावा वाले फार्म में जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था AFK जाना पड़ेगा। मैंने लावा कलेक्ट करते करने ना मैंने नोटिस किया कि हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है बहुत कम है और हमारा लावा ऑलरेडी फुल हो चुका है। बट फाइनली तुम यहाँ पे देख सकते हो मैं 3 stacks, 3 shulker box फुल लावा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हूँ। बस अब यहाँ पे मैंने जितने भी ग्लास लगाए थे ना इसको तोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को सेपरेशन का जरूरत नहीं है। और यार मैं ना हमेशा कोऑर्डिनेट्स भूल जाता हूँ और मैं स्क्रीनशॉट बार बार ले नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक में पूरे अपने कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है जो भी मेरे इंपॉर्टेंट फार्म्स है उसके। अब मैं यहाँ पे सोल सैंड कलेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था ना कि यार मेरे को नेदर वॉट का एक फार्म बनाना पड़ेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे एक नेदर वॉट का पूरा फार्म बनाने के लिए। और इस फार्म को बनाने के लिए मैंने पीछे के पूरे एरिया को क्लियर कर दिया था और तुम देख सकते हो फिर मैंने यहाँ पे सोल सैंड लगा दिया और नेदर वॉट भी प्लांट कर दिया ताकि मैं इनको बाद में हार्वेस्ट कर सकूं, इवन दो इनका मेरे को कोई भी काम नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर हमको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास बहुत सारे नेदर वॉट रखे हुए हैं। जो मुझे असल में चाहिए था वो है ये नेदर वॉट की ब्रिक्स, आई मीन नेदर जो भी ये ब्रिक्स है यार मेरे को ये चाहिए थे जो कि इतने आसानी से मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में ना वो रेड वाले जो ब्रिक्स होते हैं ना वो चल रहा था जो कि नेदर वॉट से बनता है, तो बाद में हमारे वो नेदर वॉट काम तो आएंगे लेकिन अभी के लिए तो ये वाले नेदर वॉट काफी, आई मीन नेदर ब्रिक्स। और अब टाइम आ चुका है बिल्डिंग स्टार्ट करने का। देख सकते हो यार हमारा बन के पूरा रेडी हो चुका है और मैंने शेडर्स ऑन किए और अब मेरे को लग रहा है भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी मैंने, क्योंकि यार मेरा पीसी बहुत ही ज्यादा हीट अप हो रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो बिना शेडर में भी ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं जाने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए AFK ताकि हम जा सके हमारे नेदर में और वहां जाके हम बहुत सारे TNT फोड़ सके ताकि हम बहुत सारे एंशिएंट डेब्री माइन कर सके। यहाँ से बस मेरे को अब बहुत ही लंबा सा एक स्ट्रेट टेक कर देता हूँ ताकि सारे TNTs को ना मैं एक साथ ही लगा दूं अपने। और तुम देख सकते हो यार कितनी ज्यादा तबाही मच रही है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया यार कि ना मैं एक एक करके इसको फोड़ूंगा क्योंकि यार इससे ज्यादा एफिशिएंट होगा और हमको ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिल पाएंगे। और एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप हमारे पास इन टोटल आ चुके हैं 36 एंशिएंट डेब्रिस। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे यार ये 36 तो बहुत ज्यादा कम है, वैसे तो हमको बहुत सारे मिलने चाहिए थे लेकिन मेरे पास TNT नहीं थे ज्यादा। हमारा जो पुराना वाला हमारा जो करेंट वाला गन पाउडर वाला फार्म है ना वो बहुत ही ज्यादा ना अब मेरे को इनएफिशिएंट सा लग रहा है, तो मैं ना एक न्यू गन पाउडर फार्म बनाने वाला हूँ जिसको स्कैफोल्डिंग से बनाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा इजी भी होता है बनाना। तो इसके लिए मेरे को अपने पुराने वाले गन पाउडर को गन पाउडर वाले फार्म को पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ बोलते बोलते ही हमारा पूरा गन पाउडर का पुराना वाला फार्म टूट चुका है। और हाँ मेरे XP ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं मैं तुमको बता दूं, मैं ना बार बार हमारे यहाँ पे रिपेयर करने के लिए आता रहता हूँ अपने XP फार्म में। और यहाँ पे जब मैं अपने चेस्ट में देख रहा था ना तब मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे पास बैम्बूज की बहुत कमी है, सिर्फ 3 बैम्बूज है और मेरे को बहुत सारे स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो मैंने अपने घर के पीछे बैम्बूज को पूरे प्लांट कर दिया और वहां से पूरे बैम्बूज को कलेक्ट कर लिए और बहुत सारे स्कैफोल्डिंग्स बना लिए। और आई थिंक हम इस वाले ओशन में हमारे फार्म को बना सकते हैं क्योंकि ये बीचों बीच है और ये बहुत ही बड़ा सा ओशन है। अब देखो तुम टॉप लेफ्ट में देख सकते हो कि मैंने रिप्ले मोड तो ऑन किया था लेकिन तुम तो जानते हो मैं कितना बड़ा नूब हूं, तो भाई मैंने ना बैड लेन का इनसे रिप्ले मोड को रिकॉर्ड कर रहा था और सारा का सारा मोड मेरा सारा का सारा रिप्ले मेरा क्रैश हो गया और मेरे पास कोई भी रिप्ले नहीं है दिखाने के लिए, तो इसलिए तुमको ये रॉ फुटेज देखनी पड़ेगी। और अब मेरे को बस यहाँ पे एक रेडस्टोन का लीवर लगा देना और हमारा पूरा फार्म वर्क करना चालू कर जाएगा होपफुली। अगर ये वर्क नहीं करता है तो यार पानी से हो सकता है कि हमारा पूरा स्कैफोल्डिंग से बना हुआ फार्म टूट जाए। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा फार्म अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, पूरा पानी नीचे आ रहा है, बस मेरे को अब नीचे में इन क्रीपर के थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि ये लोग गिर के मर जाए और मेरे को अपना पूरा गन पाउडर दे दे। देखो पहले तो मैंने सोचा ना कि यार नेदर वाला एक सिस्टम बना लेता हूँ जिससे क्रीपर नेदर में आके मरेंगे, लेकिन ये वाला प्लान मेरा फेल हो गया था,
इसलिए मैं इसको ओवरवर्ल्ड में बनाने वाला था जहाँ पे वो लोग आराम से मरे। और अगर यार तुमको कोई ऐसे नेदर वाला टेक्निक पता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा AFK बैठा हुआ था ताकि मैं टेस्ट कर सकूं मेरा फार्म चल रहा है कि नहीं। और भाई जैसा कि तुम देख सकते हो कितना ज्यादा OP बन चुका है हमारा ये वाला फार्म। कितने सारे क्रीपर यहाँ पे है, यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे गन पाउडर मिलेंगे अपने को। ओके, तो वो वाला तो मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए AFK गया था, अब टाइम आ चुका है असली में AFK जाने का और देखते हैं हमको कितने सारे गन पाउडर मिलते हैं यहाँ पे। और हैं सिर्फ इतना सा यार आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है हमारे क्रीपर फार्म में। यार मेरे को शायद थोड़ी ज़्यादा देर के लिए AFK जाना पड़ेगा। एक बार AFK यार बाद में चले जाएंगे, वैसे भी इस वाले वीडियो में हम ऑलरेडी AFK जा चुके हैं, तो एक काम करते हैं लास्ट में भी हम AFK जाएंगे। अभी के लिए ना ये गन पाउडर को यही रहने देते हैं इस फार्म को और अपन चलते हैं हमारे बाकी का काम करने के लिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो जब मैं घर वापस आया ना तो मेरा इन्वेंट्री और मेरा स्टोरेज कितना ज़्यादा मेस्ड अप है और मेरे पास कोई भी स्टोरेज सिस्टम ढंग का नहीं है। हाँ, ये जो मैंने स्टोरेज रूम बनाया है ये बहुत अच्छा तो है और बड़ा भी है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है और इसमें मैं अपने सारे सामान को रखता तक नहीं हूं। तो 1.19 में एलिस को ऐड किया गया है माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन उनके आते ही साथ इन पिलेजर्स ने उनको बंदी बना लिया, उनके पास रहने के लिए कोई घर तक नहीं है। इसलिए आज का हमारा मिशन है इन एलिस को बचाना और इनके लिए एक सेफ हाउस और एक टाउन बनाना। सबसे पहले तो मेरे को एक पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको लगेंगे रॉकेट्स और तुम देख सकते हो मेरे पास कितने कम रॉकेट्स है। और रॉकेट्स के लिए हमको लगने वाले गन पाउडर और मैंने गन पाउडर फार्म पहले बना चुका है, तो चलो चलते हैं हमारे गन पाउडर फार्म की तरफ। लास्ट 100 डेज में बनाया था, प्लीज जाके देख लेना। ये रहा मेरा गन पाउडर वाला फार्म और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं AFK बैठा हुआ था इसलिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे गन पाउडर पड़े हैं। चलो तो इसको अपन सर्कल बॉक्स में हमारे डाल लेते हैं और चलते हैं हमारे बेस पे। तो ये जो जॉइंट एक सर्कल दिख रहा है ना तुमको, यहाँ पे मैं एले का घर बनाना चाहता हूँ क्योंकि यार नीचे का भी ब्लू मैच करेगा ऊपर के ब्लू वाले एले के वाइब से। सबसे पहले मैं अंदर में यहाँ पे बहुत सारे ग्लोस्टोन लगा देता हूँ, उसके ऊपर मैं कारपेट लगा दूंगा जिसके कारण कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होंगे। यार ऑलरेडी मेरे ग्लोस्टोन्स पूरे खत्म हो चुके हैं और मैं अभी माइन करने नहीं जा रहा यार, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम जाने वाले हैं अब पिलेजर आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए क्योंकि यार मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा ताकि मेरे को एलिस थोड़े मिल सके। तो यहाँ पे लगभग 15 मिनट तक हमने को ट्रैवलिंग करने के बाद एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। क्या यहाँ पे हमको 1 मिनट यार, यहाँ पे तो मेरे को कोई भी ट्रैप वाले दिख ही नहीं रहा है प्रेजेंट जहाँ पे ये लोग एलिस को कैप्चर करते हैं। आई थिंक यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ना तो मेरे को कोई हॉर्न मिला ना एलिस मिले, सिर्फ ये गधे मिले। इनको ही मार के निकलते हैं अपन दूसरे पिलेजर आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी और देर ट्रैवलिंग करने के बाद हमको एक और पिलेजर आउटपोस्ट फाइनली मिल चुका है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यार यहाँ नीचे में प्रिजन है और इन्होंने एलिस को कैप्चर करके रखा है वहां पे। मैं एलिस के ऊपर आई थिंक ऐसे कुछ बोलते हैं यार, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है तो मैं एले ही करता रहूंगा। गोलम दादा थोड़ी सी मदद कर दो, 5 गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। अरे सर आजाद कर दिया आपको, अब तो लड़ लो यार। ओके थैंक यू। वन शॉट में सबको उड़ा देगा ये। तब तक अपन चलते हैं, इस वाले गोलम को भी आजाद कर देते हैं और चलते हैं एलिस को बचाने के लिए। जहां तक मेरे को पता है ना मैं इनको लीड थे। हेलो अबे एले भाई, लीड पहना रहा था मैं तेरे को मेरा। अबे वापस कैसे? ओके राइट क्लिक करने से वापस मिल जाता है क्या? ओके मेरे को लगा मेरा नेदरराइट का पिकैक्स गया। ओके तो अब मैं अपने लीड को राइट हैंड में पकड़ूंगा, उसके बाद इनको कैप्चर। ओके अब ये लोग आसानी से, उस बेचारे का सर फट जाएगा भाई, निकल जा। चलो घर चलते हैं, अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा तुम लोग को। इनको अगर मैं कुछ हाथ में दूंगा तो ये लोग पकड़ लेंगे ना, एक बार ट्राई करते हैं। ये लोग गधों बहुत दिनों से भूखे होंगे, तुम लोग खा लो कुछ, तुम्हारा भी पेट भरेगा और वापस इनसे लीड लगाना पड़ेगा और लेट्स गो घर। एंड मैंने जितना सोचा था इनको घर ले जाना उतना आसान नहीं होने वाला था यार। मैं इनको रॉकेट से नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये लोग बार बार टूट जाते हैं और तुम देख सकते हो ऑलरेडी मैं लीड्स खोना चालू कर चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ 4 लीड बचे और मैं 8 लीड्स लेके आया था यार। पहले तो ये लोग रॉकेट में बैठ जाते थे, अभी देखो बार बार इनका लीड टूट जाता है और मैंने बहुत सारे लीड इसी चक्कर में खो चुके हैं। तो आई गेस हमको हमारे पूरे 10,000 तक के ब्लॉक्स की जर्नी को पैदल ही करना पड़ेगा। तो जब तक हम घर पहुंच रहे हैं मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि यार बहुत से लोग जो हमारी वीडियोस को देखते हैं एक्चुअली में सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में तुम एंटरटेन होते हो देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस साल हमको 500K रीच करना है एंड विद यू गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि हम बहुत जल्द रीच कर जाएंगे। सो विदाउट एनी मोर बकवास वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम इसको देख सकते हो मैं ले आया हूँ यहाँ पे इनको, अब बोर्ड्स के अंदर मैं डाल देता हूँ जल्दी से ताकि ये लोग सेफ रहे। और एलिस के घर बनाने के पहले मैं ना एंशियंट सिटी को भी डिस्कवर करना चाहता हूँ क्योंकि यार वो न्यू अपडेट में आया और मैंने आज तक वार्डन से फाइट नहीं किया, तो मैं जाना चाहता हूँ उस सिटी में और वार्डन से 1v1 करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्ट्रिप माइनिंग करके आराम से वार्डन को ढूंढ लूंगा,
लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सही मेथड नहीं है और ये वाले स्टोन को तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड गूगल बाबा ने बताया हमको कि वार्डन का जो सिटी होता है वो किसी माउंटेन एरिया में रहता है और माउंटेन्स के अंदर रहता है, तो इसलिए मैं फिर चले गया रॉकेट्स लेके माउंटेन्स को ढूंढने के लिए। एंड आधे घंटे तक सर्च करने के बाद हमें वो एंशिएंट सिटी मिल ही गया, जहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा सेफली फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को स्नीक का अचीवमेंट मिला है, जिसका मतलब है कि मैं किसी स्कल के सामने में स्नीक कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को स्नीक 100 मिल चुका है। भाई यहाँ पे रखा है एक टू चेस्ट और इस चेस्ट के अंदर भाई स्कल सेंसर मिल चुका है मेरे को और भी कुछ मेरे को अच्छे अच्छे बुक्स मिल गए यहाँ पे। ये न्यू वाली बुक आई गई? नहीं यार, ये तो पुरानी वाली बुक से मिली है मेरे को, थॉर्न्स मिला। अरे यार कोई बात नहीं, लेकिन ये डायमंड हो बहुत ही अच्छा मिल चुका है अपने। ओ भाई जैसे कि तुम मेरे सामने देख सकते हो यहाँ पे एक वार्डन स्पॉन हो चुका है, लेकिन मेरे को इस वार्डन से लड़ने का कोई भी शौक नहीं है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिला, जिसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल नेदरराइट का डायमंड का हो था और उसमें दो बुक्स और रखे थे और उसमें न्यू बुक भी थी स्विफ्ट स्नीक की। फिर मैं निकल गया अपने घर की तरफ, क्योंकि यार अभी भी हमको हमारी बिल्डिंग कंप्लीट करनी है। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने सारे स्टोरेज को फिर से सॉर्ट आउट किया एंड इट्स फाइनली टाइम टू बिल्ड। लेकिन यार मैं ना वहां से ग्लोस्टोन लाना भूल गया हूं, तो आई थिंक आई शुड गो एंड कलेक्ट सम ग्लोस्टोन। ओके नेवर माइंड, आई चेंज माय माइंड, मैं ग्लोस्टोन यूज नहीं करूंगा। यार ये कितना ज्यादा भद्दा लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस ग्लोस्टोन को ऐसे 5-5 के गैप में रखूं तो ये काम बन सकता है। यस, अभी सारे 5-5 के गैप में हो चुके हैं। अगर मैं अब यहाँ पे वूल रख दूं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देगा। यस एक्सीलेंट, तुम देख सकते हो ये कितना ज्यादा सही लुक दे रहा है। और ये ग्लोस्टोन का तुम टेंशन मत लो, इसके ऊपर अगर मैं कारपेट रख दूंगा ना तो ये ग्लोस्टोन भी हाइड हो जाएगा, लेकिन ये स्टिल हमको लाइट देता रहेगा, तो यहाँ पे कोई और मॉब स्पॉन नहीं होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कारपेट रख दिया हर एक ग्लोस्टोन के ऊपर, तो इससे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है यार कि यहाँ पे ग्लोस्टोन रखा भी हुआ है और यहाँ पे आप कोई भी मॉब स्पॉन भी नहीं होंगे। और अब मैं बनाने वाला एक पिक्सल आर्ट हमारे एले के लिए। मैंने ये देखा था किसी रेडिट के पेज में, जो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने वाला है। रुको मैं तुमको बना के दिखाता हूँ जस्ट अभी। कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन नहीं यार मेरे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। एक सेकंड, अब लग रहा है हमारा एले का स्टैचू एकदम परफेक्ट। एंड अब टाइम आ चुका है इनके लिए हाउसेस बनाने का, जहाँ पे ये लोग एक्चुअली रहेंगे। एंड मैं तुमको पहले बता दूं, मुझे बिल्कुल भी बिल्डिंग करने नहीं आती है, बट आई थिंक अगर मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी यूज करने वाला हूँ और इनको एग्जैक्टली विलेजर के हाउसेस के जैसे बनाने वाला हूँ। यहाँ पे कोने से इसको तोड़ देता हूँ एंड आई नो ये विलेजर्स की कॉपी है, लेकिन गेट लगाने के बाद ये कितना ओपी लग रहा है तुम देख सकते हो। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक सेकंड हाउस भी बना दिया एंड मैंने इसको इस तरह फेस किया ताकि मैं यहाँ पे एक पाथ बना सकूं और एक रोड रहे इस पूरे विलेज में। एंड आई नो घर बहुत ही प्लेन लग रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़े से डेकोरेशन कर दिए, बटन्स भी लगा दिया और लैंटर्न भी लगा दिया, जिसके कारण घर और भी उभर के आ रहा था। ये बीच वाले घर को ना मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता था, बिकॉज एज यू गाइस नो किसी भी टाउन में एक टाउन हॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे लोग बैठ सके, वहाँ पे मीटिंग कर सके, इसलिए इस एले के टाउन में भी एक हम टाउन हॉल बनाएंगे। जैसे कि तुम देख ही सकते हो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को भी वो विलेजर वाला हाउस ही बना रहा हूं, लेकिन बस इसको स्केल में मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। आई थिंक सामने से ये बहुत अजीब लग रहा है, लेट मी फिक्स दैट। फिर मैंने इस टाउन हॉल के सामने वाले स्ट्रक्चर को ठीक किया और पूरे टाउन हॉल को बना दिया। यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये टाउन हॉल तुमको कैसा लगा, मैंने अंदर में थोड़े पिक्चर्स भी डाल दिए यहाँ पे। और फिर मैंने बाजू में भी दो और घर बना दिए, तो इन टोटल इस वाले विलेज में 4 घर होने वाले हैं और एक बड़ा सा टाउन हॉल होने वाला है। अरे हाँ, मैंने यहाँ पे फायर पिट जैसा कुछ बनाने का ट्राई किया, लेकिन मेरी बिल्डिंग स्किल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे को ये बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और तुम देख सकते हो एंड रिजल्ट भी उतना खास तो नहीं आया, बट पर्सनली भाई आई love it। And right side में ये वाला कैंप फायर लगाने के बाद I think हमारा बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे को यहाँ पे ग्रास भी लगा देने चाहिए यार, क्योंकि एक पाथ होता है ना तो तब एक्चुअली विलेज वाली फील आती। तो फिर मैंने जल्दी से हमारे विलेज में एक पाथ बना दिया और अब जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा पूरा पूरा एले टाउन कंप्लीट हो चुका है। एंड हाँ यार, एक छोटा सा अचीवमेंट करना था मेरे को एलेस के साथ, वो कर लेता हूँ मैं। अगर ये इसको पिकअप करेगा तो ये देखो हमको हमारा बर्थडे सॉन्ग का अचीवमेंट मिल चुका है।
और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारी सिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और इस एंगल से ये कितना ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। तो आज हम यूज करने वाले 60,000 से भी ज्यादा ग्लास ब्लॉक ताकि हम अपने ओशन मॉन्यूमेंट के बेस को कंप्लीट कर सके और इस पूरे बेस को बनाने में 50 आवर से भी ज्यादा टाइम लगा है। तो प्लान हमारा सिंपल होने वाला है, हम 7 लेयर्स ऑफ ग्लास यूज करेंगे पर्पल और मैजेंटा कलर के और बॉटम में हम लावा रख देंगे क्योंकि लावा एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है लाइट का। एंड ऑब्वियसली जितना मैंने सोचा था ये उतना इजी टास्क नहीं होने वाला है क्योंकि जैसे कि तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, माइन करते टाइम जितने भी मॉब यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर वो सब मेरे पीछे पड़ रहे थे क्योंकि यार ये पूरा ओशन मॉन्यूमेंट के नीचे का हिस्सा डार्क था। लेकिन मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी और मैं फिर से लग गया माइनिंग पे क्योंकि मेरे को बहुत सारा यहाँ से ग्रेवल हटाना था और बहुत सारे स्टोन्स हटाने थे ताकि मैं अपने ओशन मॉन्यूमेंट के बिल्ड को कंप्लीट कर सकूं। सो इन टोटल हमको पूरे के पूरे 8 लेयर हटाने हैं क्योंकि 8वें लेयर पे हम लगाने वाले हैं लावा को। एंड मैंने तो सोचा था यार कि ये पूरे लेयर्स को हटाने में सिर्फ मेरे को 1 से 2 घंटा लगेगा हेज 2 के साथ, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा एरिया है कि ये पूरा करने में मेरी हालत खराब हो गई। अच्छा तुमको कुछ सेटिस्फाइंग देखना है तो ये देख लो। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। नेवर माइंड, मैंने और भी बहुत सारे शवर्स लेके आए, वाला ब्रेक हो गया कोई बात नहीं। ओके सो नाउ आई कैन फाइनली ईट, मैं तुमको बचा सकता। अबे यार ये बेवकूफ बच गया। शू 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 शू, अबे मर ही नहीं रहा है, मर जा भाई मर जा। एक काम करते शॉट से मारता हूँ। ओके नाइस। तो जैसे कि मैं बता रहा था अब हमारे 3 लेयर कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ 5 लेयर बचे हैं, फिर हमारा ग्लास लगाना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ मेरा पिकेक्स ऑलमोस्ट टूटने वाला है और मेरा ये मेन पिकेक्स है तो इसको हम टूटने तो दे नहीं सकते, तो इसलिए हम जाएंगे थोड़ा सा अपने घर की तरफ, वहां पे अपन अपने पूरे पिकेक्स को रिपेयर करेंगे और फिर वापस आएंगे। और जब तक मेरा यहाँ पे पिकेक्स रिपेयर हो रहा है मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो के किसी पार्ट में तुम एंटरटेन होते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब क्योंकि इस साल हमको 500K रीच करना है। तो विदाउट एनी मोर बकवास वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 और लेयर ब्रेक कर दिया था और तुम देख सकते हो मेरे पिकेक्स की हालत कितनी ज्यादा फिर से खराब हो चुकी है। वेल लेकिन 2-3 बार रिपेयर करने के बाद फाइनली मैंने ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया था और अब टाइम आ चुका था लावा डालने का। ओके तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ग्लो स्टोन्स का भी यूज कर लेता हूँ जो कि तुमको इन फ्यूचर में पता चलने वाला है, जो कितना फालतू आइडिया था क्योंकि यार ग्लो स्टोन के थोड़े थोड़े पैचेस ना उस ग्लास के थ्रू दिख रहे थे जो कि बहुत बेकार लग रहे थे, इसलिए बाद में मैंने इसको चेंज कर लिया था और फिर मैं लग गया ग्लासेस लगाने के लिए। एंड हाँ ये मेरे को लगा तो नहीं था लेकिन ये इस पूरे वीडियो का सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे जो तुम देख सकते हो ना पिलर्स ये आधे अधूरे हैं, इनको भी मेरे को फुल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है इस तरीके से। और ये लग गया मेरा फाइनल पीस और इसी के साथ आई नो अभी तक हमारा हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ और मैंने कम से कम 16 स्टैक्स ऑफ ग्लासेस को यूज कर चुका है ऑलरेडी। लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, मेरे घर पे बहुत सारा ग्लास मैंने रखा हुआ है और बहुत सारा सैंड भी पड़ा हुआ है, तो जल्दी से चलते हैं और अब बहुत सारे अपने लिए फिर से मैजेंटा के ग्लासेस बना के लाते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने सारे रेड और ब्लू कलर के डाइज को कन्वर्ट कर लिया पर्पल डाइज में और यहाँ पे मैंने बहुत सारे सैंड भी स्मेल्ट करके रख लिए थे, तो हमारे पास इनफ ग्लासेस हो जाएंगे कि हमारा फर्स्ट लेयर तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 16 स्टैक्स है, सो लेट्स सी कि हम अपने कितना कंप्लीट कर पाते हैं। ओके तो 16 स्टैक्स कब यूज हो गए मेरे को पता भी नहीं चला और अभी तक हाफ तक कंप्लीट नहीं हुआ यार ये। फिर मैं वापस घर आ गया, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि यार इतने सारे ग्लासेस में कहां से लाऊंगा और इतना सारा स्मेल्ट में कैसे करूंगा। तो फिर मैंने अपने सुपर स्मेल्टर की एफिशिएंसी को डबल कर दिया ताकि मैं बहुत सारे ग्लास बहुत ही कम टाइम पे स्मेल्ट कर सकूं और ये सब करने के लिए क्रीपर ने मेरे को प्यारा सा रिवॉर्ड भी दे दिया। लिटरली जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है ना माइनक्राफ्ट के अंदर वो सब हो रही है मेरे साथ राइट नाउ। फिर मैंने रात भर चालू करके छोड़ दिया अपने दोनों के दोनों सुपर स्मेल्टर्स को। एंड जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ग्लास आ चुके हैं, लेकिन प्रोबेबली इससे भी मेरा पूरा का पूरा लेयर कंप्लीट नहीं होगा भाई, मेरे को बहुत ज्यादा ग्लासेस की जरूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारे पास जितना अपन उसको लगा के देख लेते। ओके जब तक ये ग्लास लग रहा है मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि यार आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत टाइम से अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आई नो हार्डकोर की भी सीरीज में बहुत दिनों पार्ट डाल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं बस कहना चाहता हूँ कि देखो वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी अब होपफुली, और कुछ इश्यूज थे जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था जो कि अब रिजॉल्व हो चुके हैं और मैं डिफरेंट गेम्स के भी वीडियोस अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। तो यार एक बार आप बता देना कि आपको कौन से माइनक्राफ्ट के अलावा गेम्स पसंद है जो आप देखना चाहोगे, तो फिर मैं वो वाले वीडियोस भी अपलोड करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग का फेवरेट गेम कौन सा है। एंड जस्ट लाइक दैट हमारा एक लेयर फाइनली कंप्लीट हो चुका है और बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड लेयर को भी कंप्लीट करना चालू कर देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने जितने भी ग्लास लाए थे वो मैंने सब यूज कर लिए, बट स्टिल अभी भी हमारा सेकंड लेयर का हाफ कंप्लीट नहीं हुआ ढंग से, और मेरे पास जितने भी सैंड बचे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, हमने 3000 से भी ज्यादा मैजेंटा के ग्लासेस को यूज कर लिया और 7000 से भी ज्यादा पर्पल ग्लासेस को यूज कर चुका है। एंड बाय द वे, हाँ, मैंने एक सैंड ऊपर भी बना लिया क्योंकि यार बहुत सारे सैंड की जरूरत थी और इतना सारा सैंड कलेक्ट करने में ना मेरी हालत खराब हो जाती है। एंड आई डोंट केयर तुम लोग क्या सोचते हो, ठीक है, मेरे लिए ये बिल्कुल ओके है। तो फिर मैं कुछ दिनों तक यहाँ पे एएफके बैठा हुआ था ताकि मेरे को बहुत सारे सैंड मिल जाए और हमको बिल्कुल भी सैंड की अब कमी नहीं होने वाली है। और हाँ, जब मैंने सैंड ऊपर बनाया तो मेरे को रियलाइज हुआ यार मेरे पास फ्लावर्स की भी बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि मैं डाई बना नहीं पा रहा हूँ एफिशिएंटली, इसलिए मैंने एक छोटा सा फ्लावर फार्म भी बना लिया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा था। एंड मैंने थोड़ा साउंड कम कर लिया वरना तुम्हारे कान फट जाते यहाँ पे। तो अब मेरे पास सारे कलर आ चुके हैं, मेरे पास बहुत सारा सैंड भी आ चुका है, अब बस मेरे को वहां जाना है और जाके ये पूरे ग्लासेस को लगाना है। यहाँ पे अपने सारे प्लेन ग्लासेस को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं पर्पल ग्लासेस में, चलते हमारे ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ। ओके, सो आई एम बैक एंड फिर से ये बोरिंग वाला काम चालू हो गया हमारा। दो लेयर तो यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यार ये जो नीचे में तुमको दिख रहा है ना, मैंने ग्लोस्टोन लगाया है, ये मेरे को हटाने का बहुत मन कर रहा है तो इसको मैं बाद में जरूर से हटा दूंगा। ओके, तो यू गाइस गेट ना कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। फिर से मैं पूरा का पूरा लेयर कंप्लीट करने वाला हूँ और हर एक लेयर को करने में ना मेरे को एटलीस्ट 2 घंटे लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारा ग्लास प्लेस करना रहता है एंड पूरा ग्लासेस को कलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे शल्कर बॉक्सेस को रख लिया है और यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने थोड़े टाइम पहले बहुत सारे ग्लासेस को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया था, आई मीन सैंड को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया था, और मेरे पास बहुत सारे ग्लासेस यहाँ पे आ गए। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉड होना जिससे मैं इनको एकदम आसानी से क्राफ्ट कर सकूं तो मेरे को जरूर बताना क्योंकि मैं मॉड ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो ये वाले शल्कर बॉक्स में अपन पर्पल वाले को रख देते हैं। और हाँ, मेरे को हमारे यहाँ पे फ्लावर फार्म में आना पड़ा क्योंकि हमारा सारा का सारा डाई खत्म हो चुका था। देखो, डाइस तो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए थे, अब मेरे को बस यहाँ पे इन सबको कन्वर्ट करना था ग्लासेस में कलरफुल, और मेरे को जाना था हमारे ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे अपने सारे शल्कर बॉक्सेस को यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और चलते हैं। एंड आई थिंक ये हमारा फाइनल ट्रिप होने वाला है ग्लासेस को कलेक्ट करने के लिए क्योंकि हमारे सारे लेयर्स इसी के साथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये रहा वो फाइनल ब्लॉक, इसको लगाने के बाद हमारा पूरा का पूरा लेयर्स कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि तुम देख सकते हो, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और कितना ज्यादा फॉगी इफेक्ट ये सच में दे रहा है। लाइक आई एम रियली इंप्रेस्ड, इतना मैंने कभी बिल्ड नहीं किया था यार। इसको कम से कम 60,000 से भी ज्यादा मेरे को ब्लॉक्स लगाने पड़े यहाँ पे तब जाके ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन आफ्टर रिजल्ट जो आया ना ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। बट आई स्टिल फील लाइक ना कि थोड़ा सा कुछ तो मिसिंग है। ये नीचे का तो बहुत अच्छा लग रहा है बट बाजू में जैसे कि तुम देख सकते हो, ये सैंड, ये येलो कलर का वाइब ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पूरे ओशन मॉन्यूमेंट को भी कन्वर्ट कर दूंगा मैं ग्लासेस से। हाँ, बीच वाले ओशन मॉन्यूमेंट को हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए पूरे ओशन मॉन्यूमेंट के बॉर्डर्स को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमको याद होगा तो मैंने अपने ओशन मॉन्यूमेंट के चारों तरफ बहुत सारे बीकन्स लगाए थे ताकि एक कूल इफेक्ट मिल सके। तो अब उस कूल इफेक्ट को आ चुका है टाइम पिंक करने का, आई थिंक पर्पल करने का। तो देखते हैं अब ये कैसा लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी बीकन्स थे मैंने उनको सारे को पर्पल कर दिया, लेकिन यार ये उतना खास नहीं लग रहा और मेरे को बहुत ज्यादा लैग करवा रहा है ये। यार देखने में ये कूल तो है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लैगी हो रहा है और मेरा पीसी इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके लिए अभी के लिए हम ये सारे बीकन्स को बंद कर देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा था यार, मैं अगर साइड में भी ऐसे इन ग्लासेस को लगा दूं तो कितना कूल लगेगा ना। ऐसा लगेगा कि पूरा हमारा एक ग्लास डोम के अंदर में ओशन मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ पे मैं पूरे ग्लासेस को लगा देता हूँ, उसके पहले इन बीकन्स को बंद कर दूं, ये बहुत ही ज्यादा लैग करवा रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे मैंने सारे ग्लासेस को लगाने का काम चालू कर दिया है और ये बहुत ही लैग फ्री अब फील हो रहा है मेरे को। तो मैं पूरे ग्लासेस को लगाने के बाद तुमसे मिलता हूँ। ओके, तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर के लेयर में मैंने पर्पल के ग्लासेस लगा दिए और मैं सोच रहा हूँ उसके नीचे का जो लेयर होने वाला है ना, मैं उसको मैजेंटा का बनाऊंगा। तो थोड़ा सा वैरायटी भी रहेगा और थोड़ा यूनिक भी लगेगा हमारा ओशन मॉन्यूमेंट का बॉर्डर। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा ग्लास यहाँ पे लगा दिया है और तुमको एक आइडिया मिल जाएगा अब कि मेरा प्लान क्या है। यहाँ पे मैं पूरे तरीके से इसको ग्लास में कवर करना चाहता हूँ और फिर देखेंगे हम कि हमारा पूरा का पूरा बेस कैसा लग रहा है। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने 30,000 से भी ज्यादा ग्लास के ब्लॉक्स को यूज कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारा पूरा का पूरा ओशन मॉन्यूमेंट का बेस जो कि एक स्ट्रक्चर बाहर का हमको बनाना था कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज द लास्ट टाइम मैं टाइम स्किप कर रहा हूं और जैसे कि तुम देख सकते हो, हमारा पूरा का पूरा ओशन मॉन्यूमेंट के बाहर के स्ट्रक्चर का बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। ये कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार, कितना अच्छा फॉग इफेक्ट लग रहा है और बाहर के बॉर्डर्स तो भाई
कितने प्यारे लग रहे हैं ये, जैसे कि तुम देख सकते हो ये बिल्ड करने में मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए ये वीडियो में दो पार्ट आने वाली है, क्योंकि यार अंदर के उशिन मॉन्यूमेंट को भी कन्वर्ट करेंगे अपन, वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, अभी के लिए इतना। देखो यार वीडियो पसंद आई होगी ना तो बिल्कुल लाइक कर देना, कोई भाई एकदम फ्री होता है लाइक करना और सब्सक्राइब करना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम है लाइक करने का और मेरा पूरा दिन बन जाएगा। ये हार्डकोर की सीरीज ना अब आते रहेगी, ये फर्स्ट एपिसोड था इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का सेकंड एपिसोड आएगा कुछ ही दिनों में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट जब हमारे पूरे ओशन मॉन्यूमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।